तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथरनेट केबल, इसके बारे में आइडिया कंप्लीट होना चाहिए हम सब लोगों को कि इथरनेट केबल क्या है, कैसे फंक्शन करता है और डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये केबल भी आप लोग अवेयर होंगे इस केबल से, और ये जो केबल है इसी का एक एग्जांपल है। ये सभी एक कैटेगरीज की केबल हैं, एक सिंपल वर्कफ्लो के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे इधर भी आपको सेम केबल मिल जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिखा दूँ, फाइबर ऑप्टिक केबल भी आप लोगों को फाइबर इथरनेट केबल और इथर केबल ऐसे मिलेगा। ये फाइबर बेस कनेक्शन आई थिंक या दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हमें एक फाइबर बेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल ये आपको मिल जाता है। ओके, तो ये हमारा ये जो केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है। एक और केबल हमें देखने को मिलता है जो कि क्या होता है, कोएक्सियल केबल। आई थिंक कोएक्सियल केबल से भी सभी लोग अवेयर होंगे, है ना, कुछ ऐसा। एंड सेटअप बॉक्स, टीवी के कनेक्शन और इन सब चीजों के लिए आपने देखा होगा, या टॉल नेटवर्क पे इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। काफी पावरफुल केबल है और काफी हैवी थ्रोपुट के लिए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। RG6 कोएक्सियल केबल है, ये सारी चीजें जो कि आपके यस यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा रहा है, टीवी वगैरह के कनेक्शन और इसके केबलिंग और इन सब चीजों को करने के लिए दिखाया जाता है। काफी हैवी डेटा थ्रोपुट ये प्रोवाइड करता है, टीवी कनेक्शन और एरियल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो सिंपल ये कुछ केबल कैटेगरीज हैं जो कि वन बाई वन करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अमेजोन पे, तो यहाँ पे इथरनेट कैटेगरी 8, कैटेगरी 8 एक इथरनेट केबल है। वैसे मैं यहाँ से लोकेशन अपना इंडिया दे दूँ, अमेजोन और जस्ट .in, और मैं यहाँ पे इथरनेट केबल, समझिएगा क्या क्या है सारी चीजें। और यहाँ पे आप देख सकते हो RJ45 कनेक्टर कैटेगरी 5E। एक्चुअली इथरनेट की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लाइक कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ढेर सारी कैटेगरीज आई हुई है। तो इसको एज ए ट्विस्टेड पेयर केबल बोला जाता है, और ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैन नेटवर्किंग के लिए। और मतलब कि अगर एक पूरा प्रोडक्शन लेवल है और इनसाइड के जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ही यूज किया जाता है। इसमें आपको ये जो कनेक्टर देखने को मिल रहा है दिस वन यहाँ पे, ये आपका RJ45 कनेक्टर बोला जाता है। ये आपका क्या है, RJ45 कनेक्टर है। और इसमें कितने पिंस का ये कनेक्टर होता है, ये सब चीजें याद रखेंगे। 8 पिंस का कनेक्टर है, इंटरव्यू एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव और इन सब चीजों के लिए रेडी रहेंगे आप। तो 8 पिंस का इसमें कनेक्टर आता है। इसकी कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी 1 से लेकर ये 8 तक अभी मार्केट में अवेलेबल है, बट 1, 2, 3, 4 तक की कैटेगरी आपको यूजलेस या नहीं यूज में अभी आपको रहेगा। एंड फर्दर अगर आप देखेंगे 5, 6, 7 एंड 7A या 8 बोल सकते हो, ये कैटेगरीज अभी आपकी अवेलेबल है। अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस में दिखाता हूँ, इन सभी को डिफरेंशिएट करते हैं और समझते हैं। केबल का पता तो वही हो गया, केबल आपका एक डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है ना, या एक मीडियम, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल एक मीडियम का काम करता है और इसको यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जब टाइप किया लाइक कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 5 है, इसमें 100 Mbps तक का आपको स्पीड देखने को मिलता है। अगर आप कैटेगरी 6 या इथरनेट कैटेगरी आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इथरनेट कैटेगरीज में आपको यहाँ पे टोटल कैटेगरी मिल जाएगा IEEE
के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। IEEE ने इसको या ये सारे स्टैंडर्ड और इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है, और यहाँ से आप देख सकते हो IEEE के अकॉर्डिंग या अनदर IEEE एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करने का काम करता है इनको। एंड 1, 2, 3, 4 आई थिंक यहाँ तक की जो टेक्नोलॉजी है अभी आपके यूज में नहीं है। कैटेगरी 5 आप देखेंगे 100 Mbps का कनेक्शन स्टार्ट करता है, और इसका जो स्क्वायर फिट मतलब सॉरी एरिया है वो 100 MHz से 100 मीटर तक की केबल सपोर्ट करता है, और 100 बेस T, 100 बेस मतलब 100 Mbps की स्पीड से ये डेटा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। टी स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्लियर है। ये अगर कहीं एक्सपेंड करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो, इस कोड का मतलब क्या है, 10 100 बेस T, 10 बेस T है तो 10 Mbps ट्विस्टेड पेयर केबल आपका यूज किया गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है। कैटेगरी 5 आपका 1 Gbps स्पीड प्रोवाइड करता है, कैटेगरी 5E जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसका। एंड यहाँ पे 1 Gbps के साथ सेम कैलकुलेशन स्पीड है, एंड 100 मीटर का ये भी है, एंड ये भी हमारा 100 बेस T इथरनेट के साथ वर्क कर सकता है या करता है। यानी कि अगर हायर लेवल की केबल है तो उसको एज अ लो लेवल की केबल या लो लेवल की फ्रिक्वेंसी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर 100 Mbps का 1000 Mbps है तो ऐसा नहीं है कि वो आप 10 Mbps के नेटवर्क में नहीं यूज कर सकते। यू कैन यूज, आप 10 Mbps के नेटवर्क में यूज कर सकते हो, अनदर डिफरेंट डिफरेंट जैसा चाहे वैसा आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी 6 में, तो कैटेगरी 6 सॉरी काफी यस कैटेगरी 6, तो कैटेगरी 6 में 1 Gbps का स्पीड मिलता है, बट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रेट ज्यादा है तो इसका थ्रोपुट जल्दी मिलेगा। जैसे 1 सेकेंड में अगर ये XYZ वॉल्यूम का डेटा ट्रांसफर कर रहा है या 100 MB, तो ये 1 सेकेंड से भी कहीं क्या कर देगा, हाफ टाइम लेगा, यानी कि हाफ सेकेंड के अंदर ये डेटा ट्रांसफर करेगा क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी रेट उससे कहीं ज्यादा है। बाकी यहाँ पे इसका डिस्टेंस देख सकते हो कितना कवर होगा, और GB इथरनेट इसको बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा 6A का एक्सटेंडेड वर्जन है वो 10 Gbps का स्पीड प्रोवाइड करता है, 10 Gbps, 8 आपका 40 Gbps तक का स्पीड प्रोवाइड करता है। बस ये कॉमन डिफरेंस आपको याद रखना है कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, बाकी कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं है आपको। ओके, आई थिंक क्लियर है इतना सभी को। यस सर। तो कैटेगरी और स्पीड वैसे रेयर कंडीशन में इस CCNA लेवल पे आपसे पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, पूरा देखते हैं इसका मॉडल केबल। ओके, तो 3 टाइप्स मैंने बताया। पहला बताया ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। सेकेंड मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कोएक्सियल केबल, एंड थर्ड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा फाइबर केबल। ओके, आर ऑप्टिकल फाइबर, आर फाइबर ऑप्टिकल केबल, जैसा भी आप बोले। ट्विस्टेड पेयर केबल मैक्सिमम आपका लैन इन्वायरमेंट में यूज होता है, या बोल सकते हो बैकबोन केबलिंग, इसके थ्रू नहीं यूज किया जाता, बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत ही स्मॉल नेटवर्क है तो बैकबोन केबल आप यूज करते हो। अब बैकबोन केबल क्या होता है, जैसे 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर में सभी फ्लोर का एक केबल का मास्टर कनेक्शन होता है, अगर ऐसा करना है तो आप ये वाली केबल नहीं यूज करेंगे, वहां फाइबर या कोएक्सियल आप यूज कर सकते हो ताकि आपका बैकबोन केबल प्रॉपर वर्क करे, काफी थ्रोपुट ले क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजों को लेकर हमें ऐसी केबल को इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि ये केबल स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया होता है एक सिंगल होस्ट को एक्सेस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और ये सारी चीजें। लगभग में आप सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको पता होगा कि दिस इज द केबल टू कनेक्ट ओनली पीसी टू स्विच, आरपीसी टू राउटर, या राउटर टू स्विच, ऐसे लोकल एरिया में एक सिंगल होस्ट टू होस्ट कनेक्शन कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसका एक सिंगल केबल लेंथ या सेगमेंट कितना होता है, 99 मीटर, 0 to 99 या 100 मीटर बोल सकते हो, 1 to 100। तो ये 100 मीटर का एरिया अभी आपने देखा कवर करता है। एक सेगमेंट लेंथ इसका कितना हो सकता है, 100 मीटर का हो जाएगा। प्लस इसका जो मैक्सिमम कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 हटा दें, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ओके, कैटेगरी 5 आपका 1000 Mbps तक का स्पीड मिलेगा, इधर आपका अप टू 1 Gbps या 10,000 Mbps तक का स्पीड मिल जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे 10,000 प्लस प्लस ये इसके साथ मिलके 40 Gbps या 40, 10 प्लस 40
जीबीपीएस तक की स्पीड को ये प्रोवाइड करेगा। ओके, ये आपका जीबीपीएस है। तो ये मैक्सिमम स्पीड आपका स्टार्ट होता है 100 Mbps से आज के समय पर, और अभी हम इसको यूज करते हैं। जो हमारा 100 Mbps, याद रखेंगे कुछ टेक्निकल वर्ड इनको मार्केट में बोला जाता है या इंडस्ट्री में ऐसे बोला जाएगा, तो क्या बोलना है इसको। जैसे अगर हमारा 100 Mbps फास्ट इथरनेट केबल लगा हुआ है, तो सॉरी फाइव कैटेगरी फाइव की केबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, फास्ट इथरनेट केबल। फास्ट इथरनेट इन द सेंस 100 Mbps तक का कनेक्शन ये सपोर्ट करेगा। अनदर कैटेगरी सिक्स है, कैटेगरी सिक्स बोल सकते हैं उसको। कैटेगरी सिक्स जो हमारा है वो आपका जीबी इथरनेट, जीबी ईटीएच केबल बोलेंगे, जो कि 1000 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, या 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करता है, राइट। एंड कैटेगरी सेवन आपका 10 Gbps तक की स्पीड को सपोर्ट करके देगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे 10 GB इथरनेट केबल। तो याद रखेंगे अगर कहीं पे ऐसा कुछ बोला जाता है तो इसका स्पेसिफिक रीजन है। एंड अनदर आपका 40 GB इथरनेट केबल है, तो 40 GB इथरनेट आपको बोला जाएगा। ऐसे ही मार्केट में जो डिवाइसेस आती हैं उनको भी बोला जाता है, जैसे स्विच है अगर, तो बोला जाता होगा इथरनेट स्विच। कोई बता सकता है इथरनेट स्विच का स्पीड कितना मैक्सिमम सपोर्ट करेगा? 1000 इथरनेट, 1000 10 Mbps, राइट। सो इथरनेट आपका 10 Mbps सपोर्ट करता है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, एक एक चीज अभी ध्यान से बस देखिए। इथरनेट, सॉरी स्विच, मुझे बस डिवाइस दिखाना है, अवेयर रहो आप लोग, नेटवर्क स्विच लिखना पड़ेगा। ये आपने ऐसा डिवाइस देखा होगा, आप देख सकते हो ऐसा, तो ये प्रोडक्शन में लगा होता है, कंपनीज में लगा होता है, एक कनेक्शन को मल्टीपल कनेक्शन में कन्वर्ट एंड डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसे स्विचेज को इथरनेट स्विच बोला जाता है, FA ETH स्विच बोला जाता है, एंड GB ETH स्विच बोला जाता है। ऐसे 10 GB ETH स्विच अगर आ रहा है तो बोला जाएगा, एंड 40 GB ETH ऐसे आ रहा है तो बोला जाएगा। अभी आपको क्लियर हुआ, जहां पे आपका ETH यानी ईथरनेट लगा हो वो अप टू 10 Mbps का कनेक्शन है, FA ETH जहां पे फास्ट ईथरनेट अप टू 100 Mbps का है, जहां पे आपका GB ETH हो वहां पे आपको 1000 Mbps का है, जहां पे आपको 10 GB ETH हो वहां पे आपको 10000 Mbps का है, एंड देन अगर आपका 40 GB ETH है तो वो आपका डिवाइस ऐप अप टू 40 GBPS तक का कनेक्शन सपोर्ट करने वाला। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ETH, फास्ट इथरनेट एंड GB इथरनेट, ये ओके। तो ये जो कैटेगरी है ये स्पीड डिफाइन कर रहा है, और इसमें आपका इथरनेट, फास्ट इथरनेट ये सारी केबल्स आ जाती है। इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं। जैसे मैं यहां से एक टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूं, और मैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए ओके। तो ये आप देख रहे हो, एक मेरा बड़ा सा प्रोडक्शन का नेटवर्क है जहां पे ढेर सारे ब्रांच कनेक्टेड हैं। ये सारी चीजें मैंने डिफरेंट डिफरेंट केबल, कहीं ऐसा कुछ केबल है, कहीं ये केबल है, और भी केबल मैं यूज कर सकता हूँ, बट दो कैटेगरी मैंने यूज किया हुआ है, एक क्रॉस केबल और एक स्ट्रेट केबल। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज द क्रॉस केबल एंड व्हाट इज द स्ट्रेट केबल, ये सारी चीजें। एंड इधर वायरलेस नेटवर्क भी कनेक्ट हो रहा है, वायरलेस वाईफाई भी काम कर रहा है, पूरा नेटवर्क कुछ ऐसे ही हमारा कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। फाइनली अगर आप इधर देखेंगे तो ये जीबी इथरनेट दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में जी या बोल सकते हो गिग इथरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जीबी यानी कि 1000 Mbps तक की स्पीड आपको मिलने वाला है, राइट। आप किसी भी पोर्ट पे आएंगे, अगर चेक करेंगे जैसे कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखो यहाँ पे जीबी इथरनेट का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10B है। मैंने क्या बताया था, हायर तो सपोर्ट करेगा ही करेगा जितना होगा, बट उससे लोअर वर्जन में भी सपोर्ट करेगा, इवन देन 2 Mbps का कनेक्शन भी आप इससे लेना चाहेंगे मिलेगा, नो इशू। बट याद रखें कि ये मैक्सिमम 1 Gbps तक का कनेक्शन सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर फास्ट इथरनेट है, आप देख रहे हो, है ना, दिस इज द फास्ट इथरनेट। या किसी स्विच पर ऐसा मैं दिखाऊं जहां पे फास्ट इथरनेट है, या अनदर कोई डिवाइस राउटर है, तो स्विच पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 100 Mbps से लेके इतना कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश है। और अगर आपका 10 MB ओनली दिखा रहा है मैक्सिमम, तो आपका कनेक्शन वो क्या है,
ईथरनेट कनेक्शन में स्टेब्लिश किया गया है। प्रोडक्शन के अंदर जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को लेकर आपको टैग लाइन क्रिएट करना पड़ता है कि आपके राउटर से 4 लाइन गई हुई है तो कौन सी लाइन पे कितना एमबीपीएस का स्पीड सेट कर रहे हो आप। ये स्पीड एंड डुप्लेक्सिंग सेट भी किया जाता है। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कि मुझे एक कमांड अप्लाई करना है जो कि है GBGIG0/0/0, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँ, G0/0/1 है, एंटर किया, मैं कनेक्ट हो गया, मैं यहाँ से स्पीड सेट कर सकता हूँ। स्पीड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ऑटो मैं सेलेक्ट कर दूँ या फिर 100 Mbps या फिर 1000 Mbps या फिर 10 Mbps। 10 Mbps 10 Mbps का कनेक्शन देगा, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। समझ में आया। एंड स्पीड आपने अगर दे दिया, स्पीड मैंने दे दिया यहाँ पे कि चलो ठीक है मैं 10 Mbps का कनेक्शन दे रहा हूँ, 10 मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद कह रहा है कि लाइन लिख सकते हो आप अप टू 240 कैरेक्टर तक का। एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज GBETH एंड मैनुअल कन्फिगर बाई मैनुअल कन्फिगर विद 10 Mbps कनेक्शन, है ना, फॉर COS क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्लाइंट के लिए और फॉर कनेक्टेड होस्ट। आप लिख सकते हो जैसा भी एक डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको डिफाइन करो। जब भी आप इस पोर्ट की डिटेल चेक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया 100 स्पेस रनिंग इंफॉर्मेशन, और मैं पोर्ट 0/0/1 को चेक करूंगा जो कि 1 है, तो ये एज अ इंजीनियर को देखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने दिया हुआ है दिस इज ओनली फॉर दिस इज द GBETH पोर्ट, बट मैनुअल कन्फिगर हुआ यहाँ पे 10 Mbps के लिए, जो कि हमारा इससे जो भी कनेक्टेड होस्ट है, यानी कि राउटर 1, सॉरी ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 मान लिया, तो राउटर 2 या दूसरी साइड के राउटर के साथ, इसके साथ ओनली 10 Mbps का डेटा थ्रूपुट या स्पीड हमें मिलने वाला है। क्लियर हो रहा है कुछ टैग वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर होता है। दीज आर द बेसिक सेटिंग्स जो कि कंपनी के अंदर में भी हो, एज अ फ्रेशर या एज अ नया जब हम जाते हैं किसी कंपनी में काम करने, हमें डिवाइसेस मिल जाए तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज देखना है। पता चले कि हमारा GB इथरनेट कनेक्शन है वहां पे किसी ने लिमिट लगा रखा है, आपको नहीं आइडिया, और आप वहां पे बॉस बोलता है कि अभी इसमें लिमिट कम क्यों है, या इसका थ्रोपुट इतना स्पीड कम, मतलब कम क्यों है, इसकी स्पीड इतना डाउन क्यों आ रही है, जो कि ये हमारा 1000 Mbps देना चाहिए। तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, वहां पे आसानी से टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी को मैनेज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। हेलो, जी सर ओके हाँ यस सर ओके, तो यहाँ से इजीली मैंने डिस्क्रिप्शन चेक किया। ये सब आगे मैं कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कैसे क्या है, बट आइडिया रहे केबल को पढ़ते समय कि कैसे क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन नोट करने की जरूरत है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डुप्लेक्स मोड सेट किया मैंने, जस्ट यहाँ पे इस पोर्ट को सेट किया। स्पीड तो मैंने दे दिया, ठीक है, स्पीड मैं बाय डिफॉल्ट चाहता हूँ ऑटो पे लग जाए, क्योंकि सामने वाला कनेक्शन 10 MB से सेंड करे तो मैं 10 MB पे उसको एक्सेस कर लूं, 100 1000 जैसा रहे उस पे मैं दे सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ऑटो पर ही होता है, क्योंकि डिफाइन नहीं किया जा सकता कितना स्पीड कनेक्शन क्या रहा है, बट आप हायर के बीच में अगर एक लिमिटेड बैंड भी चाहते हैं तो ऐसा किया जाता है, कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस का, कभी कभी सर्वर को डाउन होने से बचाने के लिए, यूजलेस ट्रैफिक या इस तरीके का डीडॉस एंड डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के भी कंडीशन में ऐसा कुछ इंजीनियर को कंफिगर करना पड़ता है। और स्पीड ऑटो कर दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे डुप्लेक्स मोड भी सेट कर सकता हूँ। ये भी हमारे ईथरनेट के ही टेक्नोलॉजी या उसके कार्ड की डिटेल्स है, यानी कि दो चीजें मैंने बताया, एक हार्डवेयर, एक केबल होता है और एक उसका हार्डवेयर होता है, दोनों अभी दिखाता हूँ। डुप्लेक्स मोड मैंने यहाँ पे ले लिया ऑटो, क्योंकि डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड ऑटो, तीन होता है। ओके, तो इन तीनों का भी मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे या क्या पर्पज होता है। तो आते हैं इसी केबल के ऑप्शन में, एंड मैं डुप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स प्लस स्पीड, और एक चीज और मैंने यहां पे बताया, एक आपका मीडियम यानी कि केबल, और एक आपका हार्डवेयर डिवाइस। ओके, एक हार्डवेयर डिवाइस। तो दो चीजें हमें यहाँ पे देखना है, केबल तो आपने देख लिया, ट्विस्टेड पेयर फाइबर एंड कोएक्सियल, अभी मैं एक एक को सभी, अभी लंबा टॉपिक चलेगा, एक्सप्लेन करता हूँ। हार्डवेयर में आपका
जो कि एनआईसी कार्ड, निक कार्ड बोलते हो या एनआईसी कार्ड बोलते हो आप, दोनों बोला जाता है, जैसा भी आप अनाउंस करें, लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर ही इन सारे केबल्स को यूज किया जाता है, इंटरफेस कार्ड। अब ये कैसा होता है, आपने वायरलेस कार्ड भी देखा होगा, वाईफाई कार्ड भी देखा होगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एनआईसी ये देख रहे हो आप, ये हमारा वायर्ड कार्ड है, ऐसे ही वायरलेस भी इसमें होगा जिसमें एंटीना लगा होगा, दीज आर द वायरलेस कार्ड, और इन्हीं कार्ड पे इनका कनेक्टिविटी किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आपका लैन पोर्ट है, इसको लैन पोर्ट बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर यहीं पे कनेक्ट होता है, और इस कार्ड का भी स्पेसिफिक कैटेगरी है। ओके, सेम केबल जैसा ही कैटेगरी है, जैसे इथरनेट कार्ड, ईटीएच कार्ड, FATH कार्ड, और इनकी स्पीड ऐसे ही आ जाएगा। जो इथरनेट कार्ड है वो अप टू 10 Mbps का स्पीड सपोर्ट करेगा, जो आपका फास्ट इथरनेट है वो आपका 100 Mbps तक का स्पीड सपोर्ट करेगा, वन अनदर GB इथरनेट है 1000 Mbps का स्पीड सपोर्ट करेगा, अनदर है 10 GB इथरनेट का स्पीड सपोर्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये कार्ड डिजाइन होते हैं, यानी कि जो एनआईसी कार्ड होता है ये दो एड्रेस को आइडेंटिफाई करके यूज करता है। जो पहला एड्रेस आपका होता है यहाँ पे, फर्स्ट एड्रेस मैं देख दिखाऊं तो आपका हो जाता है आईपी एड्रेस। ओके, एंड एक और एड्रेस यहाँ पे असाइन किया जाता है जिसको बोला जाता है मैक एड्रेस। आई थिंक दोनों वर्ड से आप लोग अवेयर होंगे, है ना। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस जिसके थ्रू हम लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से पिंग करते हैं, और एग्जैक्ट डिवाइस का पता करने के लिए हम लोग वहां पे मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका यूज करते हैं, राइट। अब अगर मैक एड्रेस हम लोग देखें तो ये 12 डिजिट का होता है, ये भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी, या 48 बिट का होता है। ओके, 12 डिजिट और 48 बिट, और इसको चेक करने के लिए आपको मैं दिखाऊं तो गेट मैक कमांड टाइप करना होगा आपके विंडोज मशीन पर, लाइनेक्स पर इफ कॉन्फिग, या तो फिर आप अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर में हैं तो आपको इफ कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल लिखकर एंटर करना है। मैं राउटर पर हूँ, मुझे पीसी पर आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं किसी पीसी पर आ गया और मुझे इसका मैक एड्रेस देखना है, तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, लेट मी शो इफ कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल एंटर। अब यहाँ पे आपको मैक एड्रेस इस पीसी का दिखा देगा, रियल इन्वायरमेंट में आपको ये देखो मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो कि 12 डिजिट का यहाँ पे है। अब इस मैक एड्रेस को कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करके आप इजिली पता कर सकते हो कि इस कंपनी का ये हमारा एनआईसी कार्ड है। एक्चुअली काफी डिटेल्स एज अ सिक्योरिटी पर्पज से, जब रिसर्चर या जब कभी भी ऐसा जांच होता है, फॉरेंसिक जांच होती है कुछ भी ऐसे, तो इन छोटी छोटी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट करके क्रिमिनल्स तक पहुंचा जाता है, तो बहुत सारी डिटेल्स होती है। मैंने यहाँ पे लिखा मैक वेंडर लुकअप, तो मैंने जस्ट मैक एड्रेस देखा वो किसका है, और मैं इस मैक एड्रेस को यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है सिस्को कंपनी का है, तो सिस्को कंपनी से कांटेक्ट करके हम देख सकते हैं कि ये किसके नाम से रजिस्ट्रेशन और कुछ ऐसा था। आई थिंक एक लंबा प्रोसेस है, और इसीलिए अपनी डिवाइसेस को कभी भी सेकेंड हैंड सेल करते समय ये सब चीजें थोड़ा केयर होना चाहिए कि किसको आप दे रहे हो, मिस यूज तो नहीं करने वाला, डार्क वेब में तो नहीं सेल कर देगा, उसके बाद साइबर क्रिमिनल यूज करे फिर पुलिस आए हमारे घर, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हो भी सकता है, तो हमें अवेयर होना चाहिए। ओके, तो हाँ, मैक एड्रेस के बारे में बता रहा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस आपको अभी पूरा पढ़ाना बाकी है, तो मैक एड्रेस बस इतना ही है। एंड डुप्लेक्स की मैं बात कर रहा था, स्पीड तो आपने देख लिया, स्पीड में भी क्या होता है, ऑटो होता है, 10 Mbps है, 100 Mbps है, 1000 Mbps है, 10,000 मतलब 10 MB, 10 GBps है, ये स्पीड आपको मिल जाएगा। एंड डुप्लेक्स मोड, इस डुप्लेक्स मोड को बोला जाता है ट्रांसमिशन मोड। अगर ऐसा कोई वर्ड कभी बोलता है व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड, सो ट्रांसमिशन मोड इज टू टाइप। ओके, कौन से दो टाइप का होता है, पहला हाफ सॉरी सिंप्लेक्स होता है, एंड और कौन सा होता है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। यहाँ पे सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स का मतलब है सिंप्लेक्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन,
जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेटा इनपुट कर सकते हो और डेटा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, लाइक माइक है ना, माइक हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, राइट, ऐसे कुछ डिवाइसेस। एंड डुप्लेक्स मोड आपका आ जाता है दो टेक्नोलॉजी को लेकर, लाइक फर्स्ट टेक्नोलॉजी हाफ डुप्लेक्स एंड सेकेंड आपका फुल डुप्लेक्स। ओके, सो हाफ डुप्लेक्स आपका डेटा सेंड भी करेगा और डेटा रिसीव भी करेगा, बट एट अ टाइम नहीं, सेम टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा, लाइक वॉकी टॉकी फोर्स वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी ऐसा बना सकते हो, है ना, वाइल डाउनलोडिंग देर इज नो रिसीविंग प्रोसेस, ओके, और रिसीविंग के समय डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं होगा। चेक करने के लिए मैं दिखाऊं, राइट क्लिक करिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या विंडो आर प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, और यहाँ पे लिखिए ncpa.cpl। ये मैं अपने मेन कंप्यूटर का अडॉप्टर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरा अडॉप्टर है। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ओपन करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पे मुझे मिल जाता है एडवांस ऑप्शन, एडवांस में आने के बाद स्पीड एंड डुप्लेक्स पे आ जाएंगे, यहाँ कहीं होगा लिखा, ये है। एंड यहाँ पे ऑटो नेगोशिएशन पे आप इसको मिनिमम मैक्सिमम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स दोनों दिया हुआ है। ओके, तो ये सब सेट करने का ऑप्शन होता है, और आपके राउटर पर भी सेट करने का ऑप्शन होता है। सिंपल आपको एक लाइन की कमांड एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पोर्ट, एंड पोर्ट को लेने के बाद मैं लिख देता हूँ डुप्लेक्स, एंड मैंने लिख दिया अगर यहाँ पे डुप्लेक्स, अब यहाँ पे हाफ है तो हाफ लिखना पड़ेगा, हाफ एंटर, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो हाफ, या सॉरी कुछ कमांड्स यहाँ पे नो से नहीं रिमूव होती हैं, तो डुप्लेक्स, सॉरी पूरा कमांड लिख देते हैं, नो डुप्लेक्स हाफ। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये हटा देगा, एंड मैं इसको एज अ डुप्लेक्स और फुल पर मैं लगा देता हूँ ये ऐसे, एंड स्पीड भी मैंने कम किया था, ऑटो पे कर देता हूँ, ऑटोमेटिक ये वर्क करे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इधर कर सकते हो, मैनेज मेंटेन व्हाटएवर सारी चीजें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो ये केबल सिस्टम और इसके बारे में रहा। ये केबल दो कैटेगरी में आता है आपका। एक और पॉइंट है यहाँ पे, पहला आपका आ जाता है क्रॉस केबल, एक आपका आ जाता है स्ट्रेट केबल। आज के समय पर इसकी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुका, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, बट अगर कभी ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे हमें खुद मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना हो, तो क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल में क्या डिफरेंस होता है कोई बताएगा? ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ना, ये जो केबल आप देख रहे हो, दिस वन, आई थिंक बैक मुझे करना पड़ेगा, बैक, ये जो केबल आप देख रहे हो ना, इसी में आपका क्रॉस एंड स्ट्रेट दोनों आता है, कलर कोड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होता है। इसी केबल की मैं बात कर रहा हूँ जिसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, क्योंकि दो के पेयर में ये होता है, इसीलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। आप सर्च करके देखो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये दो के पेयर में ऐसे होता है, यू कैन सी। ओके, टोटल 8 वायर होते हैं, 4 पेयर होता है, दो दो का पेयर होता है, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ये 4 कलर होते, मतलब 4 कॉम्बिनेशन होता है, और इनके अकॉर्डिंग इस केबल को डिजाइन किया जाता है। क्रॉस केबल यूज किया जाता है सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर आपका एक तरफ पीसी टू पीसी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना है तो कौन सी केबल लेंगे? क्रॉस केबल। एंड स्ट्रेट केबल कब लेंगे? मान लिया पीसी टू स्विच और राउटर अनदर डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करना है, एम आई राइट? सही है सर? सर ठीक है। यस सर, यस सर। इस केबल का जो ये स्ट्रक्चर है ना, कंस्ट्रक्शन है, ये डिजाइन किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट कि हमें क्रॉस चाहिए स्ट्रेट चाहिए। मान लिया कि कंपनी के अंदर एक राउटर लगा होगा, राउटर का कनेक्शन आपके टॉल नेटवर्क ISP एयरटेल BSNL वोडाफोन से आया होगा, टेलीफोन लाइन आपके राउटर मॉडम में कनेक्ट हो गया। अब राउटर मॉडम से आपका कनेक्शन आया तो आपके स्विच वगैरह में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा अगर ढेर सारी डिवाइसेस हैं। बाकी यहाँ से आपको 10 डिवाइसेस कनेक्ट करना था तो सभी को, तो हर जगह डिफरेंट कनेक्शन है, तो कौन सी केबल मैक्सिमम यूज किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर?
आपका पीसी टू स्ट्रेट। पीसी तो जल्दी यूज नहीं होगा, है ना, तो स्ट्रेट केबल का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब इनको स्ट्रेट मेरे को एंड, क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ जी सर, अगर क्रॉस केबल की जगह पे स्ट्रेट केबल यूज किया तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये या फिर स्ट्रेट की जगह पे क्रॉस यूज किया तो क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ मैं समझ गया आप जो पूछना चाहते हैं, है ना। कहने का सेम मतलब प्रॉब्लम। यही है कि अगर आपने कानून का उल्लंघन किया, सजा मिल सकती है, बच गए तो बच गए। ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर आपने क्रॉस की जगह स्ट्रेट, स्ट्रेट की जगह क्रॉस यूज किया, तो डिवाइसेस कुछ ऐसी होती हैं जो डेटा को लॉस करना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। डेटा आपका पूरी तरह 100% लॉस हो जाता है, लाइक राउटर की कंडीशन में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कुछ डिवाइसेस हैं लाइक पीसी टू पीसी एक्सेप्ट होता है, बट डेटा फ्रेम कहीं ना कहीं लॉस होगा, है ना। आप उसका एक प्रॉपर आउटपुट नहीं देख पाएंगे जब भी आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट या रूल डिजाइन नहीं किया, राइट। तो डेटा लॉस होने का ही चांस होगा जब केबल सही नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? सर, क्योंकि राउटर टू राउटर क्रॉस ही केबल लगेगा ना? हाँ वीडियो सीरियल केबल टू कनेक्ट द राउटर, हाँ फॉर सीरियल कनेक्टिविटी, ओके। व्हाट इज इट सर, फॉर वैन सीरियल केबल? कनेक्टिविटी वी कैन स्टेब्लिश इथरनेट और जीबी इथरनेट कनेक्शन, ओके। तो दोनों कंडीशन, अभी आगे की चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी फिर टॉपिक इधर उधर भागेगा, ओके। इधर देखिए, आगे हम लोग राउटर पूरा पढ़ेंगे, तब पूछिएगा कि राउटर टू राउटर क्या कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे चले आगे, क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल समझ में आ गया सबको बेसिक। अगर आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया तो डेटा लॉस होगा, बस इतना याद रखो, क्लियर है। सर बट कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा, कनेक्टिविटी लेगा, चलेगा, बट राउटर रिजेक्ट कर देता है। आपको जब आईओएस रिकवरी करवाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट लेकर मैं दिखाऊंगा। तो कंडीशंस भी अप्लाई होती है, कहाँ पे वो चीज पूरी तरीके से आपका फंक्शन नहीं करेगा, कहाँ पे वो फंक्शन करेगा। तो जब भी एक्सपीरियंस के साथ वर्क करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। मैंने यहाँ पे कलर कोड, जैसे कि आपका जो RJ45 कनेक्टर होता है, RJ45 कनेक्टर, ये इसी पर्टिकुलर कनेक्टर में आपके जो ट्विस्टेड पेयर केबल के वायर हैं इसी में ऐड किए जाते हैं, है ना। यानी कि जो ये 8 वायर है इसमें, ये देखो ऐसे ही इन सारी पिन में फंसाया जाता है। तो ये जो 8 पिन का कनेक्टर है, इसमें एक एक वायर 1 बाय 1 करके ऐड किया जाता है। अगर ऐड करने का प्रोसेस या फॉर्मूला देखना है तो ग्रीन वाइट, ग्रीन ऑरेंज वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, ऑरेंज ब्राउन वाइट, ब्राउन, ठीक है, ये कलर कोड है। अगर मैंने सेम इधर भी कर दिया तो ये कौन सी केबल बन जाएगा, स्ट्रेट केबल बन जाएगा। अगर मैंने इधर ग्रीन वाइट ग्रीन और इधर भी ग्रीन वाइट ग्रीन दोनों सेम सेम नहीं किया, इधर मैंने कर दिया, कौन सा दूसरा कलर क्या होता है, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ऑरेंज ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ग्रीन ब्राउन वाइट, ब्राउन, ठीक है। अगर आपने डिफरेंट कर दिया, एक साइड ए कनेक्टिविटी मतलब ए कलर कोड और एक साइड बी कलर कोड, तो आपका हो जाएगा क्रॉस केबल, एक साइड ए और ए तो दोनों तरफ हो जाएगा स्ट्रेट केबल। अगर आपने बी और बी कर दिया तब भी आपका होगा स्ट्रेट केबल। तो ये कलर कोड आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, बहुत आसानी से रट लेंगे। और वैसे तो कंपनी के अंदर बनाना नहीं पड़ता, बनाने भी पड़ सकती है केबल, क्रॉस केबल कलर कोड, क्योंकि क्रॉस केबल का आप ढूंढिए, स्ट्रेट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो ये स्ट्रेट है, यहाँ पे आपका देख सकते हो क्रॉस एंड स्ट्रेट, ये दोनों दिया हुआ, तो ऐसे देख लेंगे, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ये ऊपर क्रॉस स्ट्रेट है, नीचे क्रॉस है ना, एक तरफ ग्रीन और एक तरफ ऑरेंज का। ओके क्लियर हुआ कुछ केबल सिस्टम के बारे में, कुछ आइडिया लगा सभी को? सर, मेन केबल यानी इथरनेट केबल ही रहेंगी, सिर्फ इसके पोर्ट में हाँ यानी कलर चेंज कर दिए जाएंगे। कलर चेंज कर दिया जाएगा, ओके। तो इथरनेट टेक्नोलॉजी क्विक
टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं लास्ट टाइम एंड देन थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस किया था कि इथरनेट टॉपिक है, फास्ट इथरनेट है, जीबी इथरनेट है 10 एंड 40। तो इनका स्पेसिफिक नेम दिया गया है लाइक 10 Mbps विथ इथरनेट टेक्नोलॉजी, फास्ट इथरनेट है 100 Mbps ऑफ स्पीड एंड जीबी इथरनेट है 1000 Mbps ऑफ स्पीड, ओके, एंड 10 GB ethernet है 10 GBps ऑफ स्पीड एंड 40 GB है 40 GBps ऑफ स्पीड। तो दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वन इज क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल। क्रॉस केबल इज फॉर सिमिलर डिवाइस लाइक पीसी टू पीसी एंड स्ट्रेट केबल इज फॉर डिफरेंट डिवाइस लाइक पीसी टू स्विच, हब, राउटर, व्हाटएवर, जो भी आप ऐसा ऐड कर लें। ओके, सिंपल ये था। नेक्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल हमारा जो होता है ये क्रॉस एंड स्ट्रेट के अकॉर्डिंग होता है, एंड देन फाइबर ऑप्टिक आर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि लाइट सोर्स यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एलईडी लाइट सोर्स का यूज किया जाता है। सो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लाइक FOC केबल एंड कुछ इस तरीके से ये केबल होता है जो कि लाइट सोर्स में डेटा को ट्रेवल करता है, और ट्विस्टेड पेयर केबल या जो फिजिकल केबल होती हैं उनको इजिली हैक या कॉम्प्रोमाइज किया जाता था, जैसे कि कभी वायर टैपिंग का यूज करके डेटा को हैक कर लेना, या जैसे नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ऐसा होता था कि वायर गया हुआ है तो उसको उसको चोरी कर लेना या उसको यूज कर लेना, है ना, तो ऐसा होता था। तो जब दो वायर अगर मान लिया कि इधर से ट्रेवल कर रहे हैं, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में दो वायर ऐसे जा रहे हैं, इधर से एक ये है एक ये है, तो वायर टैपिंग में क्या होता था, टेलीफोन लाइन और ये सब बहुत ज्यादा हैक होते थे पहले, बट अभी तो सारी चीजें फाइबर ऑप्टिक और इस पे करी जा रही हैं। तो यहाँ पे होता क्या था कि अगर आपने कनेक्शन यहाँ से वायर टैप करके अपनी डिवाइस से डेटा कैप्चर करने की कोशिश किया तो फाइबर ऑप्टिक अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कनेक्शन पूरी तरीके से अबॉर्ट हो जाएगा। बट जो ट्विस्टेड पेयर केबल या ऐसे डिवाइसेस होती हैं उनमें कैप्चर करने का एक ऑप्शन था कि आसानी से दो वायर टैप करो और उस डेटा को सुन सकते हो या कॉल पे क्या बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ सारी चीजें पॉसिबल थी। बट अभी वायर टैपिंग जैसे हैकिंग से आप फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन इसको यूज करके बच सकते हैं, बचा सकते हैं। इसमें आपका लाइट सोर्स यूज करता है और लाइट का जो स्पीड होता है आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है, और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के भी यहाँ पर आपके टीयर्स टाइप के नेटवर्क भी डिजाइन किए जाते हैं। ओके, लाइक मेन डिस्ट्रीब्यूटर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे करके हमारे आ जाते हैं, और आई थिंक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन इनका एक वेबसाइट भी है, आई थिंक चेक कर सकते हैं जहां पे यस ये सबमरीन केबल क्लैंप कुछ करके ऐसा है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखो, तो यहाँ पर भी हमारे जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं ये सब यूज किया जाता है केबलिंग सिस्टम के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और इसमें हर एक कनेक्शन यहाँ पे जो है ये रियल इन्वायरमेंट का है कि कौन सा कनेक्शन किसका है, किसके कितने कनेक्शन है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा जूम आउट करके ऑल ओवर वर्ल्ड का ये कनेक्शन है, देख सकते हैं, दीज आर द फाइबर बेस्ड कनेक्शन, एंड यहाँ पे देख सकते हैं सबमरीन केबल्स जो भी हमारी हैं और क्या क्या डिटेल है इसमें, किसका किसका नाम है, किनके किनके ये नेटवर्क चलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इंडियन कोई नेटवर्क ऐसा कुछ है नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इधर मैप कहीं होगा, किधर है मैप,
केबल की वजह से नहीं दिख रहा है या क्या है? इधर होता है ना। हेलो, कोई फिजिक्स या उससे है कि नहीं है? बट सर इसमें इंडिया होगा ना, पर इंडिया शायद आ रहा था ना देखिए। हाँ, ये है मैप, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा केबल नहीं है जो है ना। तो इसके अगल है बगल ना सर देख लेते केबल, है ना सर मुंबई और चेन्नई शायद है सर केबल वहां पे। नहीं हैं। मुंबई, चेन्नई। है केबल है। बिल्कुल नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज अलग मैं बता रहा हूँ। ये देखो, आप टाटा का एक नेटवर्क, टाटा इंडिकॉम का चल रहा है, राइट? इसके बारे में जियो जानते हैं आप लोग? टाटा इंडिकॉम अभी पहले जियो सर, ISP ये लेवल तो का टाटा काम कर रहा है। इंडिया पहले टीवी हाँ, नेटवर्क में काम करते थे, टाटा तो नेटवर्क इनका है इस लेवल पे, यानी बड़ा ISP है, राइट? अनदर I2I केबल नेटवर्क, ये क्या है? ये टाटा का है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX का है यहाँ पे, फॉर इंडिया, एंड यहाँ पे IAX का ज्यादा नेटवर्क लग रहा है मुझे। वो देखना पड़ेगा इसको क्या है, ये तो आप लोग चेक कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब, ये फाइबर ऑप्टिक जो कनेक्शन होता है ना, फाइबर केबल जो होता है, ये काफी फास्ट ट्रांसमिशन के लिए होता है, काफी हैवी ट्रांसमिशन या थ्रोपुट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। लाइट सोर्स के माध्यम से विद इन सेकेंड आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर पॉइंट है, कनेक्शन है, तो ऐसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी लंबी डिस्टेंस को भी ये कवर करता है। अभी मैं इसका डिस्टेंस और ये सारी चीजें दिखा देता हूँ। एंड जो भी आप केबल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हो, कनेक्ट करते हो, आपके RJ45 कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे लगाए जाते हैं, एंड इधर हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्पीड और सब कुछ मैंने बता दिया है, एंड वायरलेस फ्रिक्वेंसी आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी पर होता है, जिसको एज अ वायरलेस फ्रिक्वेंसी काउंट किया जाता है। वाईफाई कनेक्शन भी स्टेब्लिश होता है, बिना केबल के भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है, हम सबको पता है। विदाउट मीडियम मतलब विदाउट वायर्ड मीडियम, वायरलेस मीडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट वायरलेस मीडियम इज शॉर्ट डिस्टेंस। क्या है वो? शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शन है, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो होता है, ये काफी प्रोटेक्टिव कनेक्शन, इस मतलब इसमें जो केबल होती है ना, ग्लास कोर प्लेट वायर का होता है, यानी कि बोल सकते हो ग्लास कोर वायर होता है। और अगर इसको आप ज्यादा मोल्ड करेंगे तो ब्रेक हो जाता है, तो इसको ज्यादा मोल्ड नहीं किया जाता इस कैटेगरी की केबल में। और इसमें देख सकते हैं केबल जैकेट है, एंड स्ट्रेटिंग करके है, यहाँ पे कोटिंग करके, क्लैडिंग करके है, एंड कोर करके है। सो दिस इज द मेन वायर जो कि डेटा को ट्रेवल कराता है, ट्रांसफर करता है, राइट? और ये सारी चीजें, तो काफी प्रोटेक्टिव केबल ये हमारी होती है ना। और जो क्वेक्सियल केबल है आपकी, सॉरी क्वेक्सियल केबल कुछ ये है, और ये काफी हैवी केबल होती है। इस पे आप मतलब ये जो सेटअप बॉक्स वगैरह, बहुत पहले, अभी तो फाइबर कनेक्शन पर ही सेटअप बॉक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना, यानी कि ISP ही अब प्रोवाइड करने लगा टीवी चैनल्स और सारी चीजें। बट कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, हर एरिया, हर सिटी, हर जगह पे क्या होता था, आपके कोएक्सियल केबल के कनेक्शन आते थे, जिसमें BNCT कनेक्टर यूज किया जाता था। एक जगह पे मास्टर BNCT कनेक्टर यूज करके मल्टीपल लोगों को एक एरिया में कनेक्शन दिया जाता था, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 3 लोगों को, 2 लोगों को, फिर अनदर कनेक्शन आगे पास करके दिया जाता था, लाइक बस टोपोलॉजी चल रहा था, है कि नहीं? एक जगह प्रॉब्लम तो आगे का सभी का प्रॉब्लम, है कि नहीं? है ना? तो क्वेक्सियल यस केबल सर, ही ये था। वाली चलती थी पहले, डिश टीवी वगैरह का जो चैनल था, केबल हाँ ऑपरेटर, उसमें बिल्कुल। यही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे हम लोग। तो अभी जो हमारा डिश टीवी और ये सब है, सेट ऑफ बॉक्स, वो भी हमारा पूरी तरीके से फाइबर बेस कनेक्शन पर हो गया, और काफी चीप भी है इन कंपेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। एंड आपको यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ना, जब भी आपका फाइबर बेस्ड कनेक्शन आप यूज करेंगे, लाइक 4K 5K आर मोर देन दिस, आप केबल चैनल बाई करते हैं तो वैसा आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब कि ये एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है, फाइबर ऑप्टिक बेस्ड कनेक्शन, और इस पर हम लोग अभी काफी डिस्कशन भी करने वाले हैं फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के कनेक्टर होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इस्तेमाल भी इसका किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मल्टी मोड, सिंगल मोड, है ना? तो इन सब के अकॉर्डिंग हमें इस केबल एंड कनेक्टर्स को यूज करना पड़ता है। SFP टेक्नोलॉजी भी आ जाता है इसी में। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट SFP टेक्नोलॉजी, लाइक व्हाट इज SFP?
बेसिकली ये मतलब लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एसएफपी। यस, आपने डायरेक्ट इससे कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं करते ना, कि फाइबर फाइबर पोर्ट नहीं होता कोई भी कंप्यूटर में। हाँ जी, हाँ जी, तो एसएफपी मॉड्यूल मॉड्यूल होता है। यस यस, स्मॉल फैक्टर ना सर। यस यस, इधर भी आदमी है, इधर जम, इधर जम, म्यूट कर ले, पानी नहीं डालोगे बस ठीक है। तो ओके, म्यूट रखा करो आप लोग यार उधर से। तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा कि जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, इन सभी कनेक्टर्स वगैरह ये सारी चीजें देख लेंगे। कनेक्टर एक बार जरूर देख लें, एलसी कनेक्टर आपके आ जाते हैं, एफसी कनेक्टर्स आपके आ जाते हैं, है ना, बीएनसीटी कनेक्टर को एक्सेल में आ जाते हैं, RJ45 कनेक्टर्स आ जाते हैं, कीस्टोन जैक आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग में केबल एंड कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर को जरूर आइडेंटिफाई करके रखें। ऑडियो बीच में ऑन, सॉरी वीडियो ऑन ना करें, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, जितने भी केबल टेक्नोलॉजी हैं, इनका मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स होता है, और हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। तो ये तो हमारा केबल एंड कनेक्शन रहा। अब जैसा कि अभी कोई कह रहा था कि जब हम दो डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर या कहीं पर भी, तो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है या केबल कनेक्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी एसएफपी वगैरह को मैं आगे और डिटेल में, फाइबर ऑप्टिक को एक अभी क्लास लेंगे, क्या लंबी दूरी वो तय कर सकता है, मतलब कितने लॉन्ग कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, सारी चीजें। तो यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम था, सभी लोग देख लो, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग कनेक्शंस यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है कनेक्शन केबल का, एंड दिस पर्टिकुलर कंसोल हैव लॉट्स ऑफ केबल लाइक ऑटोमेटिक केबल कनेक्शन। ये रियल में नहीं होता है, ऑटोमेटिक कोई ऐसा नहीं होता है, बट अभी जितने भी आपके मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं, जो अडॉप्टर्स हैं, इथरनेट कार्ड्स हैं, उनके अंदर या जो केबल्स हैं, ऑटोमेटिक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया गया है। उसको एक नाम भी दिया गया, आई डोंट नो, कि मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट ऐसे ऐसे केबल एंड ऐसे मॉड्यूल्स आ गए हैं जो कि ऑटोमेटिक क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, हमें वहां पे खुद डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मैक्सिमम कंडीशन में जो हमारे होते हैं वो डिसाइड करना होता है ना। कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, सो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो कनेक्शन है, दिस इज स्ट्रेट केबल एंड दिस इज क्रॉस ओवर केबल एंड दिस इज फाइबर केबल। तो अगर कोई डिवाइस में फाइबर कनेक्शन देना है तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज टेलीफोन लाइन और फोन केबल, ये आपका कोएक्सियल केबल है, ये सीरियल डीसी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए केबल है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट के लिए केबल है, ऑक्टेल केबल है, एंड यहाँ पे आईओटी कस्टम केबल्स, आईओटी डिवाइसेस वगैरह के लिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो हमें सब कुछ नहीं है, इसी में सीसीएनए वाले भी, ऑटोमेशन वाले भी, आईओटी प्रोजेक्ट वाले भी हैं, सीसीएनपी वाले भी हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर करना होता है। तो अब यहाँ पे इन केबल्स को यूज कैसे करना है, लाइक अगर मैं दो पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर लूं, यहाँ पे देखो मैंने एक पीसी ले लिया, वन मोर पीसी मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पीसी एक और मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फाइनली अब दो सेम पीसी हैं, एक और मैं यहाँ से पीसी ले लेता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, एक स्विच की कंडीशन में आते हैं, स्विच ले लेते हैं यहाँ से। मैंने एक जगह सिमिलर डिवाइस का कॉन्सेप्ट लिया, एक जगह डिसिमिलर मतलब डिफरेंट, और एक जगह सिमिलर। तो अभी टॉप पे जो हमारी सिमिलर डिवाइस है, यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्शन कौन सा लगेगा, केबल कौन सा लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे हार्डवेयर पोर्ट चेक करना पड़ेगा कौन सा अडॉप्टर्स लगा हुआ है। हार्डवेयर पोर्ट चेक करने के लिए क्या करते हो, रियल एनवायरनमेंट में मैं ये भी दिखा देता हूं, वेट आप यहां पे आ जाओ। अच्छा अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ऐसे, जैसे मैं स्लो टॉपिक लेकर चल रहा हूं, मेन सीसीएनए लैब अभी क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ये पहले मॉड्यूल में पूरा 20% आपका थियरी बेसिक और सारी चीजें हैं, समझ में आया? हाँ, तो अभी बिल्कुल लैब डायरेक्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, तो बोर नहीं होना, अभी लैब जब स्टार्ट होगा तो भागेंगे सभी लोग लैब से। देखो यहाँ पे मेरा एक, मैं एक डेस्कटॉप पीसी ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पीसी, और पोर्ट यहाँ पे दिखाना है, पोर्ट
कोई भी एक पीसी ले लेते हैं, ये वाला बैक साइड इसमें नहीं है, तो ऐसा पीसी जिसमें बैक पोर्ट भी दिखा रहा है। नाउ यू कैन सी, अब ये हमारे पास पीसी है डेल का एक, और ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। बैक एंड में देखो एक RJ45 यहाँ पे एक कनेक्टर जैसा लगा है ना। नाउ यू कैन सी ये वाला पोर्ट, ये ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे RJ45 का कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। अभी मैंने SFP मॉड्यूल का नाम लिया, कंपनी के अंदर डायरेक्ट आप इस पोर्ट को भी अपने फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हो। किसी ने बहुत अच्छा अभी आंसर दिया था कि वी कैन कनेक्ट और वी कैन कन्वर्ट आर लाइट सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। यानी कि आप उसको एज अ फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को फाइनली एंड पॉइंट पे आप कन्वर्टर यूज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल या RJ45 कन्वर्टर का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी उस चीज को मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन सी केबल यूज करी जाएगी, इथरनेट केबल यूज किया जाएगा और RJ45 कनेक्टर यूज किया जाएगा। RJ45 कनेक्टर भी देख लो आप, आपका कुछ ऐसे आ जाता है RJ45 कनेक्टर, ये ठीक है, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, अगर आप फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स मिल जाएंगे। ये है आप देख सकते हो, SC कनेक्टर है एंड SFP कनेक्टर, LC कनेक्टर, FC ST, SC कनेक्टर, इनके अलग अलग यूसेज भी होते हैं, ओके। और ये हमारा देख लो यहाँ पे FC कनेक्टर, FC इसमें नहीं है, FC नहीं होता है, मेरे तो दिमाग में है कुछ ऐसा होता है, ओके ऐसा नहीं, SC, CL3, LC, SC, ये सारे देखो कनेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ओके। तो कनेक्टर्स का नाम और ये सब थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा देख कर रहेंगे। अभी हम लोग आगे इसके पूरे मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे जब हम SFP के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्टर होते हैं, कौन से पोर्ट से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सारे सिग्नल्स को देखने वाले। तो कहने का मतलब कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो बैक साइड आप जब ओपन करेंगे, जूम करके मैं दिखाऊं, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का बैक साइड है, तो यहाँ पे हमें पोर्ट देखने को मिल जाएगा, कौन सा कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। तो कौन सा पोर्ट यहाँ पे है, फास्ट इथरनेट, आप देख सकते हो फास्ट इथरनेट पोर्ट के लिए है। और यहाँ पे हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होने वाला है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल। तो अगर मुझे PC to PC कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ से स्ट्रेट केबल ले लूंगा। अगर मान लिया कि PC to PC कनेक्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा क्रॉस, बट मैंने स्ट्रेट लिया है तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर लेता हूँ, इसका फास्ट इथरनेट इसके फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप फास्ट इथरनेट केबल को कंसोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कंसोल के साथ आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट डिवाइस को कन्फिगर करने के लिए एक्सेस कर सकते हो। आगे हम लोग कंसोल पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप फास्ट इथरनेट, GB इथरनेट, ये जो दो पोर्ट हैं आपके 1000 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो फास्ट इथरनेट कितने सारे पोर्ट हैं, ये 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो आपको किसके साथ कनेक्ट करना है ये देख लो, लेकिन कभी कभी कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर हम लोग दोनों साइड के कंपेरिजन को नहीं देखते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं हम तो चाहते हैं 1000 MB यानी 1000 Mbps की स्पीड लेना, इधर कनेक्ट कर दिया और इधर आपने फास्ट इथरनेट कनेक्ट कर दिया। कितने लोग एग्री हैं ये एक सही कनेक्शन है, यहाँ पे हमें क्रॉसओवर केबल चाहिए सर, ये रॉन्ग लगता है सर, फास्ट इथरनेट पे चाहिए, मुझे भी रॉन्ग लगता है सर, फास्ट ही केबल चाहिए इथरनेट। हाँ यानी कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन है 100 Mbps का, Mbps है, और इधर हमारा क्या है,
तो हमारा कनेक्शन जो है ये सही है नहीं, क्योंकि अगर ये 100 Mbps थ्रोपुट भी देगा तो क्या ये रिसीव कर पाएगा? नहीं। तो ऐसा भी नहीं हमें करना है। आप हायर टू लोअर जा सकते हो बट लोअर टू हायर नहीं जा सकते कि इसको 1000 Mbps का फ्रिक्वेंसी रेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा हम 100 का ही अप्लाई करें, यानी कि इसके स्पीड एंड डुप्लेक्स में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और यहाँ से फास्ट इथरनेट टू फास्ट इथरनेट ऐसे कनेक्शन करें, मिसमैच स्पीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, राइट। तो इससे भी हमें थोड़ा सा कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर देखना होता है। ओके, मान लिया कि इंटरव्यूअर डेस्क पर एक फास्ट इथरनेट स्विच रखा हुआ है और दो केबल रखा हुआ है कैटगरी 5 का, और उसने एक स्विच रखा हुआ है जो कि है मिनिमम की 10 Gbps की स्पीड दे रहा है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा सिनेरियो एक बनाता हूँ यहाँ पे कि क्या चीजें कैसे हो सकती हैं। मे बी जैसे एक स्विच है और इस पर जो पोर्ट है वो आपका 1000 Mbps है, ठीक है, ये Mbps है। और एक PC है जिस पर आपका जो NIC कार्ड लगा हुआ है वो इथरनेट कार्ड है। और आपके पास एक केबल है, इथरनेट केबल इसने रखा हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि है कैटेगरी 6 या कैटेगरी 5 ले लो, मिनिमम चलते हैं थोड़ा आसान। तो बोले कि इन तीनों का कनेक्शन करके दिखाओ और सही कनेक्शन होना चाहिए और जो भी इसके लिए पॉसिबल आंसर है वो मुझे बताओ। तो कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं, ये सही है गलत है या यहाँ पे मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या क्या यहाँ पे रीजन लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कोई लोग केबल कैट 5 हाँ केबल कैट 6 होना चाहिए, इट शुड बी कैट 5E या फिर 6 अगर फास्ट इंटरनेट इधर से जा रहा है 1000 चाहिए तो कैट 6 इसमें लगना चाहिए था सर, केबल कैट 6 लगना चाहिए था जी। और कुछ उसको क्या आंसर करेंगे ये थोड़ा सा एक एक करके सभी लोग वन बाय वन बताइए। समझो कि एक इंटरव्यू में बैठे हो, देखा जाए क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी इन सब चीजों को समझने के बाद हुआ, बताइए। अच्छा तो एक आंसर सभी ने, दो लोगों ने आंसर दिया सेम कि कैटेगरी 6 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इंटरव्यूअर को कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द केबल राइट फ्रॉम कैटेगरी 5 टू कैटेगरी 6। कुछ ऐसे आंसर आप लोगों का रहा, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? NIC ethernet card it is also 1000 और ये क्या है तो? It's only ethernet card ना तो? हाँ तो इसका पोर्ट भी डाउन है ना इसलिए तो? और कोई कुछ बताए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए सर, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि पहले तो रॉन्ग इक्विपमेंट्स है या कंपोनेंट्स है ना, अगर पहले देखा जाए एक रॉन्ग कंपोनेंट इन द सेंस कि यहाँ पे अगर हमारा स्विच 1000 Mbps का है तो इसके साथ अगर हम एक मैच डिवाइसेस यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हम ये बोल सकते हैं ना कि हमें यहाँ पे कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा या तो कुछ डाउनग्रेड करना पड़ेगा, डिग्रेड जिसको आप बोल सकते हो, यस आर नो? या तो कुछ हम अपग्रेड करें या तो कुछ डाउनग्रेड करें, तब तो हम एक मैच टोपोलॉजी यूज कर पाएंगे। यस सर। या तो फिर अगर हमारा स्विच मैनेजेबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अपने एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड इस पोर्ट पर सेट कर देंगे। मान लिया कि हमारा स्विच अगर या जो भी हमारा ये डिवाइस है जो 1000 Mbps का, इसका GBETH 0/1 पोर्ट है अगर, और इसके साथ ये PC कनेक्टेड है और यहाँ पे कैटेगरी 5 है तो ये 5E कर देंगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला।
अगर इसको जीबी इथरनेट है तब भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो इसको हम क्यों बदलवाएं? कोई रीजन है इसको? आपने पहले आंसर यही किया था कि कैटेगरी 6 हम चेंज कर देंगे। आप यहाँ पे देखो एंड पॉइंट का लास्ट कैपेबिलिटी है कि हमारा ये 10 Mbps ही रिसीव कर सकता है, यस आर नो? तो ये आंसर तो हम गलत पहले ही बोल दिए थे ना, मतलब एक बैड इफेक्ट, मतलब गलत इंप्रेशन। तो कहने का मतलब यह है कि पहले एंड पॉइंट देखो आप, एंड पॉइंट की मतलब अब आपके पास 1000 IP है, मतलब एक ISP एयरटेल है उसके पास 1000 IP है, बट हमें तो नहीं चाहिए ना 1000, हमें तो बस एक चाहिए, तो हमारे अकॉर्डिंग वो सर्विस देगा ना, 1000 थोड़ी ना बेचेगा करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का, जो भी आता है। तो एंड पॉइंट को सबसे पहले देखो कि एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप एंड एक टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर होता है कि एक कोर लेवल की डिवाइसेस होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की डिवाइसेस होती हैं और एक एंड पॉइंट की डिवाइसेस होती हैं। यही तो फंक्शन होता है नेटवर्किंग का, है ना? तो हम इन तीनों को पहले स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इधर से स्टार्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग इधर मैनेज करें, या तो फिर इधर से अगर स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, हमारे पीसी का अगर इतना स्पीड है तो उससे पूछ सकते हैं कि सर कैन वी चेंज और कैन वी अपग्रेड NIC कार्ड फॉर PC, तो बोलेगा कि रीजन या कुछ भी कंडीशन है, तो ड्यू टू स्पीड कनेक्टिव स्पीड, है ना, या ड्यू टू स्पीड प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे कि हमारा जो बैंडविड्थ इशू, क्योंकि हमारा जो NIC कार्ड है मैक्सिमम 10 Mbps ऑफ स्पीड एंड स्विच है 1000 Mbps ऑफ स्पीड, तो दोनों का स्पीड मिसमैच है, तो इसके लिए हम या तो इसको डाउनग्रेड करें या तो इसको अपग्रेड करें। तो ये बोलता है नहीं यही होना चाहिए, तो केबल भी नहीं चेंज करना है, पीसी भी नहीं चेंज करना है, आपको अपने फास्ट इथरनेट के स्पीड को मैन्युअली चेंज कर देना है। कर सकते हैं ना, मैनेजेबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जिन डिवाइसेस पे, हम वहां पे चेंज कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग मैच कर देंगे, है ना? या तो फिर हो जाएगा, या तो फिर ऑटो सिलेक्शन वहां पे अप्लाई कर देंगे, है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि डिफॉल्ट सिस्को की डिवाइसेस वो हायर है तो हायर पे ही वर्क करती हैं, और बार बार एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको देती रहती है कि मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन, मिसमैच टोपोलॉजी, मिसमैच, तो वो चलता रहेगा और हमारा CPU, हमारे डिवाइसेस जो सिस्को की है वो बिजी हो जाती है, है ना? अभी मैं आगे करके ऐसा जब हम लोग लैब करेंगे तो रियल डिवाइसेस पर हम लोग देखने वाले भी हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पे हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया है। तो टॉप लेवल से भी आप मैनेज कर सकते हैं और बॉटम लेवल से भी आप मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं? या तो इधर से अपग्रेड कर दें या तो टॉप लेवल से डाउनग्रेड कर लें, तो ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। अभी किसी ने ये भी बोला था कि ये कनेक्शन गलत किया गया है, मतलब स्ट्रेट केबल नहीं होगा, ऐसा है क्या? और यहाँ पे हम लोग क्रॉस केबल ले लेते हैं पीसी टू पीसी के लिए, एंड हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो अभी तो दिक्कत नहीं होगा किसी को कनेक्टिविटी या केबल सिलेक्शन में। सर मुझे एक क्वेश्चन था, ये कैसा ड्रैग करके केबल कैसा पकड़ के वहां पे करते हैं, राइट क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके? नहीं, सर कोई क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दो, कोई भी की नहीं। देखो मेरा दोनों हाथ ऊपर है, दिख रहा है, मैंने छोड़ दिया माउस। अभी आपको फिर आना है इस पॉइंटर पे, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दो माउस को। अब यहाँ पे जो भी पोर्ट है आपके पास उसको सेलेक्ट करो, राइट, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया मैंने माउस, है ना, लेफ्ट क्लिक करके। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ आता है, नहीं आता है, देखो लेफ्ट क्लिक, है ना? यस सर। उसके बाद यहाँ से जिस पोर्ट पे जाना है उसको सेलेक्ट करके फिर छोड़ दो माउस, जहां पे कनेक्ट करना है उस डिवाइस को लेकर आ जाओ उस डिवाइस पर, फिर वहां पे क्लिक करो जिस पोर्ट से कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दो। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो वन मोर थिंग, अगर आप कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी एक स्विच ले लिया आपने और इसके साथ 5 PC कनेक्ट करना है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर का फंक्शन देखो, मुझे बार बार यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना, आप यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करके पीसी पर सेलेक्ट कर लो और छोड़ दो सब कुछ, माउस पॉइंटर कंट्रोल की सब कुछ, और फिर यहाँ आके लेफ्ट क्लिक एक एक करते जाओ। देखो बार बार हमें कुछ सेलेक्ट करना पड़ रहा है? नहीं। ऐसे ही मैं केबल कनेक्शन यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोनों में स्ट्रेट केबल लगेगा, स्ट्रेट केबल, एंड देन छोड़ दिया माउस, फाइनली यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर आप जस्ट जो आप किए ना PCT PC6 PC7 PC8 9 आ रहा है,
ये कंट्रोल दबा के जब आप करें करता हूँ ना मैं अपने पीसी पे, तो ये पीसी 01 से आगे फिर इनो कोष्टक लगा लगा के करने लगता है वो। ऐसा कैसे, मतलब आप कंट्रोल प्रेस तो नहीं किए रहते हैं? प्रेस किए रहता हूँ सर। नहीं, छोड़ देना उसको। अच्छा, एक बार कंट्रोल दबा के छोड़ना है। हाँ, जैसे अगर मैं ये वाली केबल सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने प्रेस करके रखा तो भी तो वैसे ही हो रहा है, कंट्रोल की से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इस बार ट्राई करता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें। और ज्यादा कंफ्यूज अगर आप हो जाते हो तब यहाँ पे एक ऑटोमेटिक केबल है, इसको यूज करके ट्राई किया करो कि मेरा कनेक्शन कौन सा एस्टेब्लिश होगा। जैसे स्विच है और मैंने यहाँ पे एक पीसी लिया है, एक सर्वर लिया। अब आप कंफ्यूज हो स्विच और सर्वर के बीच में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे केबल है, समझने के लिए दोनों को कनेक्ट करो तो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कौन से पोर्ट से और कैसे कनेक्ट करना है। मैक्सिमम 99% डिसाइड कर लेता है, 1% चांस है कि आपको कभी मैनुअली चेंज करना पड़ता है। समझ में आया? Yes. सिस्को पैकेट ट्रेसर का फाइनल समझ लो आप लोग, क्योंकि आगे से लैब है। तो अभी मान लिया कि मैंने यहाँ पे केबल कनेक्शन और ये सब कर दिया, मेरा यहाँ पे पोर्ट नंबर दिख रहा है। आप लोगों का जब सिस्को पैकेट ट्रेसर न्यू होगा तो ये पोर्ट नंबर नहीं दिख रहा होगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पे आना है, प्रेफरेंसेस पे आना है। और प्रेफरेंसेस में जैसे अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन डाउन हटाना चाहता हूं तो एनिमेशन हटा दूं, कुछ भी सेंड रिसीव होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनिमेशन रहेगा तो कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा डेटा ट्रेवल कुछ होगा तो एक नोटिफिकेशन एनिमेशन चलता रहेगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे कर लिया। एंड फाइनली अगर आप चाहते हो केबल कनेक्ट हो तो आपका एक साउंड प्ले हो, बट बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, तो नो नीड टू गो विथ प्ले साउंड। एंड सो डिवाइस मॉडल, अगर यहाँ पे आप देखोगे लिख रहा है 2960 तो ये टिक है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडल नंबर हट जाएगा। ओके, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू कन्फिगर के लिए दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन कि आप डिवाइस मॉडल सेलेक्ट करके रखो। ड्यूरिंग लार्ज टोपोलॉजी और बड़े नेटवर्क के अंदर जब आप काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे होंगे, देन ये बड़ा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, सो डिवाइस नेम लेबल, अगर डिवाइस नेम यहाँ पे स्विच लिख के आ रहा है, इसको हटाना चाहते हो हटा दो। एग्जैक्टली आप आइकन से पहचान सकते हो कौन सा स्विच है, तो इसको हटा दो, बेटर है। बट अगर नहीं हटाना है तो इसको रहने दो। पीसी दो बार लिख के आ रहा है ऐसे कुछ, तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट पोर्ट वगैरह भी यहाँ पे देखो, ऑलवेज सो पोर्ट लेबल, सो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो पोर्ट नंबर ही नहीं दिखाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी दिक्कत होगी। आपको बार बार डिवाइस पर आकर चेक करना पड़ेगा। एक डिवाइस पर 15 कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश कर रखा है, देन आप 15 टाइम आएंगे, देखेंगे कौन सा पोर्ट है किस कनेक्शन पे, यस आर नो, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आपको चेक करके रखना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैं सभी को यहाँ से चेक कर लेता हूँ, बाकी कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, एंड फॉन्ट वाले में आ जाएंगे। फॉन्ट में क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा फॉन्ट जो है काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, सभी को विजिबल लग रहा होगा ये, बट फर्स्ट टाइम ये काफी छोटा होता है। तो इसके लिए भी ऑप्शन प्रेफरेंसेस में आकर आप फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जैसे CLI मोड का जो फॉन्ट नेम है वो यहाँ पे दो ही मिलता है, फॉन्ट मतलब कि फॉन्ट टाइप, एंड यहाँ पे आपको 13 सेट है। आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम जितना बड़ा आप करना चाहें कर सकते हैं। 13 है, मैं 14 कर देता हूँ। एंड राउटर का टेक्स्ट कलर जो मैं है ब्लैक है, तो मैं इसको कर देता हूँ वाइट, और बैकग्राउंड में यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड ब्लैक, है ना, जो कि ऐसे ही रियल डिवाइस में होता है मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैक, एंड देन अप्लाई। बाकी कहीं कुछ नहीं करना, पीसी पर भी करना चाहो तो कर दो, बट कोई जरूरत नहीं। अप्लाई एंड देन क्लोज। ओके, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और दिखाऊं, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, सामने व्हाइट है, और फॉन्ट साइज और बड़ा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो इजिली विजिबल होगा, राइट? तो इस तरीके से आप अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर का सेटअप कर लेंगे। ओके, फिर भी नहीं समझ में आता है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, तो अभी मैं एक दो वीडियो भेज दूंगा जिसको आप देख लेना। बेसिक नेटवर्किंग का मैंने भेजा था, उसको भी चाहो तो जिनको आता है इग्नोर कर दें, जिनको नहीं आता देख सकते हैं। बेसिक चीजें थोड़ा सा पढ़ के रेडी कर लीजिए, जो भी यही सारी चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं।
क्लियर है, वो आपके इसी का एक पार्ट है जो मैंने पढ़ाया उसका, वहां पे भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो और मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में भी चीजें ऐड किया हुआ है, देख सकते हैं। तो सर डिवाइस में जो एनआईसी कार्ड रहता है वो कितना स्पीड एक्सेस कर रहा है उस पर कुछ कमेंट वगैरह होता है, तो कैसे देखे कि कितना स्पीड एक्सेस कर रहा है एनआईसी? हाँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है ओके। तो एनआईसी कार्ड जो रहता है वो RJ45 को एनआईसी कार्ड बोलते हैं क्या? नहीं, RJ45 कनेक्टर होता है। एनआईसी कार्ड लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, वायर्ड एनआईसी कार्ड एंड वायरलेस एनआईसी कार्ड। तो एनआईसी कार्ड्स, ये आपका वायर्ड है, इसमें आपका पोर्ट RJ45 का है एंड दिस इज द एनआईसी कार्ड ओके। ये आपका वायरलेस एनआईसी कार्ड है, इसका मैक्सिमम स्पीड का लिमिट रहता होगा सर एनआईसी कार्ड का? अब इसमें डिपेंड करता है कि आप 10 Mbps का ले रहे हो, 100 Mbps का ले रहे हो, 1000 Mbps का, 10000 Mbps का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एनआईसी कार्ड है 100 Mbps विथ SFP इंटरफेस ओके, उसके साथ भी है। तो ये मॉडल के आते हैं और यहाँ पे RJ45 कनेक्टर आपका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, राइट, ये सारी चीजें। तो ये वायर्ड और वायरलेस दोनों आते हैं। वायरलेस आपका कुछ ऐसा होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट होता है और ये सारी चीजें। हाँ तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है, ट्वेल्व डिजिट का ये वैल्यू होता है ना? और 12 डिजिट का मतलब कि मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल ही होता है ना? तो यहाँ पे मुझे दो दिन से एक बंदा, पता नहीं वो वीडियो सब देखते हैं फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके, इसको सही करिए, आपने वहां पे बोला है कि ये 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का नहीं होता है, ये 48 डिजिट का होता है। तो फिर मैंने कहा मैं तो 10 साल से यही पढ़ाते आ रहा हूँ, ऐसे कुछ 48 बिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, तो बार बार वही चीज। फिर मैसेज थोड़ी देर बाद वो कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो हो सकता हो। फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा क्या है, तो कंफ्यूज कर दिया था। और 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है 02982F, ये तो अंडरस्टूड है कि हेक्साडेसिमल जो होता है 02982F होता है। तो ये हमारा जो मैक एड्रेस होता है ना इसी के ऊपर अलॉट होता है, और ये मैक एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता, बट परमानेंटली तो नहीं चेंज किया जा सकता, टेम्परेरली आप चेंज कर सकते हो ओके। सर ये जो मैक एड्रेस होता है वो सिंगल पीसी का परमानेंट नंबर एक ही बार जनरेट होता है, फिर वो हमेशा परमानेंट वही रहता है क्या मैक एड्रेस, या फिर विंडोज या फिर मैक का नहीं होता है? ये पीसी का नहीं होता है, ये एनआईसी कार्ड पे लगा होता है ये एड्रेस, जो आपका एनआईसी कार्ड अभी देखा आपने ना उसका ये फिजिकल एड्रेस होता है राइट, और उसपे जो आईपी एड्रेस असाइन होता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है राइट। तो ये दोनों एड्रेस मिलके आपके आपके होस्ट की आइडेंटिटी बताते हैं कि आपका नेटवर्क पीसी कहाँ पे अवेलेबल है राइट। तो अपने मैक एड्रेस को ये मैक एड्रेस जब वन टाइम आप अपने मैन्युफैक्चरर या उससे मतलब कि जब एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चर होता है तो कंपनी एट अ टाइम उसी समय उस पर एक एड्रेस असाइन करती राइट। ये सारी चीजें एज अ वेंडर साइड से होता है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इन केस अगर आपने किया तो वो एक मतलब कि इलीगल चेंज होगा, और टेम्परेरली आप कर सकते हो नो इशू। और बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली उसको मॉडिफाई करना जानते हैं, चिप लेवल पे उनको बहुत सारी चीजें होती हैं, रीप्रोग्राम रीराइट करना और ये सारी चीजें है ना, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे मॉड निकाल लिए जाते हैं, जेल ब्रेकिंग हो गया तो कुछ भी तरीके का ब्रेक करना सब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चलो थोड़ा सा केबल सिस्टम और इन सब चीजों पे आप लोग पढ़ लेना। अब आ जाते हैं थोड़ा सिस्को के टॉपिक पर, एंड फाइनल यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब यहाँ से एडवांस हम लोगों का स्टार्ट होता है ओके। तो अभी तो जितना भी टॉपिक रहा ज्यादातर डिस्कशन और ये सारी चीजें करने के साथ रहा, फ्रॉम
फ्रॉम नाउ अभी हम लोग काफी डीप एंड डाइव जाने वाले हैं. सो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है? ये एंड पॉइंट डिवाइसेस, कोई आइडिया किसी को व्हाट इज एंड पॉइंट डिवाइसेस? क्लाइंट पीसी एंड ऑल, जो भी हम यूज कर रहे हैं. यस, क्लाइंट पीसी एंड ऑल, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे एंड पॉइंट में आ जाएंगे, राइट? पीसी, ये सारी चीजें. सो एंड यूजर्स जो कि हमारे नेटवर्क में अवेलेबल हो. मैं देखता हूँ क्या ऐसा कोई टोपोलॉजी यहाँ पे मैंने बना रखा है. नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक एक नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने ओपन कर लिया. अब नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे आपको मैं आइडेंटिफाई कराऊं अगर एक एरिया को लेकर, जैसे ये एक नेटवर्क यहाँ पे, इतना एक नेटवर्क में मान लिया काउंट मैंने किया है, तो ये जो यूजर है ये आपके एंड यूजर बोले जाते हैं, एंड एंड पॉइंट डिवाइस ही आपका हो जाता है. ये भी आपका एंड पॉइंट डिवाइस हो जाता है. और ये आपका कौन सा डिवाइस होता है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइस हो जाता है. और ये आपका क्या हो जाता है? कोर या एज लेवल की वो बोल सकते हैं, कोर लेवल का डिवाइस हो जाता है. तो हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर को तीन लेयर में डिवाइड किया गया है. सबसे टॉप पे जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिवाइसेस होती है, लाइक राउटर, मॉडम्स और ये सब, ये कोर लेयर की डिवाइस होती है. एंड उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइस होती है, लाइक स्विच वगैरह और ये सारी चीजें आ जाती हैं. एंड वन मोर थिंग, आपका जो एंड पॉइंट होता है, एंड यूजर, लाइक पीसी, लैपटॉप और ये सारी चीजें होती है. ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में बहुत बार. तो ये सभी हमारे जो होते हैं एंड पॉइंट की डिवाइसेस हैं. अब इनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना है तो क्या क्या चीजें होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. दीज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस, ओके. एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड अदर मेडिकल आईओटी बेस्ड डिवाइसेस जो होती हैं, एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं. एंड पॉइंट डिवाइसेस हमें नहीं पढ़ना है, एंड पॉइंट डिवाइसेस सिक्योरिटी हमें समझना था. सो हाउ मेनी सिक्योरिटी टूल्स वी कैन इम्प्लीमेंट टू सिक्योर आर एंड पॉइंट डिवाइसेस कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन, ओके. सो हाउ मेनी टूल्स, कुछ आप बताइए आप लोग, क्या क्या चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप इसको कंट्रोल, इनकी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो? विंडोज डिफेंडर सर, ओके. इनबिल्ट, एक एक करके इनबिल्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम, इसको नोट कर लेंगे आप लोग या याद रखेंगे? इनबिल्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम, फायरवॉल. फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, राइट? सेकेंड पॉइंट, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल. सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल फर्स्ट में आ जाएगा. अनदर पॉइंट, पोर्ट सर. क्या पोर्ट्स? पोर्ट ओपन हो जाए, क्लोज करना. अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है पोर्ट. फायरवॉल इज अ पार्ट ऑफ एंटीवायरस, इसमें आप यूज कर लो कोई भी एडिशनल, ठीक है, एंटीवायरस भी आप ले लो, थर्ड पार्टी एंटीवायरस इसमें आ जाएगा, राइट. फोर्थ पॉइंट, बिट लॉकर फॉर ऑफलाइन डेटा सिक्योरिटी है ना, एंड ऑल्सो रैंसमवेयर अटैक और इनक्रिप्टेड बेस अटैक के लिए भी बिट लॉकर मोस्ट सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल टूल है. इनबिल्ट मिलता है फ्री एडिशनल वर्जन के साथ. और मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन लेवल पे जब भी आप काम कर रहे हो. सो दीज आर द प्राइमरी टूल्स, इसको तो यूज करना ही करना है डिवाइसेस में, ये सब चीजें देखना ही देखना है रेगुलर बेसिस पर, ओके. बट सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग, ओके. सो इन प्रोडक्शन लेवल वी कैन एनेबल और वी कैन यूज नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, यस आर नो? यस सर. नेटवर्क डीएलपी नहीं आएगा इसमें? आ जाएगा, ओके. डेटा लॉस प्रिवेंशन आ जाएगा, नो इश्यू. नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, ओके, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी,
ओके इन द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल यू कैन मॉनिटर बैंडविड्थ, यू कैन मॉनिटर पोर्ट्स, यू कैन मॉनिटर रनिंग सर्विसेस, यस आर नो, यू कैन मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन मॉनिटर सीपीयू, यू कैन मॉनिटर नेटवर्क आईपी एंड एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग नेटवर्क आर रिलेटेड नेटवर्क एंड ऑल्सो यू कैन मॉनिटर लोड ऑफ द पर्टिकुलर मशीन. ओके तो सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हो अपने पर्टिकुलर मॉनिटरिंग टूल से. यस आर नो, ये सारी चीजें. तो मॉनिटरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉनिटरिंग हमें आना चाहिए एज अ सिक्योरिटी पार्ट अगर आप हम लोग यहाँ पे देखें तो. ओके बाकी आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने आना चाहिए, पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है ये देखने आना चाहिए एंड ऑल्सो यू मस्ट नो दैट हाउ टू इनेबल एंड हाउ टू इनेबल बिट लॉकर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिट लॉकर फंक्शन. ओके कितने टाइप्स के बिट लॉकर फंक्शन होते हैं, बिट लॉकर किस कंडीशन में या किस पर्टिकुलर ड्राइव पर इंप्लीमेंट किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आप सारे क्लाइंट के लिए बिट लॉकर लगा दें, तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं. अब किसको किसको पासवर्ड अलग से बताते रहेंगे, बिट लॉकर का तुम्हारा पासवर्ड है ऐसा ऐसा, राइट. तो ये सब सारी चीजें हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करना पड़ता है और इसका एक सिंगल डैशबोर्ड से अगर सारी चीजें मॉनिटर करना है देन यू मस्ट नो अबाउट नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेट सॉरी एनी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल जो कि आप लोग जानते हो, कुछ कोई ऐसा टूल जो यूज करता है कोई, अगर फायरवॉल मॉनिटरिंग भी होती है डायरेक्ट या वायर शार्क ले लो. यस वायर शार्क हो गया जो कि मैंने दिखाया भी है स्टार्टिंग में, वायर शार्क हो गया, पीआरटीजी हो गया है ना, आईबीएम क्यू रडार करके हो गया. कंपनी के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको डिसाइड नहीं करना है, कंपनी खुद बताएगी और इन सब चीजों के लिए इंटरनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है. डोंट वरी अगर आपको कंपनी पीआरटीजी पर रख रही है देन इंटरनल 10-15 दिन की ट्रेनिंग है, जितना भी हो सकता है जो भी है इंटरनल प्रोसेस वो दिया जाएगा एंड अगर कोई पहले से जानता है तो देन उसको रखा जाएगा. तो ये एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर का पार्ट है कि पीआरटीजी सर्वर अगर लगा है कहीं पर भी, इसके मॉनिटरिंग को एक्नॉलेज करना है, एनालाइज करना है, देन डेफिनेटली इसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर इंटरनल कोई बंदा वहां पे रखा जा रहा है तो उसको इंटरनल क्वालिटी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें दिया भी जाता है. सारी चीजें इंटरनली होता है, आप लोगों को पता ही है ना, आईजेपी और इन सब चीजों को भी यूज करके प्रमोट किया जाता है जब किसी को, तो उनको एडिशनल ट्रेनिंग या सीनियर्स के साथ ऐड करके दिया जाता है. तो ये सब एडवांस चीजें हैं, आपको इनके बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए टाइम निकाल के, राइट. तो पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, वैसे मैं इसका आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ सकते हैं. तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए सारे आंसर आप लोगों ने सही दिया, प्लस मॉनिटरिंग आप जरूर ऐड करें. एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंबाइंस प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, पहले से प्रोटेक्शन आपको इनेबल करना होता है, ऐसा नहीं कि अटैक होने के बाद, है ना, बिफोर अटैक यू मस्ट कॉन्फ़िगर दीज ऑल थिंग्स कि कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करना चाहता है, कोई ऐसा मालवेयर तो नहीं हमारे नेटवर्क में विजिट कर रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं जो हमारे नेटवर्क में बैड प्रोग्राम है, कुछ भी ऐसे हम कोई अपडेट भी अगर अपने सर्वर से रिसीव कर रहे हैं तो वो पैच हमारा सिक्योर है कि नहीं है, एक बार एक्नॉलेज कर लिया जाए, एक बार उसका भी ट्रायल कर लिया जाए. सारी चीजें अभी आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में वल्नरेबिलिटी या कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिनके थ्रू मल्टीपल आप प्रोडक्ट्स उनके कॉम्प्रोमाइज हुए थे, तो जब उनका सैटेलाइट सर्वर से पैच ही रिसीव हो रहा है जिसमें मालवेयर है तो डेफिनेटली हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो अफेक्ट तो होंगे ना मालवेयर से, है कि नहीं. तो ये भी चेक करना है कि हम जो पैच रिसीव कर रहे हैं कुछ भी ऐसे हैं, ये सब भी हमारे एंड पॉइंट सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं. एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो होता है ये क्विकली डिटेक्ट करना, एंड पॉइंट सिक्योरिटी को किसी भी तरीके की फाइल डाउनलोड अपलोड करते हो आप उससे भी केयर अबाउट करना है, ईमेल वगैरह अगर कोई आता है उससे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए. तो इन सभी चीजों के लिए, इन सारी प्रोटेक्शन को इनेबल करने के लिए सिस्को प्रोवाइड करता है EPP टाइप का, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं सिस्को AMP, ये एक वर्ड है विजय, इसको हटाओ, आप पेन मत यूज करो. तो यहाँ पे सिस्को AMP क्या होता है अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा अच्छे से. सबसे पहले सिस्को क्या प्रोवाइड करता है, सर, सिस्को, हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट है, ये जो स्क्रीन थोड़ा मैक्सिमम कीजिए ना सर, एकदम छोटा, ये मैक्सिमाइज नहीं हो सकता फिर सारे वो चीजें मुझे नहीं दिखेंगी ना, ठीक
फॉन्ट तो इतना ही बड़ा दिखेगा, फॉन्ट दिख रहा है ना सभी को? फॉन्ट तो विजिबल है, मैं मोबाइल पे भी देख रहा हूँ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो क्या मैं बता रहा था, हाँ जी, तो सिस्को एंड पॉइंट सिक्योरिटी, तो एग्जैक्टली हमें मॉनिटर करते रहना है कि हमारे नेटवर्क में कोई भी फिशिंग ईमेल, कोई फिशिंग लिंक, कोई फिशिंग डॉक्यूमेंट फाइल जिसके अंदर मालवेयर भरा हो, कोई भी ऐसा तो नहीं आ रहा है जो हमारा एंड पॉइंट यूजर उसको रिसीव कर ले, उसको ओपन करे तो तुरंत हमारा जो एंड पॉइंट यूजर का डिवाइस है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हमारा नेटवर्क उसके भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए और फिर हैकर अटैकर हमारे सारे डेटा को चुरा ले। तो ये सारी चीजें हमें मेंटेन करना होता है। अगर कहीं पर भी आपका, अगर मान लिया पूरा इकोसिस्टम कहीं पर भी नेटवर्क वल्नरेबिलिटी या कहीं पर भी अगर कोई लूप होल है किसी भी तरीके का, तो डेफिनेटली बॉट्स जो है अटैकर का प्रोग्राम इन कर जाएगा और प्रॉब्लम होगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मॉनिटरिंग आपके टॉप लेवल पे ही होनी चाहिए, ताकि कंप्लीट नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, मान लिया कि आपके नेटवर्क में आपके नेटवर्क में इतने सारे कंप्यूटर हैं, अब यहाँ पे 6-10 कंप्यूटर या 200 कंप्यूटर हैं, इन 200 कंप्यूटर के सारे पोर्ट प्रॉपर चल रहे हैं ना, किसी ऐसे पोर्ट या किसी ऐसे पीसी पर एक्स्ट्रा बैंडविड्थ तो नहीं दिखा रहा है? उसके अंदर दिखा देता है, सारे सेंसर मॉनिटर होते हैं। जैसे मान लिया कि आपने देखा होगा, सेंसर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग टूल के अंदर है जो सेंसर पोर्ट्स एंड सर्विसेज को यूज किया जाता है। तो कोई भी सर्विस या कोई भी सेंसर जब रेड अलर्ट देने लगता है तो मतलब उस पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, यस आर नो? तो जो मॉनिटरिंग टीम होती है वो तुरंत उस पोर्ट पर चेक करते हैं कि उस पीसी में हुआ क्या है, इतना ज्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है, कुछ भी ऐसे क्यों हो रहा है, या कोई राउटर हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है, कोई फायरवॉल हो सकता है, कुछ भी ऐसे जिसपे कुछ ऐसा एक्टिविटी अगर होगा जिसके सेंसर अजीब तरीके की हरकतें करेंगे या रेड अलर्ट या कुछ भी ऐसे, है ना, मॉनिटरिंग में पकड़ा जाएगा या लॉग में देखा जाएगा, तो उस पर एक्शन लिया जाता है, क्विक एक्शन लिया जाता है, और ये कंटिन्यूअस 24/7 मॉनिटरिंग करनी होती है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे मॉनिटरिंग कर लिए उसके बाद 2 दिन तक वैसे ही क्या चल रहा है नेटवर्क में कोई मतलब नहीं। आज के समय पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मतलब कंप्लीट आपके नेटवर्क के ऊपर आपका एक थर्ड आई ओपन होना चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडवांस प्रोटेक्शन, सॉरी एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आपको एक सिस्को AMP मिल जाता है, जिसमें आपके मोबाइल से लेके टैबलेट से लेके लैपटॉप से लेके बड़े सर्वर्स वगैरह का भी 24/7 कैलेंडर टाइम के अकॉर्डिंग पूरे मंथ, पूरे महीने, पूरे डेज, पूरे आवर्स इसकी मॉनिटरिंग किया जाता है। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि सभी डिवाइस, इन डिवाइसेस के लिए सभी तरफ से क्या करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर देता है। कोई भी अगर इसके अंदर इन होता है पैकेट या किसी भी तरीके का डेटा इन आउट होता है कुछ भी, तो सबसे पहले उसको इस सिक्योरिटी जोन से क्वालिफाई होना पड़ता है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हमारा प्रोग्राम क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मल्टी फैक्टर प्रिवेंशन सिस्टम आपको मिल जाता है, पावरफुल EDR कैपेबिलिटीज मिल जाता है, XDR हो जाता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं इसका आर्टिकल अगर दिखाऊं, सिस्को AMP, मैं नोट शेयर कर देता हूं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, सिस्को AMP एंटर, कुछ ज्यादा नहीं करना है, इस AMP प्रोटेक्शन प्लान पे आ जाना है, एंड यहाँ पे देखो यही सब दिया हुआ है, नेटवर्क AMP सिक्योरिटी, मैंने यही से सारी चीजें ऐड किया हुआ, की फ्रेम एक एक पॉइंट मैंने, तो यहाँ पे किस किस तरीके की सिक्योरिटी है मैंने कुछ फिल्टर करके वहां पे ऐड कर लिया। तो इसको मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, आप इसका नोट्स ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज करके आप अपने नेटवर्क बैंडविड्थ मॉनिटरिंग और इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सिस्को AMP के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इनके फीचर क्या क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख कर आ रहा है, किस किस तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, है ना, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैंने वही मेंशन किया हुआ है, मैंने नोट शेयर कर दिया है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको यहां से ये इससे बड़ा करने पर भी ये ऐसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि अगर आपने सिस्को AMP प्रोग्राम यूज किया है तो कंप्लीट आप यहाँ पे अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने कंप्लीट
जो भी हमारे सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज क्या लिखा हुआ है, आर्टिफैक्ट्स कुछ लिखा हुआ है, ये कहने का मतलब यह है कि आपका सिस्को एएमपी एक ऐसा डैशबोर्ड, सिंगल डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, डैशबोर्ड इन द सेंस कि एक ऐसा डैशबोर्ड जहां पे कंप्लीट नेटवर्क के ऑब्जेक्ट को मॉनिटर एंड मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं लाइक लॉग से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनबॉक्स के अंदर, डैशबोर्ड में आपकी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, आपके लिनक्स बेस्ड की डिवाइसेस आ जाती हैं, मोबाइल वगैरह टैबलेट वगैरह जितने भी डिवाइसेस है सब इसके अंदर मॉनिटर और मैनेज किया जाता है। कोई वल्नरेबिलिटी है उसका भी लॉग एंड डिटेल आपको देखने को मिलता है, स्टैटिक्स मिल जाता है। तो मतलब एक सिंगल डैशबोर्ड है जहां से आप सब कुछ मॉनिटर कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आगे दिखाऊं तो इनके अंदर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग सॉरी अकाउंट और ये सारी चीजें क्रिएट करते हो, तो इनके अंदर आप उन सारे कनेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। कनेक्टर इन द सेंस कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिनके अंदर आप अपनी डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, एज अ सेंसर, एज अ कनेक्टर, है ना। मैक बेस्ड डिवाइसेस को भी मॉनिटर कर सकता है, एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस को भी मॉनिटर कर सकता है, राइट। तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पे कैपेबल है, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए ये हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए सिस्को प्रोवाइड करता है सारी चीजें। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सिस्को एंड पॉइंट सिक्योरिटी और इन सारी चीजों के लिए। तो सिस्को एएमपी प्रोग्राम आपको फ्री में 30 डेज के लिए मिलता है, इनकेस अगर आपको रजिस्टर करना है या देखना है तो आप जा सकते हैं। आई थिंक इसका यहाँ पे कहीं होगा भी रिक्वेस्ट और ट्रायल, रिक्वेस्ट फ्री ट्रायल पे आकर ये जब सीसीएनपी थोड़ा एडवांस सिक्योरिटी वगैरह पढ़ने जाएंगे तो इन सब चीजों पे डिस्कशन करने को मिलता है, बट एज अ सीसीएनए लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी आपको, राइट। बट इतना नॉलेज होना चाहिए कि सिस्को एएमपी सिस्को सर्टिफाइड एक कंपोनेंट है, एक टूल है या टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस को मॉनिटरिंग, लॉग रिपोर्ट, ईमेल प्रोटेक्शन या किसी भी अनदर इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक की मॉनिटरिंग और हमारे विंडोज मैक अनदर लिनक्स बेस सारी डिवाइसेस का एक सिक्योरिटी मेंटेन और मैनेज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 30 डेज के लिए आप यहाँ पे ट्रायल ले सकते हैं, कैसे यूज करना है ये वीडियो भी है, देखकर यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, टेलनेट क्या है एंड एसएसएस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं। टेलनेट एक इनसिक्योर रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल है और एसएसएस जो है एक सिक्योर रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अगर टेलनेट की डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। टेलनेट की जरूरत क्यों पड़ती है पहले इसको समझते हैं। एक कंपनी के अंदर या एक प्रोडक्शन के अंदर जब आप काम करते हैं तो मान लिया कि एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने आप यहाँ पे बैठे हो इस पीसी पे और आपको इस राउटर को कन्फिगर करना है तो क्या करेंगे, आप रिमोट प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो हमारे राउटर के लिए सिस्को के लिए दो प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल हो जाता है, टेलनेट है और एक और है एसएसएच। अगर टेलनेट के थ्रू आपने इनेबल कर रखा है और आप जो भी यहाँ से सेंड और रिसीव कर रहे हो टेलनेट के थ्रू रिमोटली, तो आपका एक ओपन टेक्स्ट में आपकी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होगा। ओपन टेक्स्ट मतलब कि अगर कोई भी कैप्चरिंग टूल यहाँ पे नेटवर्क में हैकर अटैकर का भी हो सकता है या इंटरनल कोई क्लाइंट है यूज किया गया है तो आप क्या यूजर नेम, क्या पासवर्ड, क्या यूज कर रहे हो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और इजिली हैक हो जाएगा, है ना। कोई भी रीड कर सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को। बट एसएसएच के थ्रू क्या होगा कि जो भी आपका ये ओपन टेक्स्ट है ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएस। बोथ आर सेम प्रोटोकॉल फॉर रिमोट एक्सेस बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है एसएसएच स्ट्रॉन्ग आर सिक्योर है। ओके तो हम लोग दोनों इनेबल करके देख लेते हैं और कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले टेलनेट इनेबल करते हैं, किसी को कमांड्स पता हो तो बता सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िग स्पेस टी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल पासवर्ड देना है, हमेशा याद रखें रिमोट एक्सेस के लिए आपके डिवाइसेस पर एक पासवर्ड पड़ा होना चाहिए, यूजर पासवर्ड, जो कि मैंने अभी दो पासवर्ड अप्लाई किया था, एक सेक्रेट पासवर्ड एक नॉर्मल पासवर्ड। सेक्रेट पासवर्ड मैंने दिया था 1234
और एक नॉर्मल पासवर्ड मैंने दिया था 123, तो ये दोनों पासवर्ड एक साथ काम नहीं करेगा, आपका ये पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा। ओके, आपका ये पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा और ये पासवर्ड आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इन केस अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिमूव कर दिया, ओके, या सिक्योर पासवर्ड रिमूव कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपका नॉर्मल पासवर्ड वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये याद रखेंगे, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा conf space t के बाद enable secret, मैंने 1234 दिया, पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। फाइनल कमांड लाइन, लाइन स्टैंड फॉर होता है एक आप पोर्ट ओपन कर रहे हो, लाइन मतलब कनेक्शन, btyy ये हमारा क्या होता है, एक वर्चुअल लाइन क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे वर्चुअल लाइन सेशन कितना, 0 से लेके 15 तक क्रिएट कर सकते हो। ये फिक्स नंबर नहीं है कि एग्जाम में इतना ही आएगा और ऐसे ही आपको लिख देना है, मे बी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिवाइस मॉडल ये नंबर जो है ना कम ज्यादा होता रहता है। तो 0 to 15 यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, किसी पे 0 to 3 होगा, किसी पे 0 to 4 होगा, किसी पे 0 to 64 होगा, तो ऐसे हो सकता है। यानी कि आप 0 से लेके कितने नंबर ऑफ यूजर को रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप 0 to 15 लिख देंगे, तो एट अ टाइम इतने सारे यूजर क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। अगर आपने 0 लिख दिया और एंटर कर दिया और पासवर्ड दे दिया टेलनेट का, पासवर्ड स्पेस 1 2 3 4 5 एंटर, तो एक बार में एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है इस राउटर को या इस डिवाइस को। अगर कोई और एक्सेस करना चाहेगा तो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पासवर्ड पता होगा, यूजर नेम पता होगा, सब कुछ पता होगा, राउटर का आईपी भी पता होगा, तब भी वो नहीं कर सकता जब तक ये सेशन एक्सपायर नहीं होगा। या एक यूजर इसने एक्सेस कर लिया, ये भी जानता है इसका यूजर नेम पासवर्ड, ये भी एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर सकता जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 0 कर सकते हैं, बट अगर आपने 0 to 4 कर दिया तो 0+1+2+3+4 एट अ टाइम 5 कैंडिडेट इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। तो मैंने इसको सिंपल एक अलाउ किया है, आप 1 2 3 जितना करना चाहें, मैक्सिमम नंबर आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने दिखा दिया, आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इनेबल कर दिया, अब मुझे इसका रिजल्ट देखना है। तो सबसे पहले इसका आईपी मैंने दिया और जस्ट ये इनेबल कर दिया, और मैं इस पीसी पर भी आईपी दे चुका हूं, इस पीसी को मैंने ओपन किया। अब देखो पीसी को जस्ट क्लिक करके ओपन किया और मैं यहाँ पे ओपन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने लिखा यहाँ पे पिंग स्पेस राउटर की आईपी 10.0.0.1 एंटर। आप देखो रिप्लाई आ रहा है राउटर से, पहले रिप्लाई चेक करना जरूरी है, आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो कनेक्टिविटी कहाँ से होगा। तो सेम नेटवर्क या इकोसिस्टम आपने कॉन्फ़िगर किया है तो रिप्लाई आएगा। एक बार आईपी मैं दिखा देता हूँ, इस पीसी को मैंने क्या दिया है, 10.0.0.200 दिया है इस पीसी को। बट अभी यहाँ पे गेटवे भी मेरे पास है, हमारे पास राउटर है तो आप यहाँ पे गेटवे भी अप्लाई कर सकते हो। राउटर नहीं होता तो हमें गेटवे देने की जरूरत नहीं थी, इसको मैंने गेटवे दे दिया। इस वाले पीसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ पीसी 0, तो इसको भी मैं गेटवे दे देता हूँ 10.0.0.1, ओके, क्योंकि हमारे पास राउटर है 10.0.0.1, ठीक है, ये मैंने दे दिया। बस अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, म्यूट कर लो सोमनाथ। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है टेलनेट। आपको टेलनेट एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ेगा टेलनेट स्पेस, और जिस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस, एंटर। कह रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, तो मैंने टेलनेट का भी पासवर्ड क्या दिया था, 1 2 3 4 5 एंटर, हो गया एक्सेस। राउटर R1 R11 जैसे उधर एक्सेस हो रहा था वैसे यहाँ पे इनेबल करिए। अब ये पासवर्ड आपसे मांगेगा नॉर्मल पासवर्ड या सेक्रेट पासवर्ड जो भी आपने दिया है, तो 1 2 3 4 मैंने दिया है सेक्रेट पासवर्ड। अब यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने राउटर को जैसा चाहिए वैसा, जैसे मैं होस्ट नेम R1 कर देता हूँ, राउटर 1 हो गया, क्लियर है ना। तो ये इजीली आप कर सकते हैं, और आप अपने राउटर पे आके चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी R11 दिखा रहा है, एंटर करके देखिए R1 दिखा देगा, यानी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है टेलनेट का, ये एक इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि कोई भी आसानी से इसके बारे में रीड कर सकता है। सिक्योर इनसिक्योर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट डे आप लाइव देखने वाले हैं, मतलब कल की क्लास में मैं इसको रियल डिवाइस पे लाइव मॉनिटर करके दिखा दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाऊं, कॉन्फ़िग स्पेस टी या कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही मुझे SSH इनेबल करना है या टेलनेट रिमूव करना है, तो नो लाइन
VTY जीरो में लिख दूं एंटर, क्या ऐसा कोई कमांड है? नो लाइन VTY, नो लाइन ऐसा कोई कमांड नहीं है, ठीक है, तो नो इशू, नो लाइसेंस है, लाइन नहीं है, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, नई मॉडिफिकेशन है तो नहीं कर सकते आप, तो ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे SSH इनेबल करना है, तो SSH इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज और देख लो कि आपका अगर डिवाइस पर इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और गलती से आपका पावर सप्लाई यानी कि कंपनी के अंदर जो पावर सप्लाई है या लाइट चली जाती है ना, बैकअप प्लान नहीं है पावर सप्लाई का, तो आपका डिवाइस सारा कॉन्फ़िगरेशन लॉस कर देगा, है ना, जब भी ऑन होगा तो एक नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑन होगा, क्योंकि आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कहीं सेव नहीं किया है। तो बैकअप एंड सेव हम लोग आगे देखेंगे, बट एक बार लॉस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है और अभी मैं अगर बिल्कुल बाहर आ जाऊं कंट्रोल जेड करके या एग्जिट करके इनेबल करूं तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और डिवाइस को बूट कर लेता हूं फिर से और देखते हैं पावर ऑफ करके और ऑन करके क्या हमें पासवर्ड दोबारा और ये सब देना पड़ता है, चेक कर लेते हैं। बूट हो रहा है डिवाइस, तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, नो आपको यहाँ पे कोई भी पासवर्ड और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक इनेबल पासवर्ड कर देता हूँ 123, अब 1233 याद रखेंगे पासवर्ड, बेसिक पासवर्ड हमारा 1233 है। आईपी भी हट गया होगा, सब कुछ रिमूव हो गया होगा, तो मुझे यहाँ पे इंटरफेस स्पेस G0/0/0 जिसका आईपी एड्रेस मुझे देना है 10001, इसका सबनेट मास्क और नो शटडाउन से पोर्ट को ऑन कर देना है। तो ये मैंने ऑलरेडी अभी करके आप लोगों को दिखा दिया। अब मुझे यहाँ पे SSH इनेबल करना है और या पुरानी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो रहा है मैं चाहता हूँ वो सेव होता जाए, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एग्जिट करेंगे बाहर आ जाएंगे, एग्जिट करेंगे बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट कमांड, क्या लिखेंगे राइट कमांड और एंटर कर देंगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन वहीं से चलेगा अगर रीस्टार्ट हो जाए, पावर चली जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि राइट कमांड से आपका डेटा रैम से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, एनवी रैम पे, याद रखेंगे रैम से एनवी रैम पे, रैम जो होता है टेम्परेरली स्टोरेज होता है, एनवी रैम जो होता है वो परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी होता है, तो ये कर सकते हैं, या इसी को आप थोड़ा सा बड़ा कमांड टाइप करना चाहते हैं कॉपी, रैम को बोला जाता है रनिंग हाइफन कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी और रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग मेमोरी, और इस एनवी रैम को बोला जाता है स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग मेमोरी, तो आप ये दोनों टाइप करके एंटर करेंगे फिर वही सेम काम चलेगा, तो बेटर है उसका दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक WR या राइट मेमोरी आप कर देंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं यहां से कन्फ मोड पे आ जाता हूं या कॉन्फ़िगरेशन मोड पे दोबारा से, ओके, और होस्ट नेम मैं यहां पे दे देता हूं, होस्ट नेम R1 राउटर 1। अब SSH इनेबल करना है तो सबसे पहले मुझे अपने राउटर पे आईपी मैंने दे दिया, पिंग रिप्लाई सब कुछ आ रहा होगा, नॉर्मल पासवर्ड मैंने यहाँ पे 1233 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक आईपी डोमेन क्रिएट करूंगा, आईपी डोमेन नेम यहाँ पे एक देना पड़ता है, यहाँ पे डोमेन नेम आपको देना पड़ेगा डिफाइन डिफॉल्ट डोमेन नेम, डिफॉल्ट डोमेन नेम से कोई नेम अप्लाई हो जाएगा, सो ये जो डोमेन नेम है आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे डोमेन एंड नेम, और मैंने डोमेन नेम दे दिया मेरा नेटवर्क 1 ऐसे कुछ करके, या मैंने डोमेन नेम दे दिया सिस्को, एंटर कर दिया। डोमेन नेम देने के बाद आप यहाँ पे एक इंक्रिप्शन जनरेट करेंगे, क्रिप्टो की जनरेट, और यहाँ पे इंक्रिप्शन जो आपका सपोर्ट करेगा RSA, इसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, ये जरूरत नहीं है बट अगर आप पढ़ना चाहें सिक्योरिटी को डीप समझने के लिए, व्हाट इज RSA, व्हाट इज क्या बोला जाता है MD, व्हाट इज SHA, व्हाट इज MCHAP, व्हाट इज PAPCHAP, तो व्हाट इज इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, साइफर वैल्यूज, ये सब क्या होती हैं, इसके बारे में अगर कभी वो तो क्रिप्टोलॉजी सिस्टम पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। RSA एक इंक्रिप्शन सिस्टम होता है जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे जो भी डेटा ट्रेवल होता है उसको सिक्योर करता है, इनक्रिप्ट करता है, तो RSA
ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल्गोरिदम को डेवलप किया था, उन्हीं का नाम है, आर से किसी का है, एस से एक का है और एक का ए से है। फुल नेम आपको मिल जाएगा, डिटेल्स आर एस से, और जस्ट एंटर कर देंगे। इन्होंने जो इंक्रिप्शन बिट तैयार किया था वो 360 बिट से लेकर, आप यहाँ पे चेक करिए देखिए क्या दिया हुआ है, 360 से लेकर 2048 बिट तक लेकर जा सकते हैं। ये मिनिमम इंक्रिप्शन है, यानी कि अगर 123 को इंक्रिप्ट करेंगे इतनी बिट से तो मे बी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो या इंक्रिप्शन जनरेट हो, इंक्रिप्टेड वैल्यू। बट अगर आपने इतना वैल्यू दे दिया तो ये छोटे से छोटे वैल्यू को काफी हैवी इंक्रिप्शन वैल्यूज के साथ कन्वर्ट करेगा। तो हैकर अटैकर का जो पीसी है या जो ब्रूट फोर्स कभी होता है पासवर्ड को निकालने के लिए या इंक्रिप्शन को पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ सकता कोई। और अगर आपने हैवी से हैवी इंक्रिप्शन अप्लाई कर दिया तो यू मस्ट रिमेम्बर, यू मस्ट नो दैट योर डिवाइस यूसेज विल बी हाई। क्या हो जाएगा, आपके डिवाइस का जो यूसेज है वो काफी हैवी हो जाएगा। क्योंकि सोचो आपको, आपको अगर मैं बोलूं एक से लेके फाइव तक कैलकुलेशन करने के लिए एक सेकंड में, तो कर लेंगे आप 1 2 3 4 5 कर लिया शायद आपने। बट मैंने बोला कि एक से लेके 1000 कैलकुलेट करो एक सेकंड में, तो आप लगाएंगे एक सेकंड का टाइम क्यों? तो जो हमारा प्रोसेसर है ना, किसी भी टास्क को जितना छोटा होगा जल्दी कैलकुलेट कर लेगा, जितना बड़ा होगा हमारे सीपीयू यानी ब्रेन पर भी उसका प्रोसेस देखने को मिलता है। तो हेल्थ जो है हमारे राउटर का कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा बिजी हो जाएगा हमारा राउटर प्रोसेसिंग में और इधर इट्स इन वैल्यूज को कन्वर्ट कैलकुलेट करने में सब। तो जरूरी नहीं कि आप इतना हैवी प्रोवाइड करें, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके पास अगर हैवी राउटर्स हैं अच्छी रैम है तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि 512 बिट्स की इंफॉर्मेशन और बाइट्स की इंफॉर्मेशन, क्या है ये, बिट है और बाइट है, यहाँ पे लिखा होगा। चलो अभी आगे पता चल जाएगा। तो ये इंक्रिप्शन आप दे सकते हैं, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, बिट इंक्रिप्शन होता है, आप याद रखेंगे ऐसे ही यहाँ पे लिख के आना चाहिए बिट बाइट का, क्योंकि बिट बाइट का बहुत ज्यादा इसका वो रहता है। तो ये एक इंक्रिप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया 512 बिट का, है ना। तो ये एक बिट वैल्यू पे काम कर रहा है, ठीक है। SSH 5 enabled, SSH वर्जन हमारा यहाँ पे इनेबल हो गया। फाइनली मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइन स्पेस VTY एक टर्मिनल ओपन करना है 0 एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH आपका यहाँ पे इनपुट के लिए रेडी हो गया। अगेन आपको एक लॉगिन लोकल इनेबल करना है ताकि आप SSH के थ्रू लॉगिन कर पाओ विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यूजर नेम सिस्को एंड पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ सिस्को, नो इशू, ओके। एंड आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई डन। अब मुझे क्या करना है, अगर किसी भी मशीन पे आके मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ और एक बार पिंग करके देखूँ क्या हमारा पीसी पिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने नया कॉन्फ़िगरेशन किया था 10.001 एंटर कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे आप लिखेंगे SSH space -l 10001 और एंटर। बट 10001 से पहले इसका यूजर नेम स्पेसिफाई कर दो सिस्को, एंटर। अब देखो ये पासवर्ड मांगने लगा, ओके पासवर्ड हमने दिया था सिस्को, एंटर, ये इनेबल हो गया, इनेबल वन जो भी पासवर्ड आपने दिया 1 2 3 3 एंटर, ये देखो एक्सेस हो गया। क्लियर है सभी को? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कमांड याद नहीं होगा, कमांड आपको लिख कर मिल जाएगा तो कर लेंगे ना, तो वो मिल जाएगा। यह वीडियो आप लोगों को एक्सेस मिला होगा, वहां से देख सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर मुझे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि अगर मैं अपने राउटर पे हूं, ठीक है, ओके, मैंने अगर सेंड कर दिया, एक कमांड मैंने टाइप किया कि राइट कर दो डेटा या इसका बैकअप बना दो, तो मैं राइट लिख दिया, एंटर कर दिया, तो मेरा रैम से डेटा एनवी रैम पे चला गया। तो अगर राउटर रिबूट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कॉन्फ़िगरेशन वहीं से, या हमारा राउटर प्रीवियस सारी कॉन्फ़िगरेशन लोड कर लेगा बूट होते समय, एनवी रैम से लोड कर लेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राउटर है
अगर क्रैश कर जाता है उसका मेमोरी एनवी रैम और ये मदरबोर्ड, तो फिर कैसे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी? और मान लिया कि 10 साल पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ा नेटवर्क आप कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो एक्सटर्नल बैकअप आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके लिए TFTP सर्वर आपका आता है, उसको आप यूज करेंगे। प्रोडक्शन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है किसी भी मशीन के लिए, आप TFTP सर्वर प्लान कर सकते हैं। जैसे सिंपल फ्री TFTP सर्वर, फ्री TFTP सर्वर डाउनलोड आप लिखेंगे एंड जस्ट एंटर करेंगे, आपको सोलर विंड का यहाँ पे मिल जाएगा, अनदर का मिल जाएगा, तो किसी से भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100% फ्री डाउनलोड, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी यूज कर सकते हैं, सब फ्री है, ठीक है? तो एक इसको ऑन कर देंगे और आपके कंप्यूटर की जो IP होगी वही उसका IP हो जाएगा, और जस्ट उस IP को टाइप करके सेंड कर देना, आपके कंप्यूटर पे आके वो डेटा रिसीव हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, लाइव कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा, ओके? तो अब भी अगर मैं यहाँ पे TFTP सर्वर अप्लाई करूँ तो मुझे एक यहाँ पे सर्वर के कंप्यूटर सिस्टम को लेना पड़ेगा। तो मैं मशीन वाले या कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे या एक्सेस डिवाइसेस पे मैं ऐड करता हूँ, सर्वर सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कर लिया, सर्वर को मैं कनेक्ट करता हूँ अपने स्विच के साथ, ये मैंने ऐड कर दिया, या डायरेक्ट मैं अपने राउटर के साथ ऐड कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? मैं इसको इसके साथ ऐड कर देता हूँ अनदर पोर्ट पे, बट अनदर पोर्ट नहीं यार, काम करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से, इसको फोर से इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब सर्वर PC का IP मैं दे देता हूँ, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.5.0.10.0.0.1, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हमारे इस सर्वर के पास आप चेक करेंगे तो सर्विसेस में एक TFTP एप्लीकेशन होगा, यहीं पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है? अभी मैं करके दिखाता हूँ लाइव, ये देखो कि मुझे डेटा भेजना है TFTP सर्वर पे, तो TFTP सर्वर को पिंग कर लो, आपका 50 है, 10.0.0.5.0 एंटर आ रहा है, रिप्लाई है ना, आ रहा है रिप्लाई। तो फाइनली सेंड करना है तो कॉपी करिए रनिंग यानी रैम का डेटा, कहाँ पे भेजना है? TFTP पे, तो TFTP जस्ट एंटर की प्रेस करना है, और कह रहा है कि TFTP सर्वर की IP बताओ, 10.0.0.5.0 एंटर, कह रहा है किस नाम से भेजना है, तो आप में सबसे ऊपर नाम अजय का दिख रहा है, तो अजय मैंने लिख दिया और जस्ट एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे अपने TFTP सर्वर पे, तो अजय नाम से एक डायरेक्टरी मिल जाएगा, ये टेक्स्ट फाइल होता है, आपको यहाँ से रिसीव कर लेना है। दोबारा इसको कॉपी करना है अपने राउटर पे, अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गया है तो आप जस्ट कॉपी करेंगे अपना डेटा, कहाँ से? TFTP से, जस्ट अपोजिट कर देना कमांड को और रनिंग पे आप भेज लो। कह रहा है कहाँ पे है? सर्वर पे है, तो सर्वर का IP यहाँ पे दे दो, 50 एंटर। कह रहा है किस नाम से है? तो अजय नेम से है, एंटर। कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम देना चाहते हैं? नहीं, एंटर। देखो कॉपी हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर लेना है। बैकअप एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए इट इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यू कैन सी ये मेरा कमांड्स है बैकअप के लिए, तो मैं यहाँ पे बैकअप एंड रिकवरी IOS का नहीं, चेक रिमूव कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है? तो TFTP सर्वर से लेके हर चीज का बैकअप मैंने दिखा दिया। टेलनेट इनेबल करने के लिए जो कमांड थी, अभी मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, टेलनेट के लिए जो आपकी कमांड है वो है ये पूरा, हाउ टू इनेबल टेलनेट, एंड SSH के लिए यहाँ पे, अब हर कमांड मेरे से टाइप नहीं, वीडियो मैंने इसीलिए दे रखा है, स्टार्टिंग में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आगे चल के आप लोग को सब पता होना चाहिए कैसे क्या है, प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो देखकर आप कुछ चीजें नोट कर लेंगे, सब पढ़ेंगे देखेंगे, है ना? टाइप करने में देख रहे हो ना बहुत टाइम लग जाएगा सब, तो वीडियो इसीलिए दिया गया है ना, कि आप आराम से 2-3 महीने पूरा एक्सेस है उसको करिए, मैक्सिमम जितना वो हो सकता है प्रैक्टिस करिए। हाउ टू कन्फिगर बैनर, बैनर क्या होता है कि आपके डिवाइस को अगर कोई फर्स्ट टाइम लॉग इन करे, जैसे मैं इसको बिल्कुल आउटसाइड कर दिया और लॉग इन यहाँ पे कोई बैनर लिख के आने लगे या वेलकम टू ऐसा कोई मैसेज, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं इनेबल करता हूँ। पासवर्ड क्या है इसका? 1233, यस।
और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे बैनर बैनर सेट करना है तो बैनर स्पेस एमओटीडी, एमओटीडी स्टैंड फॉर मैसेज ऑफ द डे, और जो भी बैनर लिखना है उसको स्टार या किसी भी उसमें लिखिए वेलकम इन सीसीएनए न्यू बैच और एंटर एंटर कर दीजिए, आपका ये बैनर अप्लाई हो गया इजिली, यू कैन सी। और बैनर क्या होता है, एक वेलकम मैसेज होता है और कुछ नहीं है, जरूरी नहीं इसको कॉन्फ़िगर करना। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एग्जिट करके तो ऐसे एक वेलकम मैसेज लिख के आएगा, यू कैन स्पेसिफाई एनी मैसेज अकॉर्डिंग टू योर नीड। लाइक कंपनी के अंदर कभी कभी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज देना पड़ता है, या जो भी टेक्निकल हेड होते हैं, टेक्निकल टीम होती है, एडमिन होता है जो कन्फिगर करता है, उसको वही मैसेज टाइप करके पेंडिंग में रखना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, है ना। जब भी वो लॉग इन करेगा तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर वॉट एवर, पूरा आप वहाँ पे फॉर्मेट डिजाइन करके लिख सकते हैं। ओके तो ठीक है, आप ऐसा कर लें तो बेटर है। और नेक्स्ट अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करना है, नो लगा देंगे किसी से भी। वर्जन चेक करना है तो जस्ट आप चेक सेलेक्ट करेंगे इनेबल और 1233 एंटर, सो स्पेस वर्जन आप लिखेंगे एंटर तो पूरी वर्जन डिटेल मिल जाएगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं, सो स्पेस वर्जन दिस इज द कमांड। तो ये वर्जन चेक करने की कमांड है। हार्डवेयर कंपोनेंट भी आपका इसी में चेक हो जाता है, सेम वर्जन से ही जब आप चेक करेंगे तो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट यहीं पे मिल जाते हैं, लाइक आपका फ्लैश मेमोरी कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, iOS डिटेल एंड एवरीथिंग। ओके तो ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, प्रोसेसर मॉडल नंबर व्हाटएवर सब मिल जाता है, प्रोसेसर आईडी से लेकर एवरीथिंग तो ये मिल जाता है। प्लस अब लास्ट ऑप्शन एंड आज का लास्ट लैब iOS का बैकअप एंड रिकवरी, यानी राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका बैकअप और रिकवर करना है। तो कैसे करेंगे, अब मुझे एक TFTP सर्वर की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा ये TFTP सर्वर है, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे iOS बैकअप एंड रिकवरी के लिए। मैं मुझे इसके लिए कोई कमांड टाइप नहीं करना है, पहले तो मुझे iOS को डिलीट करना है। तो स्टेप वन जो होगा आपको, डिलीट iOS, क्योंकि मेरे पास अभी iOS है तो उसको डिलीट करना है। बट डिलीट से पहले याद रहे कि आप उसका बैकअप लेकर रख लें। तो मेरे पास बैकअप के लिए हमारे पास है एक TFTP सर्वर, तो मैं यहीं पे रख लेता हूँ। किस नाम से रख लूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा DIR, एंटर। तो ये हमारा राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है, इसको मैंने जस्ट क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी कर दो मेरा डेटा, कहाँ से कॉपी कर दो, फ्लैश मेमोरी से। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, आपका राउटर का जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, बूट मेमोरी। तो फ्लैश का डेटा कहाँ पे, TFTP सर्वर पे, एंटर। कह रहा है फ्लैश फाइल का नाम बता दो, तो फ्लैश फाइल का नाम जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे, डॉट बिन वाली फाइल याद रखें। डॉट बिन जो होता है ये आपके राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, XML और अनदर चीज नहीं, ये आपकी कन्फिग्रेशन फाइल होती है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एंटर कर दिया। कह रहा है कि एड्रेस कहाँ पे भेजना है, 10.0.0.5.0 पर भेजना है, ठीक है। कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम किस नाम से, तो मैं इसको भी AJAY अजय 1 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये कॉपी हो रहा है डेटा हमारे राउटर, क्योंकि राउटर का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो होती काफी बड़ी होती है, तो ये टाइम लेगा। क्लियर है सभी को? सर शरद हियर, हेलो। हाँ जी, हाँ एक स्मॉल क्वेरी है सर, अभी जो आपने TFTP सर्वर का बोला ना, ये जो फ्री जो TFTP सर्वर है सर, वो कितना सिक्योर रहेगा एग्जिस्टिंग अगर नेटवर्क पे बैकअप का उसका यूज करना है? फ्री यूज ही किया जाता है, अरे वही सिक्योर है, 100% सिक्योर है। अच्छा, सिक्योर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, पॉसिबल है कि एग्जिस्टर मेरा कोई फाइल सर्वर या ईडी रहेगा तो उसको कॉन्फिगर कर दिया जाएगा TFTP को? हाँ कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। नहीं एक्चुअली मेरा सिक्योर नेटवर्क है विद फायरवॉल के साथ, ओके, और मैं अभी इसका बैकअप, बिकॉज बैकअप ये मेरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो अगर मैं उसको TFTP फ्री जो आप बोल रहे हैं TFTP सर्वर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके एक पीसी पे आप कॉन्फिगर करो करके, तो वहां पे कितना सिक्योर रहेगा मेरा बैकअप? जितना हमारा नेटवर्क सिक्योर है। ये एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटी या कुछ ऐसा लूप होल्स नहीं है, है ना। जितना स्ट्रांग हमारा नेटवर्क एल्गोरिदम है या हमारा पूरा इकोसिस्टम है उतना स्ट्रांग ये रहेगा, है ना। अगर मान लिया कि हम जिस
टीएफटीपी सर्वर एक्स वाई जेड किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया और उस कंप्यूटर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो फिर ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर पेनिट्रेट है ना, हैक है, तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो नेटवर्क है वो जितना सिक्योर होगा उतना सिक्योर हमारा ये होगा। अब डेटा यहाँ पे, ये टीएफटीपी सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही, टीएफटीपी क्या होता है या एफटीपी जो भी होता है, 2021 पोर्ट अगर हमारा ओपन है तो डेफिनेटली अगर हम उसको फायरवॉल से प्रोटेक्ट नहीं किए हुए हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं है सिक्योरिटी इनहेंस करने का, है ना। या टीएफटीपी कोई भी आप यूज कर ले, पोर्ट ओपन है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो कहीं से भी उस पर अटैक कर लिया जाएगा। और एफटीपी को ब्रूट फोर्स करने के लिए हाइड्रा टूल आता है और एक सिंगल लाइन से आप उसको अटैक कर सकते हैं, है कि नहीं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, कोई भी डिक्शनरी अटैक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, और अगर हम वहां पे एज अ साइबर सिक्योरिटी या टेक्निकल सपोर्ट सिक्योरिटी बेस पर देख रहे हैं तो हम कितना उसके बारे में अवेयर है ना, या एक्टिव है या मॉनिटर करके रखे हुए हैं, ठीक, तो वो मैटर करता है। बाकी आप सोलर विंड से यूज कर लीजिए, सेफ है, बट अभी पिछले सिक्स मंथ या वन ईयर का रिपोर्ट निकालेंगे तो सोलर विंड का जो मतलब कि सेंट्रल सर्वर था या जो सैटेलाइट सर्वर था वही हैक्ड था, है ना। तो जितने लोगों ने वहां से अपडेट रिसीव किया था सभी की कंपनीज के डेटा को ब्रीच, मतलब सभी के कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ था, है ना, प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि एक सेंट्रल हब में ही जो भी हैकर था उसका प्रोग्राम रन कर गया था, वहां पे इंजेक्ट कर दिया था। तो रिलेटेड जितने भी अपडेट, अब मान लिया आप अपडेट अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का तो कहाँ से लोगे, माइक्रोसॉफ्ट से ही तो अपडेट लोगे आप, है कि नहीं। तो जब वहीं पे वल्नरेबिलिटी है तो हमारे कंप्यूटर से, अभी फुलीना का अटैक आपने देखा होगा, MSDT फुलीना अटैक सुना था आप लोगों ने, नहीं, सिक्योरिटी जो की फील्ड से होते आप लोग तो समझ में आता, बढ़िया से चलिए आगे। हम सर सन वाला सुना था हमने, उसके बारे में बहुत सारे सैप के एप्लीकेशंस भी उससे क्रैश हुए थे, सैप का हमारी कंपनी का था, सर का बहुत डेटा वो हुआ था। तो ये चलता रहता, तो हमारा सिक्योरिटी वहां डिपेंड करता है कि हम अपने गेट पर कैसा सिक्योरिटी अप्लाई किया है ना। घर के अंदर सब कुछ सेफ है जब तक कि हमारा गेट सिक्योर है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, तो ये हमारा बैकअप हो गया। अब मैं iOS को डिलीट कर दूं और बैकअप चेक कर लूं हमारा आया कि नहीं, एक बार यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, आ गया अजय वन, पूरा OS यही है। डिलीट करते हैं इसको, डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्लैश, एंटर, कह रहा फ्लैश फाइल का नाम बताओ, यही है, एंटर, कह रहा कन्फर्म, यस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिलोड और एंटर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा यस एंटर कन्फर्म। अब देखो ये डिलीट हो गया, डिलीट लिख के फ्लैश और फ्लैश फाइल का नाम और एंटर कर देंगे, आपका डिलीट हो जाएगा, क्लियर है। तो जब डिलीट हो गया अब तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरा कनेक्टिविटी भी नहीं है इसके साथ, तो यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाला है, या कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे कंपनी के अंदर आप काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इसी के साथ आप कंटिन्यू कर दें कॉन्फ़िगरेशन, आपको अपना TFTP सर्वर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बीच में ये डिवाइस यूज कर रखा है तो मे बी प्रॉब्लम हो और डेटा ट्रांसफर ना हो, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लें, राइट। तो अगर मैं इस राउटर को रिबूट भी कर दूं, यू कैन सी, आप देखो अगर मैं इसको रिबूट कर देता हूं क्या मेरा डिवाइस बूट हुआ, कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि OS ही नहीं है तो बूट ही कहां से होगा, है ना, फ्लैश मेमोरी से ही मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी कैसे ये होगा, इसके लिए मुझे एक बस कमांड याद रखना है, विच इज TFTP डाउनलोड, आई थिंक यही फुल फॉर्म होता है, कहीं लिखा तो नहीं है बट मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, TFTP DNLD, एंटर। ये एक स्क्रिप्ट दे देगा और बोलेगा कि इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर लो, और जिस भी TFTP सर्वर पे डेटा है वो इसके इस स्क्रिप्ट में ऐड करो, आपका रिकवर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो चीजें करना है, सबसे पहले तो डायरेक्ट कनेक्ट करना है, डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए मैं ये ऐड कर दिया, अब देखो G0/0 फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट हो गया। अब मुझे इस सर्वर, इस राउटर पे आना और इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट।
और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, आप कोलन ऊपर लिखा हुआ है बट कोलन नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू कह रहा है कि आईपी एड्रेस बताओ, तो आईपी एड्रेस किसका, द आईपी एड्रेस फॉर दिस यूनिट, यानी इस यूनिट का आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस क्या है, क्लियर है, एक स्क्रिप्ट पहली लाइन का स्क्रिप्ट कंप्लीट, एंटर, कह रहा है कि ठीक है इसका सबनेट मास्क, यहाँ पे देखो सबनेट मास्क है, यू कैन सी सबनेट मास्क क्या है, 255000, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्ट दोबारा नहीं बनेगी, फिर से सारा काम करना पड़ेगा, 255255, ये डन। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ डिफॉल्ट गेटवे बताओ, तो अभी बताया डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, जिनको समझ में आ गया होगा वो सब बता देंगे, क्या होगा डिफॉल्ट गेटवे, 10001 सर, 1 कैसे होगा, अभी गेटवे तो हमारा ये काम करने लगेगा ना, अभी इधर से इधर आ रहा था, इधर से इधर है ना, समझ गए, अभी हमारा टीएफटीपी सर्वर की आईपी ये पूछ रहा है, तो टीएफटीपी सर्वर की आईपी क्या है सर, लेकिन गेटवे तो 1 ही दिया हुआ है ना, कहाँ पे 1 दिया हुआ, कहीं आईपी मैंने दिया, इस पर आईपी है कोई अभी, पर इसमें भी तो आईपी असाइन नहीं किए हैं, हाँ तो फिर जब आईपी नहीं है तो गेटवे अभी इस पर आईपी है ना हमारा 10050, तो अब इसके लिए वही गेटवे का काम करेगा ना, समझ गए नहीं समझे, नहीं सर्वर को 50 आईपी असाइन किए है क्या, हाँ हाँ इधर 10.0.0.50 है ना, अभी मैंने सभी कंप्यूटर्स को आईपी दिया था, इसको 50 दिया था, आपने एक घर बनाया, ठीक है ये आपका घर है, इधर आपने एक ये घर ऐसे मैं बना देता हूँ बढ़िया सा, ये घर है, और आपने क्या रखा है, इधर भी गेट बना रखा है, इधर भी गेट बना रखा है, ठीक है, अभी इधर का बंद है और इधर का आप चला रहे हो, इधर राउटर वाला है और इधर सर्वर वाला गेट, तो अभी आप इधर से एंट्री कर रखे हो, अगर इधर वाला बंद हो चुका है तो क्या ये नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, हाँ तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टीएफटीपी सर्वर आईपी गेटवे सब दे दिया, 10.0.0.50 एंटर, हमारे इस पीसी का यही आईपी है, चेक कर लो आप यहाँ से है, आप इस आईपी को हटा सकते हो यहाँ, इससे इसको लेकर डाउट मत रखना, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो किधर गया मैं, ये था 10.0.0.50, लास्ट हमारा टीएफटीपी फाइल पूछ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, टीएफटीपी फाइल है Ajay 1, ओके, अब एक बार चेक कर लो आपका कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, स्पेस कॉलन कुछ भी, यही मैंने बस यहाँ से कॉपी किया है, कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ जब ओके है तो फाइनली यहाँ पे लिखो सेट और एंटर कर दो, आपकी स्क्रिप्ट सेट हो जाएगी, सेट हो जाने के बाद आपको लिखना टीएफटीपी डीएनएलडी की, अब टीएफटीपी से दोबारा डाउनलोड कर लो, तो ठीक है सही है ना स्पेलिंग, टीएफटीपी डीएनएलडी, यस एंटर, कह रहा है यस कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस एंटर, तो ये स्टार्ट कर देगा, हो गया स्टार्ट, अगर कुछ गलत होता तो ये स्टार्ट नहीं होता, नदी मशन आपका आईडी पासवर्ड जो आपने भेजा है मैं कॉपी पेस्ट करके यूज कर रहा हूँ बट वो ले नहीं रहा है, ठीक है, तो शायद आपने कोई जो मुझे टाइप करके भेजा है उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक बार चेक करके मुझे भेजिए, और जिनको एक्सेस नहीं है वो अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं पूरा लग रहा है महीना कोर्स खत्म हो जाएगा यही मैं बोलता रहूंगा, हाँ बात पूछनी है टॉपिक से रिलेटेड, हाँ सर मुझे वो सर्वर का कोर्स करना था, तो आपके चैनल पे सर्वर का कोर्स चल रहा है कि अभी दीपावली के बाद स्टार्ट होगा नया बैच सर्वर का, हाँ जी ओके।
तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है इथरनेट कनेक्टिविटी केबल। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, केबल कनेक्शन पोर्ट सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे हम लोग सारे लैब वगैरह करेंगे इसी से रिलेटेड, तो याद रखेंगे। तो आज एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं आईपी से रिलेटेड, आई थिंक सभी लोगों का एक फेवरेट टॉपिक रहता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आईपी के बारे में सबको आइडिया होगा क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, तो पूरा स्टार्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर को इतना अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से आपका मेन सीसीएनए का पार्ट स्टार्ट होता है, और इतना अच्छे से समझना, इतना अच्छे से कि कोई डाउट ना हो आगे की लैब, क्योंकि इसी बेस पर सारी लैब कन्फिगर होने वाली है ना। क्योंकि जहाँ पे अगर 10 राउटर हैं, है ना, 200 क्लाइंट हैं, कुछ फायरवॉल्स हैं, स्विचेज हैं, सभी के बीच में आईपी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्टैटिक डायनेमिक आईपी कैसे मैनेज किया जाता है, बहुत कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आईपी, व्हाट इज आईपी। सो आंसर कर सकते हैं क्या होता है ये? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड ये बोल सकते हो कि आपका एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट, यूनिक एड्रेस। और इसका यूज किया फॉर पीसी कम्युनिकेशन और फॉर नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन। यानी कि विदाउट आईपी एड्रेस दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीसी है या नेटवर्किंग का कोई भी डिवाइस हो सकता है, दिस इज पीसी वन एंड दिस इज पीसी टू। अगर आपने इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर रखा है, लाइक दिस इज एनी मीडिया, इट मे बी वायर्ड और वायरलेस, एनी मीडियम और मीडिया, वायर्ड और वायरलेस, दोनों पीसी को आपने एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, देन नेक्स्ट रिक्वायर्ड डिटेल इज आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस अगर मैं पहले कंप्यूटर का 10.0.0.10 करता हूँ, एंड सेकेंड कंप्यूटर का यहाँ पे जो पीसी टू है इसका मैंने कर दिया 10.0.0.20, सो क्या ये दोनों आपस में पिंग होंगे? हाँ होंगे सर। यस सर। यस, तो यहाँ पे हमारा पिंग यानी कि रिप्लाई या दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। बट अगर मैं इधर करता हूँ 10.0.0.10 और इधर मैं कर देता हूँ 20.0.0.100 कुछ भी ऐसे, तो क्या ये दोनों पिंग होंगे आपस में? नहीं सर। होंगे। सो ऐसी कंडीशन में अगर मान लिया कि डिफरेंट नेटवर्क है या डिफरेंट आईपी है, लाइक ए क्लास की आईपी है और बी क्लास की आईपी है, अभी तो कुछ पता नहीं होगा क्लास वगैरह किसी को भी, या सबको पता भी है, कुछ फ्रेशर्स है मैं उनको लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल बिगनर जिनको नहीं पता कुछ भी। तो मान लिया कि ए क्लास बी क्लास ऐसे कोई क्लास होती है और ए क्लास को अगर बी क्लास के साथ पिंग करना चाहते हैं तो ये पिंग नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने वही रखा, एक नेटवर्क यहाँ पे नेटवर्क वन रख दिया और एक तरफ हमने नेटवर्क टू यानी कि नेटवर्क चेंज कर दिया, तो ये नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा, ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि इन दोनों को पिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग इनेबल करना पड़ता है ना, आईपी राउटिंग कराना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि हमें ए क्लास को बी क्लास के साथ पिंग करना, और इसके लिए फिर हमें मैनेजेबल और कोर लेयर की डिवाइसेस यूज करना पड़ता है। म्यूट कर लो उधर से प्लीज, कोर लेयर की डिवाइसेस यूज करना पड़ता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग आईपी कन्फिगर कर रहे हैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, मैं लाइव दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक पीसी ले लिया, एक और पीसी मैंने इधर कनेक्ट कर लिया, अब इस पीसी का मैं मॉडल नंबर ये ऐड कर लेता हूँ, और इन दोनों पीसी को मैंने एक स्ट्रेट क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दिया। पहले पीसी का मैंने आईपी दिया एक 10.0.0.10 एंड सेकेंड पीसी का आईपी दिया 10.0.0.100, तो ये दोनों आपस में पिंग करेंगे। ओके, आईपी देने के लिए आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ आपको आईपी देना है 10.0.0.10, एंड बाय डिफॉल्ट इसका एक सबनेट मास्क भी होता है जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट पीसी का हो गया एंड दिस इज
सेकेंड पीसी आईपी विच इज 10.0.0.100 एंड देन सबनेट मास्क एंड देन यू कैन पिंग बोथ कंप्यूटर्स टू ईच अदर. ओपन टर्मिनल एंड टाइप पिंग स्पेस टारगेट आईपी एंड दिस इज द रिप्लाई डिटेल. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिप्लाई डिटेल आ रहा है, यानी कि टीटीएल करके अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है. मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे दिखाऊं विंडो आर प्रेस करके, आप अपने मेन यहाँ पे टीटीएल का क्या मतलब है आगे डिस्कस करेंगे. ncpa.cpl एंड जस्ट एंटर की प्रेस किया मैंने. मेरा ये मेन कंप्यूटर का अडॉप्टर है, मुझे यहाँ पे आईपी देना है तो मैं इथरनेट यानी कि लैन पोर्ट पर आईपी देने जा रहा हूँ. एंड यहाँ पे मुझे आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट करना है और आईपी वर्जन 6 भी जा सकते हैं. प्रॉपर्टी में आना है एंड देन ऑप्टेन. यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है आपका ऑप्टेन और एक आपका यहाँ पे आ जाता है, किधर गया, यस एक आपका ऑप्टेन आ जाता है और एक आपका आ जाता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ऑप्टेन आईपी क्यों कब किया जाता है? DHCP enable हो तब. Yes. जब भी आपके नेटवर्क में कोई डीएससीपी सर्वर चल रहा है देन यू कैन कॉन्फ़िगर ऑप्टेन आईपी एड्रेस और ऑटोमेटिक डीएससीपी सर्वर से आईपी आपके यहाँ आपका असाइन हो जाएगा. एंड यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज ओनली फॉर स्टैटिक और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन. इसमें आपको मैनुअली खुद आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है. ओके तो आपका फिर ये फंक्शन करता है. जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टेन करता हूँ और यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया लाइक 10.0.0.100 कुछ भी ऐसे, तो ऐसे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है. गेटवे एंड डीएनएस डिटेल्स भी आप यहाँ पे असाइन करना पड़ता है नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ओवरऑल जो गेटवे है वो चीजें नहीं समझ पाया, जैसे आईपी तो अपन अभी समझाते हैं, एक एक करके चीजों को समझाते हैं. आज से थोड़ा सा हमें लेक्चर अपने अकॉर्डिंग बढ़िया सा वो करने दीजिए, थोड़ा सा क्वेरी लास्ट में अगर कुछ बच जाता है क्वेरी के लिए तब पूछिएगा, ठीक है? पहले समझते हैं अच्छे से, राइट? ठीक है रितेश, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, सब समझ में आएगा. तो मैंने यहाँ पे बस अभी दो पॉइंट क्लियर किया कि आईपी सबको आइडिया हो गया कि अच्छा यही आईपी होता है और कैसे असाइन करते हैं, ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर आपस में पिंग कैसे कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग डिटेल्स अबाउट आईपी एड्रेस. ओके अब आईपी एड्रेस की डिटेल पर आते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस. तो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टाइप्स ऑफ आईपी आप लोग इसमें आंसर कर सकते हो जिनको कुछ आइडिया है, बता सकते हैं कितने होते हैं, तीन IP4, IP6. मैं यहाँ पे वर्जन लिख देता हूँ नहीं तो इसका इशू बन जाता है कभी कभी. टाइप्स ऑफ आईपी में स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी भी लोग बोल देते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड लूपबैक आईपी भी लोग बोल देते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आते हैं, राइट? तो अभी हम लोग वर्जन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लाइक आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6. सो आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 में डिफरेंसेस क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना अगर चाहिए होगा तो. लाइक आईपी वर्जन 4 IPv4 हैज कितना बिट का एड्रेस होता है, ये 32-bit एड्रेस, 32-bit. एंड IPv6 हैव 128-bit एड्रेस, राइट? एंड दिस इज द क्लास फुल एड्रेस, इट इज क्लास फुल एड्रेस. And IPv6 is classless address. So what is the meaning or purpose of classful and classless address? Like यहाँ पे आपका limitation होता है, एक particular range होगा कि आपने यहाँ पे सिर्फ 100 IP मिलना है, आपने यहाँ पे सिर्फ 200 IP मिलना है या 256 IP मिलना है network के according, है ना? तो एक limitation होता है आपके IP का. And IP वर्जन 6 में जो होता है क्लासलेस का मतलब होता है नो लिमिटेशन, यू कैन कनेक्ट मल्टीपल्स ऑफ आवर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मिलियंस कंप्यूटर. ओके तो यहाँ पे आईपी रेंज कोई नहीं रहता है, ऐसे कुछ सिंपल आप समझो, तो नो रेंज. ओके कोई भी ऐसा रेंज नहीं. नेक्स्ट पॉइंट आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है कि इट हैज 5 क्लासेस. इसमें कितनी क्लास होती है, 5 क्लासेस, देयर इज नो क्लास. यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लास नहीं होता, नो क्लास, इसीलिए क्लासलेस एड्रेस होता है. जो 5 क्लासेस होता है यहाँ पे, ए क्लास, बी क्लास, सी, ए बी सी, डी एंड ई,
एंड इधर आपका कोई डिटेल नहीं है। फिफ्थ नंबर पे ये फोर ब्लॉक एड्रेस होता है, यानी कि फोर ब्लॉक का यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होता है। एंड आईपी वर्जन 6 में कितना होता है? 8 ब्लॉक एड्रेसिंग किया जाता है। आईपी वर्जन 4 हैव 8 बिट पर ब्लॉक, हर ब्लॉक में कितने बिट का एड्रेस आएगा? 8 बिट का, ओके। एंड आईपी वर्जन 6 हैज 16 बिट पर ब्लॉक, ओके। एंड अगर आप 7th नंबर पे इनकी डिटेल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 × 4 इज इक्वल टू 32 बिट आ रहा है टोटल एड्रेस, जो ऊपर वैल्यू हम लोगों ने लिखा। एंड इधर हमारा आ जाना चाहिए 16 × 8 इज इक्वल टू 128, जो कि ऊपर मैंने इधर लिखा हुआ है, ओके। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो सारी चीजें हैं वहां से भी रेडी कर लेंगे अपने। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने इतना डिफरेंसेस देखा तो हम लोग आईपी वर्जन 4 पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब ये ब्लॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जो ब्लॉक सभी आप देख रहे हो, विंडो आर ncpa.cpl, आप यहाँ पे चेक करिए और आईपी वर्जन 4 को एक्सपेंड करो आप। अब यहाँ पे ब्लॉक, इसी ब्लॉक की मैं बात कर रहा था, जो ब्लॉक आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, डॉट से डिनोटेड है ना, तो इसको आपने समझा फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड हो गया, थर्ड एंड ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 8 बिट का एड्रेस होगा, यहाँ पर भी 8 बिट का, यहाँ पर भी 8 बिट का और यहाँ पर भी 8 बिट का, टोटल 32 बिट का एड्रेस यहाँ पे होता है। एंड दिस इज सबनेट मास्क, दिस इज डिफॉल्ट गेटवे। ये जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, ये आपका राउटर आईडी होता है, ये आपके गेटवे या नेटवर्क आईडी को यूज किया जाता है, नेटवर्क आईडी जो आपका मेन आईपी है, ओके। आगे अभी हम लोग इसको और अच्छे से कवर करेंगे, राउटर गेटवे कैसे क्या होता है सब कुछ समझेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आईपी को फोकस करो आप। एंड यहाँ पे आपका डीएनएस आईपी होता है, लाइक डीएनएस सर्वर का जो भी आईपी होगा वो यहाँ पे असाइन किया जाता है। तो ये जो गेटवे एंड डीएनएस है, ये एरिया अगर आईएसपी से आप आईपी ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कन्फिगर होता है। अगर आपने खुद के नेटवर्क में कोई डीएनएस या कोई राउटिंग के लिए इनेबल कर रखा है, कोई लोकल रूट राउटर या कुछ ऐसे, देन अकॉर्डिंग टू योर ओन नेटवर्क आर्किटेक्चर आप यहाँ पे इसको असाइन करेंगे। ये जो होता है आपके नेटवर्क रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमेशा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर आप फर्स्ट ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे आप 0 से लेके 255 के बीच का कोई भी वैल्यू एड कर सकते हो, ओके। 0 to 255, जहां पे 0 आपका जो होता है ये एक डिसेबल वैल्यू होता है, ओके, या नेटवर्क बिट के लिए होता है। आप किसी भी होस्ट पे 0 नहीं कर सकते, राइट। आप जब 0 अप्लाई करेंगे तो वहां पे वो इनवैलिड कर देगा, बट आप राउटर वगैरह पे और नेटवर्किंग डिवाइसेस पे, कोर डिवाइसेस पे कर सकते हो, क्योंकि इसका जब मैं टोपोलॉजी अभी क्रिएट करूंगा, आज ही शायद हो जाए अगर आप सब नेटिंग अच्छे से समझ जाते हैं तो, नहीं तो हम लोग फर्दर सेशंस में, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, 2 दिन 3 दिन या लग सकता है टाइम। एंड 0 to 55 अनदर 0 to 55 अनदर 0 to 55, ये सभी में 8 ब्लॉक मतलब 8 बिट का ही एड्रेस आएगा और 8 बिट आपका 0 to 55 में कन्वर्ट कंप्लीट हो जाता है, राइट। अभी हम लोग इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि आप अगर एक आईपी एड्रेस अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हो, एक नेटवर्क का 10.0.0.0, तो ये मैक्सिमम 10.0.0.0 से लेकर कहां तक अप्लाई हो सकता है, 10.0.0. क्या होगा लास्ट आईपी, और ये आपका एक नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ये आपका एक नेटवर्क बिट आपका क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। दिस इज सिंगल नेटवर्क आईडी आर नेटवर्क बीट, ओके, विथ 10.0.0.0 और /8 यहाँ पे देने का कोई रीजन है। अभी 8 का भी मीनिंग यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जब आईपी का पूरा आइडिया नहीं रहता तो हम लोग आईपी ऐसे ही लिख देते हैं, लाइक 192.168.0.1, इधर कुछ नहीं, स्लैश करके कुछ नहीं लिखते। बट स्लैश का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि सबनेटिंग और इन सब वैल्यूज को डिफाइन करता है, आगे हम लोग इसी को कवर करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे आईपी असाइन करना है, मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूं, 0. तो यहाँ पे तुरंत क्या कह रहा है कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके। क्या कह रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2 to 3। अब यहाँ पे एक और, मैंने कहा 255 तक दे सकते हैं, बट ये कह रहा है 2 to 3, रीजन बताइए इसका, ऐसा क्यों?
सर क्लास सी के आई पी तक यस क्लास सी तक ही यस ये वर्क आपका करेगा क्लास सी के ही आईपी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जीरो मैंने क्या बताया था डिसेबल है और ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता होस्ट के लिए. बट आप वन से स्टार्ट कर सकते हो बट मैक्सिमम जाना चाहिए 255 लेकिन यहाँ पे कह रहा है 223 तक अप्लाई कर सकते हो. अगर मैं ए क्लासेस और बी क्लासेस और सी क्लासेस इन मतलब आईपी वर्जन 4 के क्लासेस की बात करूं ए बी सी के अकॉर्डिंग तो ये एक पब्लिक आईपी के काउंटडाउन में आ जाता है कि यस ये लोगों को अलाउ किया जाता है. एंड डी क्लास एंड ई क्लास स्पेसिफिक ब्रांच के लिए या डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व किया गया है लाइक मिलिट्री सॉरी लाइक आपका ब्रॉडकास्ट जहां पे वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च सेंटर सेट सैटेलाइट एंड अनदर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ऐसे इन सब चीजों के लिए ये एप्लीकेबल है. ब्रॉडकास्ट और इन सब चीजों के लिए भी अप्लाई किया जाता है और यूज किया जाता है बट पब्लिकली आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी एंड सी क्लास की आईपी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नेटवर्क मैनेज और मैन्युफैक्चर करना है क्योंकि कंप्यूटर पे यही अप्लाई होता है. इससे बढ़ाएंगे रेंज 223 तो नहीं अप्लाई होगा राइट. तो आप स्टार्ट 224 करेंगे तब भी ये अप्लाई नहीं करेगा ओके. तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे होते हैं. तो मैं यहाँ से 1 स्टार्ट कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे 224 करूंगा तब भी ये बोलेगा कि अगेन 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 223. ये वही दोनों चीज दिखा रहा है. तो ये रेंज के अकॉर्डिंग होता है और हर ब्लॉक में आपका 8 बिट का एड्रेस आना चाहिए. कैसे ये आगे प्रोसीड होगा दिखाता हूँ. लाइक आईपी वर्जन 4 में जो 5 क्लासेस होती हैं ए क्लास मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट वन इज ए क्लास ओके ए क्लास अनदर बी क्लास अनदर सी एंड डी एंड ई. तो ये आपका पब्लिक यूज के लिए आ जाएगा एंड ये आपका रिसर्च के लिए आप लिख सकते हो. तो ये रेंज होता है इनका जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये किस क्लास का आईपी है ओके. डिफॉल्ट मैं बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की क्योंकि कंपनी के अंदर अगर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सबनेटेड आईपी है तो कोई क्लास नहीं होती है वहां पे नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी होती है ओके. फिर क्लास वहां से हटी जाता है राइट. तो यहाँ पे ए क्लास का जो रेंज होता है फ्रॉम 0 to 126 होता तो है 127 बट 0 to 126 ही हम काउंट करेंगे. ये भी आप 0 भी हटा दो क्योंकि 1 से लेके 126 काउंट किया जाता है. 0 डिसेबल वैल्यू होता है और 127 यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है ये एज अ लूप बैक के लिए रिजर्व होता है क्योंकि सेकेंड बी क्लास जो है ये आपका स्टार्ट होता है 128 से. म्यूट कर लो आप किधर से नॉइज आ रही है. 128 से लेकर 191 तक का एंड सी का होता है 192 to 223 ओके एंड डी का होता है 224 to 239 एंड 240 to 255 ओके. तो ये तो 224 असाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जोन में नहीं आएगा हमारे पीसी पर अप्लाई नहीं होगा. एंड ये जो रेंज है आप देखो 1 से लेके 126 इज ओके बट 127 यहाँ पे मिसिंग है. तो 127 000 से लेकर आपका लास्ट में सारी बिट फुल करके 255 तक का जो नेटवर्क होता है ये आपका एक लूप बैक नेटवर्क होता है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लूप बैक आईडी ये क्या होता है खुद के पीसी से पिंग करने के लिए या खुद के पीसी को लाइव रखने के लिए एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए बोल सकते हो एंड इस आईपी को यूज किया जाता है. आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कोई नेटवर्क नहीं है कोई इंटरनेट नहीं है. जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं मैंने पीसी लिया आईपी मैं दे रहा हूं तभी ये पिंग कर रहा है ना एक दूसरे से. मैं जैसे इस पीसी पर आया और सामने वाले पीसी का आईपी दिया 10.0.0.10 जो कि इसका है. मैंने यहाँ पे 20 बस लिखा आई थिंक इसमें 10 असाइन किया तो ये अब रिप्लाई ले रहा है और मैं 20 अगर यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई नेटवर्क आईपी है ही नहीं. नेटवर्क में हमारा कोई पीसी है ही नहीं जिसपे ये आईपी चल रही हो. और अगर मैं यहाँ पे पिंग लिखता हूँ स्पेस 127.0.0.1 एंटर तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा क्योंकि ये भी नेटवर्क में पीसी नहीं है लेकिन ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का खुद का एक एड्रेस है. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम
जो वेंडर है वो अप्लाई कर देते हैं सभी इस पे, ये आप बोल सकते हो। एंड आपका ये पर्टिकुलर लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है, डेवलपमेंट पर्पस से, या जो वेब डिजाइनिंग करते हैं कभी मतलब कि लोकल होस्टिंग करना होता है, अपने ही कंप्यूटर पे कोई वेब पेज को चेक करना होता है, तो आप 127.0.0.1 आईपी एड्रेस से खुद के कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन चेक कर सकते हो, उसका एक्सेस कर सकते हो, उसके वेब पेजेज एक्सेस कर सकते हो, इसके थ्रू एक्सेस होता है, इसको लोकल होस्ट से भी एक्सेस किया जाता है। यस आर नो, है ना? तो 127.0.0.1 आपका एक लूप बैक आईपी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 127.1.1.25, क्या रिप्लाई आएगा? यस सर नो, बताइए सर। नहीं आएगा सर। नो यस, ये मैंने किया एंटर और रिप्लाई आ रहा है। तो अब ये एड्रेस मैंने अभी बताया कि आपका 127.0.0.0 से लेकर 255 तक के कंप्लीट नेटवर्क को ये रिप्लाई लेगा। समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका पूरा नेटवर्क ये रिजर्व हो गया है ना 127 का, तो 127 का 00 नहीं बल्कि 127.1.1 ही नहीं बल्कि 127.255.255.255 तक का आपका असाइन हो चुका है इसका एड्रेस, ये पूरा नेटवर्क फुल हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, राइट? ये सारी चीजें, तो रिप्लाई आएगा। आप कुछ भी यहाँ पे लिखिए, 127.0.0.25 की जगह आप 100.25 या कुछ भी ऐसे लिखेंगे, वो रिप्लाई आएगा, राइट? ये सारी चीजें। ओके, सो ये जो लूप बैक आईपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी एथिकल हैकिंग या सिक्योरिटी के प्रोग्राम को देखा होगा, ये लूप बैक आपके मतलब कंप्यूटर होस्ट को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और मैं चाहता हूँ इसमें फेसबुक, क्योंकि यही हमारा लूप बैक ही अलाउ करता है, या लूप मतलब कि हमारा लोकल होस्ट ही अलाउ करता है कि बाहर के कौन लोग हमारे नेटवर्क में इन करें, जिनको आइडेंटिफाई करना है, जिनको एक्सेस देना है। तो अगर facebook.com आप एक्सेस कर पाते हो तो ये तो आपका एक आउटसोर्स है ना, आउटसाइड होस्ट है, यस आर नो? तो आपका लोकल आईपी अगर 127.0.0.0 या 1 का रेंज है, आप इसके अंदर चाहे तो इसकी एक ETC के अंदर या होस्ट फाइल होती है, ये अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के बता रहा हूँ, होस्ट फाइल होती है, इस होस्ट फाइल के अंदर अगर मैं facebook.com ऐड कर दूं तो हमारा ये जो facebook.com है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट? तो कर सकते हैं ऐसा, अगर ऐसा कुछ करना है तो लोकल होस्ट जो होता है ना, ये हमारे एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को भी मैनेज करने के लिए, किसको अलाउ करना है किसको डिनाई करना है, यूज किया जाता है, राइट? तो ये भी याद रखेंगे। तो क्लास का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू या हर जगह पर भी, एग्जाम वगैरह में भी बैठेंगे तो काफी चांस है कि इसके बारे में क्वेरी किया जाए। तो ये रेंज याद रखेंगे, 1 से लेके 126, 128 से 191, 192 से 223, एंड ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, नाउ सबनेट मास्क। सो व्हाट इज सबनेट मास्क? Divide large network into small segment. Yes. So subnet mask identify network ID and host ID. ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, identify network details. Okay? कि ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डीप जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है 10.0.0.0, तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0. अब इसमें रीजन है कि ये 255 ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे 255.255.0.0 ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो रीजन होता है क्योंकि ए क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255 होता है, बाकी का जो थर्ड ब्लॉक है वो 00 होता है। बी क्लास का जो होता है वो 255 अगेन 255 एंड देन 0 एंड 0, एंड सी क्लास का जो होता है 255 255 and 255 and then last में 0. तो टोटल तो 4 ब्लॉक ही बनना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी दिखाया, यहाँ पे 4 ब्लॉक होता है और हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक
8 बिट का एड्रेस है, तो यहाँ पे 255.255.255.255 ऐसे किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफॉल्ट मैंने सेट कर लिया, अब ये डिफॉल्ट मास्क है, बट ये चेंजेस होता रहता है। अगर इसमें कोई भी सबनेटिंग किया गया, नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसमें से दो सबनेट भी डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ए क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 बिट ऑफ नेटवर्क आईडी होता है। अब ये चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आता हूँ। लाइक ए क्लास का नेटवर्क जो है वो ये डिनोट करता है कि यहाँ पे 8 बिट बिट्स आपका जो है वो नेटवर्क आईडी है डिफॉल्ट, एंड 24 बिट्स आपका जो है वो क्या पर्पस के लिए है, होस्ट आईडी के लिए। बी क्लास का आपका जो आ जाएगा वो 16 बिट्स आपका जो है फॉर नेटवर्क एंड 16 बिट्स फॉर होस्ट। एंड सी क्लास के अकॉर्डिंग 24 बिट्स अवेलेबल फॉर नेटवर्क एंड 8 बिट्स फॉर होस्ट। ओके, ये चीज यहाँ पे आ जाता है। तो अब एक और आइडिया यहाँ पे लग गया होगा आपको कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क किधर मिल रहे हैं। अगर हमें काफी सी क्लास, ये आपका नेटवर्क के लिए काफी पावरफुल है, ये आपका मिड लेवल का है, और ये आपके होस्ट के लिए काफी पावरफुल है। अगर आप देखेंगे ए क्लास के अकॉर्डिंग, तो नेटवर्क के अकॉर्डिंग कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, 16.5 मिलियन, यानी कि इनको 1,67,77,216 कंप्यूटर ऐड कर सकते हो नेटवर्क पे, एक नेटवर्क पे ऐसे करके इसको यूज किया जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा कंप्यूटर ऐड करने हैं, देन वी कैन बाई और वी कैन कॉन्फ़िगर ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। एंड फॉर मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा सेंटर, ये भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, तो बी क्लास की आईपी होता है विच हैव 65,000 आईपी एड्रेस, लाइक 65,536। गूगल करेंगे तो 34 भी आ सकता है, क्योंकि -2 यहाँ पे होता है, -2 नेटवर्क और होस्ट ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व आईपी अगर हटा देंगे तो 214,536 यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो वो माइनस कर लेंगे, अगर कहीं ऐसा गूगल पे लिख कर आ रहा है, तो मैं पूरा ले रहा हूँ नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट के साथ। सी क्लास का जो एड्रेस होता है इसका तो याद होगा सभी को, 256, अगर नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट हटा देंगे तो 254 आपको मिलता है। 0 से लेकर 255 आपका टोटल एड्रेस कितना होता है, ओके 256, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब याद रखिए, जो मैंने सबनेट मास्क डिफाइन किया वो इसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक साइज ऐड करता हूं लाइक दिस, सो टोटल बिट इज 32 बिट्स एंड एवरी ब्लॉक हैव 8 बिट्स ऑफ आईपी एड्रेस। एंड मैंने क्या बताया, ए क्लास में जो नेटवर्क आईडी है आपका यहाँ पे, ये जो एरिया है ये नेटवर्क के लिए है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये नेटवर्क आईडी हो गया, एंड अनदर आपका होस्ट आईडी हो गया, दिस इज फॉर होस्ट, होस्ट एंड होस्ट। एंड अगर नेटवर्क मैं बताता हूं, तो नेटवर्क इज ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू, ओके। नेटवर्क आपकी ऑलरेडी क्या है, एक डिफाइन की हुई वैल्यू है, बट होस्ट कुछ भी हो सकता है, यस और नो। अगर मैं एक नेटवर्क आईडी लिखता हूं, लाइक हमारे नेटवर्क में 192.168.100.0 का नेटवर्क चल रहा है, दिस इज नेटवर्क। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 3 ब्लॉक्स होते हैं, ये 3 ब्लॉक्स जो भी हैं, 3 ब्लॉक्स ये आपका नेटवर्क के लिए रिजर्व है। एंड लास्ट का जो ब्लॉक होता है, हर एक क्लास के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हर क्लास के लिए सेम फॉर्मूला, ये आपका होस्ट के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और मैक्सिमम 255 तक जा सकता है, यस आर नो। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, होस्ट वैल्यू इट मे बी चेंज, है ना, ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो होस्ट यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसीलिए इसको क्या रखा गया, 0 0 0 0, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड इधर आपका नेटवर्क जहां पे की डिफाइन वैल्यू है, यानी ए क्लास का, तो ए क्लास में 8 बिट के नेटवर्क यूज किए जाते हैं, और ये आपका वैल्यू
यहाँ पे होता है, इसीलिए इसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट 255 आता है। बाकी हर बिट के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क कैलकुलेट होता है, अभी मैं दिखाता हूँ। बी क्लास का ऐसे ही आपका आ जाएगा, तो बी क्लास में अगर आप देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रहा है, लाइक बी क्लास में 16 बिट, तो 8+8, तो यहाँ पे नेटवर्क एंड नेटवर्क, और जहां पे नेटवर्क वैल्यू है वहां पे आपका हो जाएगा 255 एंड 255, एंड जहां पे होस्ट वैल्यू है 8 एंड 8, एच यहाँ पे 0 0। समझ में आ गया सबको, ऐसे ही सी क्लास का होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जी सर। यस सर। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया, अगर कहीं ऐसे लिख कर आ जाता है 10.1.1.1/24, बट इससे पहले ये देखो कि डिफॉल्ट जो ये नेटवर्क आईडी आ रही है ना, ए क्लास का जो नेटवर्क होता है वो /8 से डिफाइन होता है, बी क्लास का होता है /16 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 है ना नेटवर्क, एंड सी क्लास का कितना होगा /24। अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा 10.1.1.1/24, तो ये बताओ ये किस क्लास का आईपी है? सी क्लास का सर। तो हो गया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ए क्लास का ये सर। ए क्लास का है, तो अगर 24, अगर नेटवर्क में कोई डिफॉल्ट वैल्यू में कोई चेंजेस किया गया है तो फिर यहाँ पे क्लास बोलो ही, यहाँ पे फिर हमारा क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? क्लास ऐसे तो लग रहा है कि ये क्लास का रेंज स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे ए क्लास को क्वालिफाई कहाँ कर रहा है, यहाँ पे 24 बिट है, राइट? और जो कि ए क्लास कह रहा है कि हम इतना ही अप्लाई कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, तो जब इसमें मॉडिफाई कर रहे हो तो फिर क्लास क्यों काउंट कर रहे हो? फिर यहाँ पे सबनेटेड आईडी होती है, ये क्या होता है आपका सबनेटेड आईडी हो जाता है। अभी मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कैसे ये होगा। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसका एक और वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लाइक ए बी एंड सी। अब ए क्लास में जो आपने वैल्यू ऐड किया है, जो डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड होगा, लाइक रेंज, अगर रेंज आप देखो तो मैं यहाँ से एक ब्लॉक बना लूँ, लाइक ये 4 ब्लॉक का एक पीसी है जिसमें 4 ब्लॉक है और मुझे यहाँ पे एड्रेस असाइन करना है, तो क्लास पहचानने के लिए, बाय डिफॉल्ट क्लास पहचानने के लिए देयर इज नो नीड टू रीड सेकेंड ब्लॉक ऑफ आईपी, नो नीड टू रीड थर्ड ब्लॉक, एंड नो नीड टू रीड फोर्थ ब्लॉक ऑफ आईपी, है ना? क्लास आइडेंटिफाई करना है तो ओनली यू कैन सी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ आईपी। लाइक अगर यहाँ पे हमारा 10 आईपी एड्रेस है तो किस क्लास को एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट क्लास। एक क्लास फर्स्ट क्लास कोई होता ही नहीं है। एक क्लास क्लास है। हाँ, ये बोलेंगे ना फर्स्ट क्लास, इंटरव्यूअर क्या जाने फर्स्ट क्लास क्या होता है, तो थोड़ा सा आंसर पता होने के बाद भी गलत हो जाएगा, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारा अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 128, अभी किस क्लास का हो जाएगा? क्लास बी क्लास बी का। अगर मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखा 10.128.190.1, तो एक क्लास ए, 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 क्लास तो ऐसे ए बोलेंगे, बट ये सबनेटेड आईपी है, राइट? तो ठीक है, अब इजिली आप क्लास पहचान गए। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ लाइक यहाँ पे 200, तो किस क्लास में आ जाएगा? सी क्लास। ओके, ये क्लास पहचानने का तरीका है, आई थिंक आप। हाँ, अब कोई क्वेरी किसी का है तो पूछ सकते हो, एंड देन आगे हम क्लास को फॉरवर्ड करें। एनी क्वेरी? जिस तरह अपनी नेटवर्क का लोकल होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही, चैट बॉक्स में मेंशन करो। एक क्लास का नेटवर्क होस्ट था, रिपिंग करते तो उसमें टीटीएल का क्या मतलब होता है?
एक बार गूगल करना, टाइम टू लाइव होता है कि हमारा पैकेट ओवर इंटरनेट एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जो भेजा गया है कितनी देर तक लाइव रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें गूगल कर सकते हो आप लोग एकदम, मतलब कुछ भी या दिमाग में पूछ लो एकदम, है ना। अब पूछ लो ही सी में डिफरेंस क्या, ये भी पूछ लेना कहीं लिखता हो तो। तो टीटीएल होता है, टाइम टू लाइव का मैसेज है, ओवर द इंटरनेट हमारा पैकेट कितना देर तक लाइव रहेगा। जब आपका अगर रिप्लाई आ रहा है टीटीएल 128, इसका क्या मतलब है कि हमारा सोर्स से पैकेट ट्रांसफर हुआ, 128 अगला चेक हुआ, यानी डेस्टिनेशन तक आने में ये कितने हॉप्स को या नोड्स को चेक करेगा। सेकेंड पे आएगा तो ये 127 इसके लिए रहेगा, 126 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मे बी 100 तक आते आते ये अपने डेस्टिनेशन तक रीच कर जाए और फिर वहीं पे आपका रिप्लाई एंड हो जाता है। अगर इसको पैकेट या डेस्टिनेशन मिलता ही नहीं है तो ये कहां तक आएगा, फाइनल 128 टाइम नेटवर्क को अपने नेबर के साथ मैप करने की कोशिश करेगा, और मैप में अगर इसका डेस्टिनेशन नहीं मिलता है तो वहां पे टाइम आउट या अनरीचेबल बता देता है। समझ में आया? यस, ठीक है। और कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहेगा टीटीएल में? नहीं, तो यही होता है टीटीएल। हाँ, अभी अभी कोई क्वेरी और? सबनेटिंग स्टार्ट करें फिर, आईपी क्लास सब कुछ समझ में आ गया? जी सर, आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हाँ जी सर, हम जो सबनेटिंग करते हैं वो प्राइवेट आईपी से करते हैं या फिर पब्लिक आईपी से करते हैं? अब ऐसा कोई रूल नहीं है किसी के साथ भी, सबनेटिंग इज सबनेटिंग, जहां जरूरत है वहां अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन मेरा था। हाँ जी सर, जैसा एक ही लाइन पॉइंट पे कई मल्टीपल आईपी सेट करते हैं एडवांस में ऐड करके, तो वो कैसे वर्क करता है? अब टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ठीक है। सबनेटिंग पहले कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबनेटिंग क्या होता है कि डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज सबनेटिंग, कैलकुलेट, या बोल सकते हो कि इट इज अ सबनेटेड वैल्यू। ओके, ये क्या है, एक सबनेटेड वैल्यू है। या बोल सकते हो कि डिवाइड, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस टू डिवाइड सिंगल नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईपी इनटू मल्टीपल नेटवर्क। ठीक है, यानी कि अगर आपने आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन लिया और आपको एक आईपी भी आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल 192.168.100.0/24, ये पूरा नेटवर्क आपने ले लिया, राइट। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम आईपी कितना होगा? मैक्सिमम 256, मिनिमम स्टार्ट कहां से होगा? 192.168.100.1 से, और लास्ट आईपी आपका क्या होगा? 192.168.100.255। ओके, ये प्लस यहाँ पे जीरो भी है, जीरो से मैं काउंट करता हूँ क्योंकि नेटवर्क में मैं यूज कर लूंगा उसको, तो ये आपका यहाँ पे आ जाए। बट जब आप मतलब ये आईपी ले रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर रेंज जो है या पर्टिकुलर आईपी जो है ये आपका आपके नेटवर्क में पीसी कितने हैं, आपके नेटवर्क में होस्ट कितने हैं, कितने आईपी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब अपने सारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो एक प्राइवेट या पब्लिक आईपी ले नहीं सकते। अब देखो, अभी किसी ने क्वेरी किया था कि ये प्राइवेट आईपी के साथ सबनेटिंग करते हैं, पब्लिक आईपी के साथ करते हैं, राइट। तो देखो, आईपी जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क में चार डिपार्टमेंट है, ओके, और हम चाहते हैं कि एक लोकल एरिया में हमारा एक प्राइवेट आईपी रन हो रहा है, समझिएगा, प्राइवेट आईपी जो कि है 192। मैं सी क्लास का ही ले रहा हूँ क्योंकि इजिली आप इसमें पहले समझ पाएंगे, 192.168.100.0, और इसको मुझे डिवाइड करना है कितने नेटवर्क में, चार नेटवर्क में। तो ये हमारा प्राइवेट आईपी का सबनेटिंग हो गया। सबनेटिंग मैंने वही आंसर किया कि सबनेटिंग इज सबनेटिंग, वो कहीं पर भी आप अप्लाई करो। और फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक वैन आईपी बाई किया
जो कि आईएसपी से आपने बाय किया और ये रेंज, और आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जिस पर भी आईपी अप्लाई कर दोगे ये वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी होगा। अगर आपने वैन आईपी या पब्लिक आईपी के लिए या पब्लिक कनेक्शन के लिए स्टेब्लिश करवा रखा है अपना कनेक्शन, राइट है ना? हेलो, क्लियर है? यस सर। तो प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी का किसका क्वेरी था? तो अभी क्लियर हुआ कुछ? तो ये सबनेटिंग सभी जगह एग्जिस्ट होता है, आप प्राइवेट या पब्लिक किसी पर भी कर लो। तो मैंने मान लिया कि ये एक पब्लिक आईपी बाई किया था और मुझे कितने होस्ट की जरूरत थी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 120 होस्ट की जरूरत थी। लेकिन मैंने यहाँ पे कितना आईपी बाई कर लिया, पूरा नेटवर्क बाई करके, पूरा एक नेटवर्क 256। तो आईपी वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? आईपी वेस्ट हुआ, तो वेस्टेज ऑफ आईपी। तो इस आईपी वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग इस्तेमाल करते हैं, राइट? आईएसपी सबनेटिंग इस्तेमाल करता है। आप अफोर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड आईपी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? बट आईपी लिमिटेड बचा हुआ है या लिमिटेड एक रेंज है जिसमें से लोग बाई करते हैं और यूज करते हैं, है ना? हमें ये आईपी किससे बाई करना पड़ता है, किससे? आईएसपी से। आईएसपी कौन है, एरिन, आईकैन, आईना या एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन? आईकैन, बीएसएनएल, वोडाफोन। यस, यही है। हमारे लोकल आईएसपी से हमें बाई करना पड़ता है। आप डायरेक्ट इनके साथ नहीं बात कर सकते, आप कर भी सकते हो, पूरा बिजनेस प्लान इनको बताना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है, कितने नंबर ऑफ सर्वर है, कितने पूरा प्रोसेस है। आप इन सब ऑर्गेनाइजेशन में आकर आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, कितनी आईपी का चाहिए, कितने, अगर मान लिया वैन कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो तो आईपी प्लस एएसएन नंबर, ये सारी चीजें यहीं से आपको क्या करना पड़ता है, बाई करना पड़ता है। बट इनके प्लान लेना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा, और फिर ये सभी को, ऐसे नहीं किसी को भी बेच दिए, किसी को भी कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत लंबा डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप इन सब वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग आपने लोकल आईएसपी से हम लोग यही क्या कर लेते हैं, इजिली बाई कर लेते हैं। बट बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, फॉर एग्जांपल गूगल का यहाँ पे एक मतलब डेटा सेंटर बने, या गूगल का जहाँ कहीं भी डेटा सेंटर है, तो क्या वो भी एयरटेल से आईपी ले रहा होगा? उसका खुद का एक डेटा सेंटर है, खुद का एक आईएसपी लेवल पे काम कर रहा होगा, या सर? नो नो सर, नहीं लेगा वो एयरटेल या वोडाफोन से, किसी दूसरे पार्टी से। तो ये है, बट अगर मान लिया कि स्मॉल लेवल पे है जहाँ पे वो अपने नेटवर्क को नहीं पहुंचा सकता, तो वो ले सकता है, नो इश्यू, है ना? तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है, किस लोकेशन पर है, कैसा सेट करना है, क्या है। लेकिन आईपी का लिमिटेशन हमेशा रहता है कि आईपी जितनी जरूरत है उतना बाई करो आप, क्योंकि आपको पे भी करना पड़ता है और आपको इसके कनेक्टिविटी के लिए कितने डिवाइसेस, अनवांटेड आईपी लेने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो एक आईपी लेकर मल्टीपल नेटवर्क उसके साथ यूज कर सकते हो, अपने डिवाइसेस में 200 कंप्यूटर इंटरनेट के लिए अलाउ कर सकते हो, नेट लगा सकते हो, अनदर रिमोट साइट वीपीएन और ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके इंटरनेट चला सकते हो। ऐसा नहीं कि एक आईपी लिया तो आपने बस एक ही इंटरनेट चलेगा, है ना? वो अलग से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉन्फ़िगर की जाती है, राइट? आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब लेते हो तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी तो क्या होता है, आपने आईएसपी से लिया, एक मॉडम राउटर लगा, आपके मॉडम का एक प्राइवेट आईपी होता है जो कि 192.168.100.1, यही होता है लगभग में सभी का, या 0.1 होगा। आपके घर पे जो मॉडम राउटर लगा होगा यही देखना आईपी होगा जो ब्रॉडबैंड चला रहे हो, है ना? या तो 2.1 होगा, 100.1 होगा, 1.1 होगा, या 0.1 होगा। इसी रेंज में आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप का, सभी का आईपी भी मिल रहा होगा, है ना? जी सर, यही आईपी मिलता ही है। तो ये हमारा एक प्राइवेट आईपी होता है, लेकिन ये प्राइवेट आईपी सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ऑफ एरिया वर्क करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को आईएसपी तक हैंडल करता है, है ना? हमारे कम्युनिकेट कराता है, फिर आईएसपी आपका वैन कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कि आपको गूगल तक पहुंचना है या कहां तक पहुंचना है। तो एक प्रोसेस होता है, आगे धीरे धीरे आप सारी चीजें सीखेंगे, देखेंगे। बट अभी ओवरऑल सबनेटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, आईपी वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए, एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए, राइट? तो ये सारी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। अब मान लिया कि प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, आप सभी लोग वर्किंग हो कंपनी में, और उस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल दो फ्लोर है, आपका ये फर्स्ट फ्लोर है
आपका इधर सेकेंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको 120 आईपी, सेकेंड पे 120 आईपी और यहाँ पे 124 आईपी की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ कि आप ए क्लास की आईपी प्रोवाइड करोगे या बाई करोगे या बी क्लास का या सी क्लास का, रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? सी का। तो अगर सी का प्रोवाइड करेंगे, इसको एक नेटवर्क दे दिया आपने, मान लिया 192.168.100.0 दे दिया 24, तो यहाँ पे तो 256 यूज होगा, और इसको क्या देंगे, एक और अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा कुछ प्लान करते हैं, मतलब करना पड़ेगा। लेकिन सबनेटिंग इसी चीज को इजी कर लेता है, और कंपनी में या प्रोडक्शन लेवल पे आईपी एड्रेसिंग, आईपी मैपिंग को काफी आसानी से मैनेज कर देता है। लाइक आप ए क्लास का भी दे सकते हो, बी का भी और सी का भी, तीनों में से जो भी अवेलेबल है वहां पे वो प्रोवाइड कर सकते हो। 120 आईपी आप ए से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग, एंड सी क्लास की आईपी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबनेटिंग किसी भी क्लास को नहीं आइडेंटिफाई करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस टू कैलकुलेट आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एरिया, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आईपीस या नेटवर्क रिक्वायरमेंट, कि हमारे नेटवर्क में रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग आईपी कैलकुलेट करके आप ले लो। क्लियर हुआ सभी को? क्लाइंट के अकॉर्डिंग या फिर मेन सर्वर कोर डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आप आईपी ले लो, क्लाइंट के एरिया में आप प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, प्राइवेट को रूट करा दो अपनी प्राइवेट वो पब्लिक आईपी के साथ या वैन आईपी के साथ, ये भी होता है। समझ में आ रहा है प्रोसेस? ओके, देन सबनेटिंग प्रोसेस अब कैलकुलेट करते हैं। तो सबनेटिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे पास जो आईपी है 192.168.100.0/24, अब यहाँ पे टोटल होस्ट हमें मिल रहे हैं 256, लेकिन हमें जरूरत है 120 की। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो कितने कंप्यूटर आ रहे हैं? 128। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में, इस नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 पूरा नेटवर्क को मैं कर दूं, पूरे होस्ट को, तो क्या हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है? यस, हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 192.168. मैं इसको लिखने की क्या जरूरत, 24 प्लस, अब देखो आपका जो टोटल होस्ट होता है वो ऐसे कुछ कैलकुलेट होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सी क्लास का है तो मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ, अदरवाइज इसको गलत सेंस में कोई ले लेगा। इसके लिखने का भी तरीका मैं प्रॉपर फाइंड कर लेता, वो कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 0 0 0 0 0 0 3 3। ये अब इसका रीजन समझ में आया आप लोगों को, क्या मैंने लिखा यहाँ पे? ये मैंने बिट लिखा है, 1 2 3। टोटल कितनी बिट मैंने लिखा है? 32 बिट है। तो 32 बिट, क्योंकि मेरा आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है जो कि 32 बिट को एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? 1 इज एक्टिव बिट और ये हमारा नेटवर्क आईडी, मान लो दीज आर द नेटवर्क आईडी एंड ये आपका होस्ट के लिए। तो जो नेटवर्क के लिए बिट है आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, देयर इज नो चेंजेस, आप इधर से कोई सबनेटिंग नहीं कर सकते। समझ में आया? ऐसा ट्राई मत करिए, अदरवाइज आप दूसरे प्रोसेस में चले जाएंगे। आपका इधर ऑलरेडी फुल है, आप कह रहे हो कि 24 तक तो मैं यूज कर चुका हूं, अब हमारे पास ये बिट बची हुई है जिन पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सबनेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, सबनेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये भी कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे इन 3 ब्लॉक्स में नहीं कर सकता, इधर कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे 24 3 ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहा है, प्लस 24 के आगे आपके पास कितना ऐड करने का ऑप्शन है, /8 तक आप लेकर जा सकते हो। क्लियर है सभी को? तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, लाइक 32 बिट का जो ऑप्शन आया, ये सबनेट का मेरे को वैल्यू समझ नहीं आया, जो 00 का वैल्यू है। 00 मतलब होस्ट आईडी, होस्ट हमेशा 00 होता है, कुछ भी हो सकता है होस्ट, नेटवर्क नहीं बदलेगा, राइट? जैसे कि अगर मेरा नेटवर्क चल रहा है 192.168.100.0
जीरो, तो मेरा कंप्यूटर आईपी लास्ट एक हो जाएगा वन, अगला हो जाएगा टू थ्री, क्या इधर भी बदलेंगे आप? नहीं ना, अगर इधर आप 193 कर दे, कह दो क्लास तुम्हारा सेम है, इधर मैं 3 कर देता हूँ, तो फिर तो ये नेटवर्क चेंज हो गया ना, फिर दोनों पिंग कैसे करेगा? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर दिया था, कंफ्यूज मत हो आप, अभी ध्यान दो इधर। तो मैंने 24 प्लस, अब मुझे 8 बिट यहाँ पे होस्ट वैल्यू को ऐड करना है, क्लियर है? तो मेरा होस्ट वैल्यू मैं एड 00 नहीं 11 के बिट में लिखता हूँ, बिट लिख रहा हूं मैं, ना कि वन नेटवर्क ना कि होस्ट। तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5, 6, 7, 8, ओके। एंड इधर 0 की 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, ये एक टेबल बनाना पड़ेगा 2 की पावर 0 सबनेटिंग के लिए, जैसे केमिस्ट्री का एक नहीं होता है टेबल, वो कैलकुलेट करते हैं जहां पे एटम और ये सारी चीजें निकालते हैं, तो वैसे ही उस टेबल से पूरा आप कैलकुलेट करते हो केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स की डिटेल्स, वैसे ही यहाँ पे भी पूरी केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे ही करके 2 की पावर 7 तक लास्ट में आता है, तो मैं ये लिख नहीं रहा हूं, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होता है? 1। ओके, कोई 0 नहीं बोला, 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो भाई, ओके 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64, एंड 7 का 128, ये 4 मेरा, ये जो 4 है वो जैसे उड़ रहा है, तो इसको सही लिखता हूं, सब आइडेंटिफाइड है। एंड अब मैं ऊपर कलर चेंज करता हूं, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग यहां पे समझना पड़ेगा। टॉप पे जो हमारा वैल्यू है सेम 128 है, इसमें आप ऐड करो 64, कितना आएगा? 192 में 32 ऐड करना है, कितना आएगा? 224 में 16 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, एंड 1 ऐड करना है। आपको पता चला 8 ब्लॉक में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीस जो होते हैं वो 255 तक ही जाते हैं, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, इसीलिए 256 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है 255 पे, ये पूरा बिट जो पूरा ब्लॉक जो होता है ना, एक पूरा ब्लॉक 8 बिट का फुल हो जाता है, राइट? फिर आपका इधर एक्टिवेट करना पड़ता है, तो वो एक्टिवेशन प्रोसेस अभी आप जब कैलकुलेट में करूंगा सबनेटिंग पार्ट तो वो देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, आप कोई भी सबनेटिंग करो ए क्लास, सॉरी इस क्लास में, इस नेटवर्क में, ये फॉर्मूला इसी टेबल से कैलकुलेट होगा, इसी टेबल से निकालने वाले। ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? सबनेट आईडी। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सबनेट आईडी एंड दिस इज ब्लॉक आईडी, दिस इज ब्लॉक आईडी, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं अनदर उससे। अब आ जाते हैं, मुझे 120 होस्ट फर्स्ट एक जगह नेटवर्क में चाहिए, 124 एक, और हमारे पास जो आईपी मिली हुई है मुझे इसी के साथ कैलकुलेट करना है, इसी आईपी का सबनेटिंग करना है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप सिंपल यूज करिए, लाइक नंबर ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे, अब n हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे मैथ में मानते हैं ना, माना n इज इक्वल टू या ये रमेश इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू फाइंड करके रमेश की एज निकल जाती है, वैसे यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखो, नंबर ऑफ नेटवर्क मुझे यहाँ पे सबनेट करना है, 24 ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो मैं एक इधर का एरिया ले रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 192.168.100.0/24। अगर मैं यहाँ पे प्लस वन कर दूं तो नेटवर्क हमारा कितना है टोटल? 24, और होस्ट कितना है? 8, यही तो रिमेनिंग है सी क्लास में, क्यों? अगर मैं 24 में प्लस वन कर रहा हूं तो यहाँ पे माइनस वन होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर मैं इधर तक का तो यूज कर चुका हूं, अगर मैं यहाँ का यहाँ इसको भी एज ए नेटवर्क यूज करना चाहता हूँ तो इसको वन करूंगा ना, मतलब ये हम एक्टिवेट करेंगे ना, इधर ऐड करेंगे ना, यानी कि ये पूरा नेटवर्क बढ़ के यहाँ तक आएगा, और होस्ट कितना बचेगा? 7 बचेगा। समझ में आया प्रोसेस?
तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा एक 24 बिट का नेटवर्क और एक आ जाएगा 25 बिट का नेटवर्क, ओके। और यहाँ पे हमारा जो होस्ट आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो n की वैल्यू मैंने कितना रखा हुआ है, दिस इज n एंड दिस इज h। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। दो नेटवर्क हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि दो नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। और होस्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, होस्ट भी मैच करना चाहिए, 120 से थोड़ा ज्यादा हो चलेगा एक दो आईपी, बट कम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 की पावर h माइनस 2। h की वैल्यू कितना है, 2 की पावर 7 माइनस 2, 128 माइनस 2, 126 पीसी ऑन ईच नेटवर्क। तो मैच हो रहा है क्या, इधर भी मैच हो गया, ये भी हमारा ठीक है, इतना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, यानी कि हम एक नेटवर्क बढ़ाएंगे तो हमारा सबनेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं टेबल के अंदर। टेबल हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि दो नेटवर्क है तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। टेबल के लिए मैं यूज करता हूँ व्हाइट कलर, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेटवर्क आईडी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा होस्ट आईडी, और लास्ट में आपका आ जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीन चीज कैलकुलेट करना ही करना पड़ता है, राइट। नेटवर्क आईडी, पहला नेटवर्क आपका क्या है, बोलिए, 100.0। ये हमारा पहला राउटर या उसका आईपी हो जाएगा। उसके बाद इसमें ब्लॉक गैप कितने का आ रहा है, देखो 25 पर 24 तो हमारा हो गया एक नेटवर्क, 24 पे हमारा चल रहा है एक नेटवर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका सबनेट आईडी 255.255.255.0 हो जाएगा। 25 वाला मिसिंग है, यही तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 25 पे क्या होगा प्लस वन करने के बाद, है कि नहीं। 24 तो हमें अंडरस्टूड है कि नहीं। तो 25 के लिए हमें आना पड़ेगा 24 प्लस 1, ये वाली बिट के पास, इससे पूछना पड़ेगा। अब इस बिट पर हमारा ब्लॉक साइज, यानी कि देखो इधर लिखा है नीचे का आईडी जो है ब्लॉक है और ऊपर का सबनेट है, तो ये हमारा जो आईडी है, दिस इज ब्लॉक आईडी, एंड यू कैन ऐड द पर्टिकुलर ब्लॉक आईडी इन लास्ट ब्लॉक। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 128, तो सेकेंड नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये, अब अगर आप इससे एक माइनस कर दें तो इस नेटवर्क का लास्ट एड्रेस इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, सो 192.168.100.127। एंड इसमें भी आपको गैप कितना ऐड करना पड़ेगा, 128 का, तो लास्ट आईडी जो होगा इधर का वो कितना आएगा, 100.255। क्लियर है। अब आपका एक नेटवर्क यहाँ पे हो गया, एक नेटवर्क यहाँ पे, एक इधर, एक इधर। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, कौन बताएगा, जिसको समझ में आ गया वो बता देगा। व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर सेकेंड नेटवर्क आईडी, क्योंकि यहाँ पे सबनेट आईडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इस पे कैलकुलेट करते हो तो सबनेट लास्ट में कितना हो जाएगा, 128। तो अगर 24 प्लस 1 कर रहे हो तो 25 पे ये सबनेट आ जाएगा, अगर 24 प्लस 2 कर रहे हो, 1 प्लस एक और यानी कि 2, 26 पर कितना आ जाएगा, 192। समझ में आ गया। अब सबनेट, अगर कोई सबनेटेड मास्क निकालना है किसी भी उसका, तो लिख लेंगे अब, बिल्कुल सर, ओके। तो अब हमें यहाँ पे, अब होस्ट तो कैलकुलेट कर लो आप लोग, इसमें पहले कंप्यूटर का आईपी क्या होगा इस नेटवर्क में, तो राउटर उस पे असाइन हो गया, दूसरा हमारा 192.168.100.1 192.168.100.2, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 करते करते 192.168, इससे एक कम रहेगा बस, सो 100.126। तो कितने कंप्यूटर आ रहे थे, मतलब मैच भी होना चाहिए ना, वैल्यू जो आ रही है वो मैच होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो 126 हमारा कैलकुलेट हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं 192.168. फर्स्ट होस्ट की आईपी क्या होगी और लास्ट होस्ट की आईपी,
ये हमारा हो गया, समझ में आया? जी सर। ओके, तो ये रहा एक सबमिटिंग। अब मान लिया, एक और बता देते हैं ताकि किसी को अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाए, अगर थोड़ा बहुत डाउट है किसी को, बाकी तो सबको आ ही गया। अब यहाँ पे हम लोग मान लिया कि चार नेटवर्क डिवाइड करते हैं, N1, N2, N3, N4, है ना, और मुझे हर नेटवर्क में 60 पीसी की जरूरत है, 60 पीसी, 61 पीसी, 55 पीसी, ऐसे कुछ करके। तो इसको हम लोग पीसी रिक्वायरमेंट बाद में समझ लेंगे, अभी चार नेटवर्क बनाने हैं। और हमारे पास है एक आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.100.0/24+। अब बताओ फोर नेटवर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले जो कि 2n होगा, नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 2h-2 होगा। अब यहाँ पे बताओ 2n कितना करें कि चार नेटवर्क आए, 2, तो हम लोग यहाँ पे +2 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 2 की पावर 2, 4 नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद हमें एटलीस्ट देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना रिमेनिंग बच रहा है, 2 की पावर 6-2 कितना हो रहा है, 64-2=62 पीसी, यही तो बच रहा है, आप कैलकुलेट कर लेंगे इजिली, ये हो गया। अब आप टेबल में आ जाओ कि 2 यानी कि 26 हो जाएगा, 24+2 26 बिट पर नेटवर्क क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 192.164 यानी 64-64 का गैप आएगा इन दोनों के बीच में, और कितने नेटवर्क कितने बार गैप आएगा, 4 टाइम, है ना, यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो अब यहाँ पे ये या तो 64-64 तब तक ऐड करो जब तक इसका सबनेट मास्क ना मिल जाए, आपको ऑटोमेटिक उतने ही नेटवर्क मिलेंगे जितना आपका वैल्यू है, तो 64192 याद रखेंगे। तो आ जाते हैं इस टेबल को क्रिएट करते हैं, इसमें तो हम लोग क्रिएट करेंगे कैसे, जस्ट इसको एक तरफ नेटवर्क आईडी, एक तरफ होस्ट आईडी और एक तरफ ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये 1, 2, अब मुझे चार ब्लॉक है तो चार डिवाइड कर लेना है, नो इश्यू, 192.168.100.0, क्लियर है। कितने का गैप है, कितने का गैप है, ब्लॉक साइज कितना है, 64 का। ओके, तो अभी कितना लेकर आना है हमें, 192 तक, उसके ऊपर की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, वो भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, या तो चार कैलकुलेशन करो आप यहाँ से, तो 1 हो गया 2 हो गया, एक और मुझे करना है, 100.64 में फिर 64 कितना आ जाएगा, 128, तो थर्ड हो गया, मुझे चार नेटवर्क चाहिए था, एक और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा, 255। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 192 ही आएगा, इधर आप देखो, है ना, ऊपर का, और फोर नेटवर्क आपको मिल गया। अब जब इतना वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसका एक माइनस करो आप पहले वाले का ब्रॉडकास्ट फाइंड करने के लिए, तो 100.63 इस वाले में क्या हो जाएगा, अब इसमें 64 ऐड करो, 192.168.100.127, और इससे मैंने एक कम कर लिया, 192 से एक कम कर दिया, इसका आ जाएगा 192.168.100.191 एंड देन 192 डॉट लास्ट में क्या होता है हमेशा 255। तो इधर पहले कंप्यूटर का आईपी क्या हो जाएगा, 192.168.100.1234567891010, कितना होगा लास्ट में, 192.168.100.62, कितने पीसी आ रहे थे, 1 से लेके 62 मैच हो गया, मतलब ओके है। एंड फाइनली यहाँ पे जो आईपी आएगी 192.168.100.65 से 192.168.100. कितना आ जाएगा आपका 126 एंड 192.168.100.129 to 192.168.100.190, कहीं गलत हो तो बताना आप,
93254 ठीक है। अब थर्ड ब्लॉक का करना हो काउंट तो कर लेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट जितना करना होगा पूरा करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। तो बस ये हमारा सबमिटिंग का पार्ट होता है। तो अभी कितने लोगों को लग रहा है कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा या सबको क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत डाउट है, क्लियर हो गया नहीं हुआ? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके कैलकुलेशन सर मुझे नहीं क्लियर हुआ। हाँ इसको वीडियो देखिएगा, दो बार तीन बार इसको देखना पड़ेगा। ये एक बार में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है ना। तो वैसे भी मैथ सबका फेवरेट नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ता है ना। तो कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, वीडियो देखेंगे, एंड अगर नहीं आता है तो कल मैं बी क्लास और सी बी क्लास और ए क्लास की सबमिटिंग करवाऊंगा, ठीक है? तो उसमें आपका क्वेश्चन था क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बताइए। सर ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट आईपी यूज होता है या पब्लिक आईपी यूज होता है? दोनों यूज होता है। ये प्राइवेट देखो मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसा नेटवर्क मॉडल जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इकोसिस्टम के लिए कम्युनिकेशन अलाउ कर रहा है, राइट? और पब्लिक कनेक्शन या आईपी का मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क मॉडल जो कि आप अनदर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो, ये डिफरेंस है, ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी का। अब ऑर्गेनाइजेशन में मान लिया कि मेरा एक कंपनी है, समझिएगा मेरा एक कंपनी है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सारे कम्युनिकेशन पिंग करने हैं या आपस में सबको आईपी देना है, तो क्या मुझे कोई पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक आईपी की जरूरत है? या तो फिर हमारा एक ब्रांच ब्रांच वन का नेटवर्क है, ब्रांच टू के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ का आईपी यहाँ रहने दूंगा, यहाँ का यहाँ, और इन दोनों को मतलब इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल से रूट करवा दूंगा, ये दोनों एक प्राइवेट नेटवर्क में काम करेंगे। पब्लिक आईपी तब होगा या पब्लिक आईपी उसको बोलते हैं जब हम किसी अनदर नेटवर्क के साथ पिंग करें, है ना, या इंटरनेट मॉडल कनेक्ट करें, है कि नहीं? तो अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अभी मेरे पे इंटरनेट चल रहा है ना, तो मेरे पे प्राइवेट आईपी भी चल रहा है और पब्लिक आईपी भी चल रहा है। अब कहोगे आप ये कैसे, मैं अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम का आईपी दिखाऊं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे असाइन है, तो यहाँ मैं नेट आईपी पढ़ाऊंगा तो उधर आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं अगर यहाँ पे लिखूं आईपी कॉन्फिग एंटर, तो मेरा जो प्राइवेट आईपी मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे है ये आपको पता चल जाएगा। आप लोग अगर हमारी इस आईपी से पिंग करेंगे, भले ही मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, आप सब लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हो, बट वो पिंग करेगा? अगर मैं यहाँ पे जो आईपी दिखाऊं वो नहीं पिंग करेगा, क्योंकि हमारा प्राइवेट आईपी है ये और हमारे मॉडम से एक पब्लिक आईपी जनरेट होता है ना। तो जब तक इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आपको पब्लिक आईपी या पब्लिक कनेक्शन या वैन कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इंटरनेट भी दो तरीके से होता है, एक प्राइवेट वैन कनेक्शन होता है और एक पब्लिक वैन कनेक्शन होता है ना। यानी कि या तो हम दिल्ली और मुंबई की ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट आईपी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लें जो कि इंटरनेट मॉडल का यूज करके, या तो फिर मैं अपना एक मॉडल एस्टेब्लिश करूं जो कि मेरा सर्वर और पब्लिकली सभी लोग बाहर से एक्सेस कर लें, है ना। आप भी एक्सेस कर लो लाइक cicolive.com। यस आर नो? तो आगे हम लोग जब इस मॉडल को डिजाइन करेंगे, समझेंगे लाइक लीज लाइन सेटअप, रिले सेटअप, नेट सेटअप, तो क्लियर होगा, है ना। सर उसको वीडियो की थ्रू पढ़ने की कोशिश करी बट फिर भी अभी थोड़ा सा फंडा क्लियर करना। अच्छा तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। थोड़ा और बाकी सभी लोग, तो सबनेटिंग नेक्स्ट हम लोग अभी करने वाले हैं, आगे अभी सबनेटिंग चलना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में समझ गए होते आप लोग तो अच्छा रहता। कल तो दो दो बार कराया था,
ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से लेके राइट, और अच्छे से इसको समझिएगा, क्लास चेंज करते हैं ओके, ताकि आप बी क्लास का भी देख लो, सेम क्लास पे करने का कोई मतलब नहीं है। बी और ए को यहाँ पे एक एक बार और करते हैं, सेम पैटर्न सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला ओके, एंड बस वही है टाइम हमें और ये सारी चीजें बार बार करना है। सुनो इशू, आ गए सभी लोग, रिकॉर्डेड देने के बाद तीन चार लोग गायब भी होते हैं, मैंने स्टार्टिंग डे में भी बोला। रेडमी 8 से अभी भी कोई है जो कि आइडेंटिफाई नहीं करा रहा है? बाकी तो सभी जाने पहचाने हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग सर। इसका लेकिन प्रैक्टिस करने का कैसा, वो तो समझा नहीं। प्रैक्टिस करने का कैसा मतलब, बस आप, हमने n प्लस वन किया था और टू किया था, अब n प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फर्दर बिट्स पे अप्लाई करिए जो भी है। ओके एक बार और एक मतलब सीबीएस ए क्लास का एक बार बता दो फिर शायद आज क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, ध्यान दो, अब मैं बताता हूँ। और प्रोडक्शन लेवल पे आप राम जी पूछना चाहते हैं क्या कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर कैसे डिवाइसेस में, ऐसा लाइव देख वो अगर ऐड कर दूंगा तो और कंफ्यूजन होगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, फिर आगे हम लोग राउटिंग और सब करेंगे ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ नहीं तो उसका तो अभी मैंने कहीं पे राउटर और ये कुछ भी ऐड करके वो नहीं किया है ना, नहीं तो वो होगा कि कौन सा राउटर, फिर कोई ADSL समझेगा, कोई VDSL समझेगा, कोई कोरेज या स्मार्ट राउटर समझेगा, कोई बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। तो जो हम लोग अभी टास्क कर रहे हैं सबनेटिंग का उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन अभी फुल स्क्रीन यूज करूंगा आज और फिर इस पे देखते हैं। तो स्टेप वन स्टार्ट होता है बी क्लास ऑफ आईपी, तो बी क्लास सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, तो जिनकी मैथ तेज है ना वो बताएंगे, मैं भी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि 65,000 आईपी में कैलकुलेट करना है राइट। तो बी क्लास सबनेटिंग में हम कोई भी एक एड्रेस ले लेंगे लाइक 172.168.00, हो गया बी क्लास। सर स्क्रीन मेरा विजिबल नहीं है, सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन मैं राइट कर रहा हूँ ये? दिख रहा है सर, अपने एंड से चेक कर रहे हैं। ओके सो नेक्स्ट थिंग 172.168, बिल्कुल ध्यान से समझो कि कल कुछ भी नहीं हुआ था और इसको फोकस करो सभी लोगों के, म्यूट कर लो और 10-20 मिनट बिल्कुल भी वो मत करिएगा, अदरवाइज पूरी मेहनत बेकार होगी फिर। सो 172.168.0.0 एंड दिस इज द बी क्लास ऑफ आईपी एंड द नेटवर्क लेंथ इज 16 एंड होस्ट लेंथ इज 16, क्योंकि टोटल आपका कितना होता है आईपी वर्जन 4 में 32 होता है। सो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे N1 एंड N2 क्रिएट करना है, दो नेटवर्क क्रिएट करना है ओके, एंड दिस इज द नेटवर्क आईडी और दिस इज द मेन और रूट नेटवर्क आईडी। अब इस नेटवर्क आईडी को डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो नेक्स्ट स्टेप हमें सेम फॉर्मूला पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्मूला के लिए हम आ जाते हैं 16 प्लस, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 16 प्लस, एंड कल हम लोगों ने क्या किया था 24 प्लस 1 2 3 4 5 6 किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे 16 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हम लोग के पास एक ही ब्लॉक था बट यहाँ पे हमारे पास 16 के बाद दो ब्लॉक है ना, क्लियर है इतना? तो इस वजह से, और ए क्लास में जब आप जाएंगे तो यू हैव 3 ब्लॉक्स टू सबनेट द आईपी ओके, और यू कैन मॉडिफाई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, तो 3 ब्लॉक आपके पास होते हैं ए क्लास में क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा उसमें होते हैं, तो इसमें फिर भी आपके 50-50% आ रहे हैं नेटवर्क एंड होस्ट। सो नेक्स्ट थिंग मुझे एड करना है अगर एन प्लस 1 करना है तो एक नेटवर्क बढ़ाएंगे तो हमारा दो नेटवर्क बन के
मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड है सभी को। कल भी मैंने बताया था कि अगर हमने 16 प्लस 1 किया तो हमारे पास n प्लस 1 आया, और फिर यहाँ पे हम लोग एक को दो पार्ट में बना सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें क्या ऐड करना होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 2 की पावर n, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो दो नेटवर्क मुझे मिल गया एंड इसको हम n कर देते हैं, एंड फाइनली नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर h माइनस 2। 2 की पावर h की वैल्यू अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप लोग बताओ क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेटवर्क वैल्यू अगर 16 है तो h की वैल्यू है 16, ओके, तो h माइनस 1 होगा और यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 17, ओके, तो यहाँ पे 17th नंबर बिट पर आपका सबनेटिंग होने वाला है। क्लियर हो गया ये, जैसे हमारा 25 पर कल हुआ था। एंड अब मैं यहाँ पे जब 16 माइनस 1 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो h की वैल्यू 15 है और यहाँ पे n की वैल्यू प्लस 1 कर रहे हैं, है ना, प्लस 1 जो बोरो करेंगे n में वो आपका 2 की पावर n की वैल्यू होगा, और जो आप रिमेनिंग होगा वो आपके 2 की पावर h की वैल्यू होगा, ओके, होस्ट बिट से। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर h यानी कि 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 15, कितना आएगा, सिक्स फाइव थ्री टू सेवन सिक्स एट, चेक करिए देखिए। तो टोटल वैल्यू यहां पे आ जाएगा 3 2 7 6 6 पीसी ऑन ईच नेटवर्क। हर नेटवर्क में कितने पीसी आएंगे, 32,766। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है, कैलकुलेट नहीं किया किसी ने, 2 की पावर 16 नहीं 15 इज इक्वल टू 32768, ओके, तो हमारा आ गया 32768 और माइनस 2 कर लिया तो 32766 आ गया, ओके। एंड अभी ठीक है, अब इतना होस्ट कैलकुलेट करना है, तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर कहीं जरूरत है या नंबर ऑफ आईपी की जरूरत है तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसका भी अगर कहीं इसमें से डिमांड कर लिया गया कि बी क्लास का मुझे 10 नेटवर्क आईपी चाहिए तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है इसके लिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडस्ट्री या प्रोडक्शन लेवल में आपको आईपी कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको पता होना चाहिए एग्जाम इंटरव्यू कहीं पर भी, ताकि आप एटलीस्ट, बाकी वही है ना कि बैंक की नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ तैयारी करना पड़ता है, और पा जाने के बाद कैलकुलेटर से मशीन से सब कुछ वो होता है ना, फिर दिमाग का कोई वो नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे ही है, 16 प्लस 1 मैंने यहाँ पे किया क्योंकि 17 बिट पे वो है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 एंड जस्ट टॉप पे मेरा वैल्यू आएगा, क्या आएगा वैल्यू टॉप पे 128, ऐड किया 64 192, सेम कल वाला वही वैल्यू बनेगा 192 एंड देन 224 224, 16 ऐड करेंगे 240, 8 ऐड करेंगे 248, 4 ऐड करेंगे 252, 2 ऐड करेंगे 254, 1 ऐड करेंगे 255, राइट, तो ये हमारा वही रहेगा। इधर अभी ऐड करने की जरूरत नहीं, आप देखो 17th नंबर बिट पर ऐड करने के लिए जो कि आपकी 7 ये वैल्यू आ रही है 16 प्लस 1 17 में, तो क्या करना पड़ेगा आपको 32 से लेकर यानी कि लास्ट बिट को फुल करते हुए आना पड़ेगा एंड देन आप यहाँ पे आएंगे, यानी कि इसको कैलकुलेट करो, इसको 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 सभी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, सभी जीरो है,
सभी एक्टिवेट करेंगे देन फाइनल इसको एक्टिवेट करेंगे तब आपको सबनेटिंग मिलेगा 17 नंबर बिट का। एक लंबा प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो डाउन साइड का एरिया होता है दिस इज फॉर दिस इज ब्लॉक साइज, ये आपका ब्लॉक साइज है एंड ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था दिस इज फॉर सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, अभी फाइनल कैलकुलेट करना है तो दो नेटवर्क है या यहाँ पे दो नेटवर्क आया हुआ है तो दो ब्लॉक बना लेंगे। ये रेड अजय क्या लिख रहे हो आप? मैंने सारी परमिशन इसलिए सबको दे रखा है कि काम पढ़ने पर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट। देखो अब मेरा भी पेन डिस्टर्ब हो जाता है ना क्योंकि सेलेक्ट हो जाता है वही। ओके डन, तो मैं यहाँ पे आ गया एंड फाइनली दो ब्लॉक मुझे डिवाइड कर लेना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्लॉक, ये हमारा हो गया सेकेंड ब्लॉक और इसको भी इधर नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करेंगे, इधर ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करेंगे और मिड में आप होस्ट आईडी कैलकुलेट करेंगे। सो नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी एंड होस्ट आईडी, राइट। अब बताओ इतने में अगर कहीं कोई डाउट लग रहा हो किसी को तो पूछो आप। क्लियर है ना इजिली, बस हमें फॉर्मूले में फिक्स करना है डिटेल। सर ये जो 128 है 16 प्लस 1 के ऊपर भी नीचे ये किधर से काउंट करना है? ये तो ये वाले एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ, ये मैंने एक टेबल बताया था जैसे कि एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल या क्वेरी मेरे तरफ से है कि मुझे ये बताइए, एक मैंने वर्ड लिखा वह जाता है, अब ये वैल्यू जो है सॉरी, अब इसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो क्या लिखना पड़ेगा? ही गोज आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे गो लिखना चाहिए ना। क्यों गोज लिख रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है ना, कि अगर प्रॉपर लिख समझ तो ऐसे भी जाएगा, किसी को बोल दो ही गो है ना या गो तब भी वो समझ जाएगा, लेकिन मे बी वो एक पैटर्न में नहीं आ रहा, बट समझने के लिए ओके है, फॉर्मूला डिजाइन किया गया, राइट। यानी कि पहले से ये चीज सारी चीजें फिक्स की गई है। तो वही मैंने कल भी बताया था कि ये एक फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर आप 24 बिट पे सबनेटिंग कर रहे हो तो आपके पास प्लस 8 है, 16 पर कर रहे हैं तो आपके पास 16 है, अगर आप 8 पर कर रहे हैं तो आपके पास 24 है ना, जस्ट अपोजिट होता जा रहा है। तो अगर ये आप देख रहे हो तो सी क्लास के अकॉर्डिंग है, बी के अकॉर्डिंग है और ए के अकॉर्डिंग है। मेरे कहने का मतलब समझिए कि फॉर्मूला सेट कैसे किया गया, ये हर ब्लॉक आपके जो चार ब्लॉक होते हैं जहां पे आप आईपी देते हो वही चीज रिपीट करा करा के आप लोग पूछ रहे हो। उसके बाद मैंने यहां से 32 लिखा था, तो मैंने बताया था ना हर ब्लॉक में कितना होता है, जो नेटवर्क ब्लॉक होगा वहां पे 11 से डिनोट होगा और जो होस्ट ब्लॉक होगा वो 00 से होगा, राइट। तो इन सभी ब्लॉक को 1100 से एज पर नेटवर्क एंड होस्ट आईडी से रिकमेंड करते हैं और सबनेट मास्क डिफॉल्ट निकल के आता है वहीं से, नेटवर्क जहां पे होता है 255 हो जाता है, बाकी 00 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो 8 बिट आपका निकल के आ रहा है उसको बिट को लिखने के लिए मैं हमेशा 111 ऐसे यूज कर ले रहा हूं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस पहला बिट हो गया, या समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा हो गया प्लस, मतलब ये एक हो गया, ये दो हो गया, दो ब्लॉक तक। अब तीसरा यहां से ऐड करते हैं 8 बिट, 1 2 8 बिट होता है ना हर ब्लॉक में। यस सर। तो अब किसी भी एक ब्लॉक को ले लो, जैसे इसमें 8 बिट फुल कैसे होगा, इसमें नंबर कैसे निकल के आते हैं, तो इनका एक फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, एक टेबल होती है ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ओके, यही मैंने नहीं लिखा है, ये बस वैल्यू नहीं लिखा है, ये मैंने लास्ट डे बताया था
कि इसको डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ लाइक ब्लॉक साइज या डायरेक्ट ब्लॉक साइज आप लिख लो, तो ये होता है वन, यहाँ पे होता है टू, यहाँ पे होता है फोर ब्लॉक, यहाँ पे होता है एट ब्लॉक, यहाँ पे होता है सिक्सटीन ब्लॉक, यहाँ पे होता है 32 ब्लॉक, यहाँ पे बनते हैं आपके सॉरी 32 नेटवर्क होस्ट के ब्लॉक, एंड यहाँ पे बनते हैं 64 का, यहाँ पे बनता है 128 का, राइट। और इसके जस्ट टॉप पे 128 एंड देन यहाँ पे 64 ऐड करते हो तो 192, देन 224 एंड लास्ट में 255। जैसे ही 255 तक होता है ये 8 बिट आपका फुल हो जाता है, फिर नेटवर्क आपका आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ये वैल्यू अगली एक्टिवेट हो जाती है। समझ में आया? तो ये टेबल है, इसको याद रख कर लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वो टेबल बनाई गई है, उसी टेबल के वैल्यू से ये चीज फाइंड होगा, है ना। तो अब मेरा यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी लिख देना है। पहला नेटवर्क आईडी हमारा क्या है? जीरो जीरो। पहले नेटवर्क डिवाइस का आईपी हो गया जो कि हमारा राउटर हो सकता है, एंड उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कितने का ब्लॉक? 128 का, क्लियर है। अब 128 आपको कहां पे ऐड करना है, देखो कहां पे ऐड है, थर्ड ब्लॉक में या सेकंड ब्लॉक में या फर्स्ट ब्लॉक में या लास्ट ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक में, किधर है 16 प्लस किधर जा रहा है? फर्स्ट, थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक, तो थर्ड ब्लॉक यहाँ पे क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, इसमें ऐड करिए कितना 128, कितना आ जाएगा 172.168.128.0, राइट। बस अब इधर इससे एक कम करके इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल दो आप, 172.168.0.257.255, लास्ट में हमेशा 255। तो सर होस्ट मतलब अगर जो जीरो होस्ट काउंट कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, तो उसका हमेशा मैक्सिमम इस ब्लॉक का लास्ट जो आईपी होगा वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा आपके नेटवर्क का, ओके। अब आप एज अ सर्वर के लिए वो आईपी ले सकते हो, ब्रॉडकास्ट सर्वर बनाना हो या ऐसा होता है ना प्रोडक्शन के अंदर कंपनी के अंदर, तो उसको समझेंगे आगे। 172.168. अब 127 का भी क्या हो जाएगा 255 है कि नहीं, 127 प्लस 128 तो हो जाएगा .255.255। आज मैं सिखा के रहूंगा सबको 255 एंड 255। तो यहाँ पे बस ये हो गया, एंड अब यहां से बताइए, अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखिए। तो पहले कंप्यूटर का आईपी क्या होगा? 0. दूसरे का 0.2, ऐसे करते 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 लास्ट में कहां तक आप आ जाएंगे, 172.168.0.255। अब यहाँ पे 255 कैसे आ गया, इधर भी 255 है, यहाँ पर भी है, ये दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के। एक कम कर देंगे? नहीं कम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम ऑलरेडी है। अभी सिर्फ मैंने 255 कवर किया है, 256, अभी यहाँ पे 32,000 ऐड करना है इस ब्लॉक में, है ना। तो अभी 31,000 प्लस एड्रेसेस मिसिंग है यहाँ पे, तो 32,766 लेकर आना है ना टोटल। अभी तो हमने कैलकुलेट किया 0 से लेके 255 तक, ओके। तो कितना कैलकुलेट हुआ 256 प्लस, अभी इसमें से माइनस करो भी कितने रिमेनिंग है होस्ट, 327666 से इतना माइनस कर दीजिए, बाकी के बचे हुए अभी इसमें ऐड करना है। तो जैसे ही आपका 255 यहाँ पे होगा, आपका नेक्स्ट बिट एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला, समझ में आया। यानी कि जीरो की जगह क्या हो जाएगा वन, और ये तब तक एक्टिवेट करते जाएंगे 255 करके जब तक कि आपको ये वैल्यू ना मिले, समझ में आया, या ये वैल्यू ना मिले आने वाले समय, समझ में आ गया। तो सेकेंड आपका स्टार्ट होगा 172.168.1.0 लिख सकते हो, बट जीरो होस्ट के लिए अप्लाई नहीं होता है,
ठीक है, इसको एज अ जीरो नेटवर्क में ऐड कर दो, ये समझना आप, कहीं पर भी अगर कोई पूछे तो ये डिफरेंस आप बता सको, है ना, कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा मैंने, नहीं तो बता दो बस नहीं लिखा तो फिर गलत हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, यहाँ पे जीरो क्योंकि नेटवर्क में जीरो यूज कर सकते हो नेटवर्क बिट में, राइट। और यहाँ होस्ट के लिए हम 1.1 लेकर चलेंगे, एंड आपका ये लास्ट आईपी क्या आएगा, 1.25, बस समझ में आ गया सबको। अब हमारा जैसे ही ये 2551 का कंप्लीट होगा तो 256 एक और हो गया, तो प्लस हम लोग अभी इतना ऐड करना है, तो ऐसे ही आपका एक और प्लस करते हैं 168.2.1, क्योंकि 2.0 इधर चला गया, एंड देन लास्ट टाइप इसका 2.255, राइट, 255, ये 2.255, एंड देन लास्ट इसका कितना आएगा, 127 का कैलकुलेशन कर लो, 172.168.127, नहीं 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 127.1.1 है ना, यस, से स्टार्ट होगा एंड देन 172.168.127.254, अब 4 इससे कम क्योंकि आप लास्ट आईडी पे पहुंच गए, तो कितनी बार आपने यहाँ पे 255 किया, आई थिंक 0 से लेके 127 टाइम, राइट, 127, हाँ, तो लगभग में इतना आ जाएगा जब ऐड करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस निकल के आता है ये टोटल इतना, एंड देन यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 172.68.128.1 से स्टार्ट होगा, एंड देन लास्ट टाइप इसका क्या होगा, 255, 128.1 से लेकर, है ना, क्यों, या 129 ऐड कर ली, हेलो जी सर, कंफर्म ना, अगला बताइए, 172, 168, 128, 129, 2, 1, 129 से स्टार्ट होगा ना, 128 फुल हो गया 255, अब लेकर जाना है 255 तक, राइट, तो 172.168.129.255, ऐसे ही आपका 130.1 से स्टार्ट होगा और 130.255, ऐसे ही आपका लास्ट का हो जाएगा 172.168.255.1 से 172.168.255.254, है ना, तो ये सबमिटिंग आपका होता है, तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, इसको कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ, ऑनलाइन कैलकुलेटर, जो कि आप देख सकते हो, बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें सारी सबनेटिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस, अभी मैं कौन सा एड्रेस लिया हूं, अभी मेरे पास है 172.168.0.0, यही है 0.0, ये इसमें अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 32,766 पीसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कुछ ऐसे वैल्यू मुझे मिला है, तो मैं इसमें 17 बिट पे काम किया हूं ना, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 17 बिट पे, तो जब मैंने 17 बिट एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, देखिए क्या मिला, देखिए 17 बिट पे क्या मिला मुझे, 172.168.0.0 से 127.255, तो मुझे लास्ट में वही मैंने लिखा है ना इधर, यस, 127.255 मैच हो रहा है वैल्यू, है ना, यानी कि यहाँ पे 172 जीरो नहीं लिखा गया है क्योंकि जीरो हमारा होस्ट बिट में आएगा ही नहीं, राइट, डिसेबल बिट होस्ट पे या कंप्यूटर पे अप्लाई नहीं होता, तो 1 से लेके 127.254 तक आया है, तो देखो यहाँ पे 127.254 है ना, yes. तो यानी सही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाले में 128.0 में 128.1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में
255.254 आया है, तो वहां तक एक्टिवेट करके मैं आया 255.254 एंड देन लास्ट में 255.255, क्लियर है? तो इजीली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें शॉर्टकट दिखा रहा है, सारी आईपी तो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसमें आपको जब यहां से कैलकुलेशन समझ में आएगा तभी ये कैलकुलेटर अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अब मुझे 18 बिट पे करना है, तो आप यहां से देख लो 18 बिट पे चार नेटवर्क आ रहे हैं। अब 17 बिट पे टोटल देखो 32,766 आ रहे हैं ना, माइनस टू करने के बाद, yes, एक सबनेट बढ़ाने पर। क्लियर हो रहा है आप सबको? yes, तो ये भी एक तरीका है। कल मैंने एक आईपी ऐड किया था 192.168.0.100.0 और 100.0 पे 25 बिट पे, क्योंकि ऑटोमेटिक देखो 24 के पहले तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये थर्ड ब्लॉक तक ऑलरेडी मैं यूज्ड दिखा रहा हूं, है ना। अब समझ में आया? तो मेरा यहाँ पे 25 बिट पे 126 पीसी आ रहे हैं, 7 होस्ट हैं, 2 मैक्सिमम होस्ट मैक्स सबनेट बनेंगे, एंड यहाँ पे एक नेटवर्क की सबनेटिंग करने के बाद 0. से लेकर 0.100.127 तक आ रहा है, सॉरी 100 से लेके 100.127, 101 से लेके 126 यहाँ पे आ रहा है, एंड 128 से लेकर 100.129 प्लस 100.254 तक यहाँ पे आ रहा है। तो कल यही वैल्यू सेम आया था, आप मैच कर लीजिएगा ये। और अगर इस कैलकुलेटर से भी इजी कुछ आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ जाओ और लिखो आईपी कैलकुलेटर, आईपी सबनेट कैलकुलेटर। तो लाइव आईपी कैलकुलेटर बहुत सारे मिलेंगे, ये ले लो आप, ये एक दो मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक लगभग में सभी सिमिलर है। ये इसमें ऐड ज्यादा नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल ऐड नहीं आ रहा है, तो इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ आज, जो मैंने लिखा 172.168.0.0 और इसका जो सबनेट मास्क है कितना है, यही है 17 बिट पे मैंने किया, समझ में आया। तो इसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है 172। अब यहाँ पे मुझे 32766 ये वैल्यू लेकर आना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एक करना है, और ये एक ही साथ कैलकुलेट कर दिया, तो आई थिंक नहीं सही है, दो दो में अलग अलग इसने किया 128 और ये वैल्यू मैंने वहां से भी फाइंड किया था, तो ये भी लगभग में सिमिलर है ना, कैलकुलेटर वही दिखा रहा है जो उधर हम लोगों ने किया 172.127.255.255, है ना, 127.255। तो ब्रॉडकास्ट आईडी गलत बता रहा है क्या सर? कहाँ पे? यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है जो है अपना 127 आ रहा है ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 255.255 जो आपने ब्लू मार्क कर रखा है। हाँ तो इसने गलत बता रहा है। ओके ये आपका गलत बता रहा है, क्योंकि 255 अगर यहाँ कर देंगे तो फिर यहाँ 128 पॉसिबल है क्या? 255 से कम इधर होगा सेकंड ब्लॉक में, आगे बढ़ के रहना चाहिए, है कि नहीं सर? ब्रॉडकास्ट आईपी तो यूज किस लिए आएगा? ब्रॉडकास्ट सर्वर पे लगा सकते हैं, डीएससीपी में आईपी डीएससीपी के लिए बना दो और बीच वाली आईपी स्कोप में डाल दो आप, है ना, बहुत सारे तरीके से अरेंज किया जाता है। कोई भी ब्रॉडकास्ट डिवाइस लगानी है, डोमेन लगाना है तो लगा सकते हैं उस पर, जिससे जिसके थ्रू सभी को मैसेज ड्रॉप करवाने हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एक यूज किया था, तो 172.168.0.0 पे 17 बिट मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या इधर क्या दिखा रहा है इसमें 255 क्यों लिख के आ रहा है? यहाँ पे 127.255 तो यहाँ पे सबनेट कितना, दो ही है। हाँ ठीक है, इसमें गलत बता रहा है। तो मैंने वैल्यू फिक्स किया है ना 0.8 पर ही है, एंड 17 पे एक मिनट, ये हमारा ये वैल्यू लेकर चलना है राइट। अभी देखो आ गया, बट यहाँ पे 172.168.0.0 ये कुछ
इधर उधर दिखा रहे वैल्यू है ना, इसमें एक्चुअली प्री डिफाइन है इसका तो प्रॉब्लम। हाँ कुछ ऐसा है, तो आप दूसरा यूज कर लो, इसको यूज करके देखो। लाइक बी क्लास का है तो ए के लिए बी के लिए, अब बी के लिए 172 और 168.0.0 कोई भी ऑनलाइन ले लो। आईपी कैलकुलेटर मैंने बताया ऑफिशियल है, ये बेस्ट है, सबसे बेटर है, राइट? तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब मैंने यहाँ से ये ले लिया और मैं यहाँ से 17 बिट पे सबनेटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ से एक सबनेट दो नेटवर्क 32766 172.168.0.0 से स्टार्ट होगा 127.255 का, और ये हमारा होस्ट रेंज आ जाएगा पहले का। समझ में आया? यस सर। तो ये सही दिखा रहा है, इधर वाले में आप कैलकुलेट कर लो, ये और अच्छा लग रहा है। तो आईपी एड्रेस मैं अपने अकॉर्डिंग ही दे देता हूँ जो मैंने दिया, और इसको 17 पर कर लिया एंड देन कैलकुलेट किया। अब देखो ये लेकर 127.254, राइट, होस्ट सही आ रहा है और ब्रॉडकास्ट आईपी सही जा रहा है पहले नेटवर्क का, तो यानी कि ये सही है ना, और सही आ रहा है। माइनस टू करने के बाद वैल्यू सेम है, सबनेट मास्क हमारा भी सेम आ रहा है, और सेकेंड हमारा किधर है, ये 128 से लेके 0 और 128.1 से लेके 255, 254, 255, 255, राइट? तो ये सही है, ये आप ले सकते हो calculator.net। इधर भी हटा दो आप, क्योंकि सेकेंड वाला दिख नहीं रहा है सही से। और ये या तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे लिखो बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर, 5 MB का सॉफ्टवेयर होगा, इसको डाउनलोड करो। ये ऑफिशियल बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर का वो है, डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है? ये वाला समझ में आया? Yes.